हेलो, हाय, गुड इवनिंग. ओ, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आईडीटी पावर की आदत अभी तक गई नहीं है मेरी, गुड इवनिंग वाली. चलो, आ गए सब. ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर. गुड मॉर्निंग भव्या, योगेश, ईशा, शुभम. गुड मॉर्निंग. यस, हेलो शुभ्रता, अभिषेक, सुमन, जगदीश. हाय एवरीवन. चलो सो स्टार्ट करें अपना SCMP पावर फॉर May 23 एग्जामिनेशंस. आकाश सिंह, गुड मॉर्निंग जी. मोहिनी मानवी, गुड मॉर्निंग ऑल. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद आर SCMP पावर फॉर May 23 एग्जामिनेशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग, आई नो आप सबके हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन है, कैसे करना है, क्या करना है, फर्स्ट टाइम उसके लिए होगा या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं. शांति, सुबह सुबह आए हो, शांति. मस्त अभी सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट. एंड रेस्ट अश्योर्ड, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. चलो आ जाओ. सबसे पहले तो SCMP का फुल फॉर्म चलेगा, क्या करोगे जान के? फुल फॉर्म लिख के आ जाओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, इतना बड़ा है भाई. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. तो क्या है हमारा सिलेबस एक बार. सो हियर इज आवर सिलेबस. तो दो पार्ट है हमारे पूरे सिलेबस में, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और सेकेंड है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. तो भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं. लीन सिस्टम इनोवेशन में हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है. फिर डिसीजन मेकिंग में हम देखेंगे कि भाई कहाँ पे हमको सबसे ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज है, कैसे हमको डिसीजन लेना चाहिए. सो ये जो हमारा पार्ट ए है, ये पूरे कॉस्ट को मैनेज करने की और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने की बात करता है. लेकिन जो पार्ट बी है, अब डिसीजन आपने ले लिया, एक बार आपने कॉस्ट मैनेज कर ली, अब उसके बाद क्या? तो उसके बाद सब कुछ ढंग से हो रहा है कि नहीं, आपने जो डिसीजन लिया था वो ठीक है या नहीं, हम हमारे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं. जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पे आप क्या करते हो, पहले एक बजट सेट करते हो, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हो कि क्या हुआ, एंड बेस्ड ऑन दैट आप फर्दर डिसीजन लेते हो. अल्टीमेटली ये भी हमको क्यों करना है, ताकि हम आगे के डिसीजन ढंग से ले पाए. So, हमारा जो पूरा सिलेबस है दो पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम समझेंगे कि भाई कौन सी टेक्निक से हम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं. कॉस्ट को हमको रिड्यूस करना है ये हमारा एम नहीं है, हमको कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है. वेरस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में क्या होगा, जो हम कर चुके हैं उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर हमने पहले क्या गलती की है जो अब हम ना करें उसको सुधार सकते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. मोर और लेस हमारा क्या सीक्वेंस रहेगा, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है. बी फॉर ऑल दोज पीपल जिनको नहीं पता कि आपको कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप लोगों को फास्ट IDT बाय रिद्धि बाघमार नाम का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप सबको ज्वाइन हो जाना है. कुछ भी नोट्स होगा, कुछ भी होगा, आई विल शेयर इन दैट ग्रुप. आपको भी अगर कोई क्वेरी है तो आप आके फास्ट IDT बाय रिद्धि बागमार वाले ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल सकते हो. ना आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए, सुबह सुबह क्या लेके आना है यहाँ पे 7:30 बजे. सबसे पहली चीज आप लेके आओगे दिमाग. सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सुबह सुबह दिमाग लेके आओगे. अगर ये लेके आ गए तो आधे से ज्यादा काम तो यही हो जाएगा, इससे ज्यादा हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. बिकॉज 7:30 बजे सुबह उठ के लेक्चर में आना, नींद में होगे, रात को बाबू से झगड़ा हो गया था यार अभी उसको मनाना है, ये सारी टेंशन के साथ कोई नहीं आएगा. सुबह सुबह सबसे पहले दिमाग एंड मूड लेके आना है पढ़ाई करने का. बिकॉज SCMP इनहेरेंटली एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको देख के एनी वेज सबको इरिटेशन होता है कि क्या है यार, मस्त प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ करता था जिसको पूरा थियोरी बना दिया है. सो दिमाग और मूड लेके आना है सबसे पहला.
दूसरा आपको लेके आना है ICAI SM। भगवान है ये, भगवान ICAI SM क्या है, भगवान है, इसी में से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बिकॉज थियोरी है और केस स्टडीज आने वाली है एग्जाम में। तो मॉड्यूल के कौन से कॉर्नर से क्या पूछा जाएगा हमको नहीं पता, इसलिए ICAI SM लेके आएंगे और सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो उसके अलावा आपको चाहिएगी एक नोटबुक। ए हे मैम, आप लिखवाने वाले हो, थोड़ा बहुत लिख लो, काम आएगा। नोटबुक मतलब व्हाट आई विल गिव यू, इसके कुछ कुछ आपको टिप्स दे दूंगी, टेक्निक्स दे दूंगी कि भाई इस टाइप के केस स्टडी आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आप नोटबुक लेके आओगे और उसमें लिख लोगे। साथ में ऑब्वियसली बात है, लिखने के लिए आपको चाहिएगा पेन। वाव, तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर छोड़ के पेन ढूंढने जा रहे हो, सुबह सुबह ICAI SM नोटबुक पेन सब कुछ लेके आना है। स्टिकी नोट्स आप लोग लेके आ जाना पॉसिबल हो तो। SM में बहुत सारी जगह पे हम मार्किंग्स करने वाले हैं, चीजों को छोटा बनाएंगे, टेक्निक्स बनाएंगे। आपके पास अगर स्टिकी नोट होगा तो आप इजीली सब कुछ पेस्ट कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। बस दैट इज इट, इतनी ही चीजें हमको चाहिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। केस स्टडी डाइजेस्ट हम करेंगे क्या मैम क्लास में, आपको बता दूंगी चैप्टर खत्म होने के बाद कि भाई कौन सी केस स्टडीज आज आपको होमवर्क में करके आनी है, एक बार आप देख लो। एंड डर मत जाना, देखो जो केस स्टडीज के आंसर है बहुत बड़े आंसर्स है, उसमें क्या है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी दिए हैं, बिकॉज कोई एक चीज पॉसिबल नहीं होगी। अगर कॉस्ट रिडक्शन करना है से फॉर एग्जांपल, तो कई तरीके हो सकते हैं उसके, तो जो सजेस्टेड होता है वो सजेस्टेड में हमको अल्टरनेटिव आंसर्स भी साथ साथ में दिए जाते हैं। तो आपको डर नहीं जाना है कि अरे यार इतना सारा हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ऑब्वियसली बात है, आप एग्जाम में कोई 4-5 पेज का आंसर नहीं लिख सकते हो। यहाँ इनका प्रिंटेड आंसर अगर 2 पेज का होता है, आप इसको लिखने जाओगे तो सीधी सी बात है 4-5 पेज हो जाएंगे। कोई रैंकर जिंदगी में 4-5 पेज का आंसर नहीं लिखता है। तो कभी भी जब भी केस स्टडी होमवर्क दे रही हूं तो सजेस्टेड देख के डरना नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आप कॉन्टेक्स्ट समझे हो कि क्या पूछा गया है। पूरा का पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, चलेगा। फर्स्ट फोकस क्या रहेगा हमारा कि ICAI SM ढंग से कवर करें, उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमसे सॉल्व ना हो पाए। बस अब इतनी सी चीजें आप लोगों को लेके आनी है, कौन से सीक्वेंस में पढ़ेंगे ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है कृपया करके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, मैं फुल डेडिकेशन के साथ आपको एक एक चीज यहाँ पे लर्न करवाने वाली हूँ। सी थियोरी है, लर्न करे बिना नहीं छुट्टी मिलेगी। आपने सब कुछ समझ लिया, आपको 100% मैं आज आपको बोल लूं कि भाई कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है, बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमको एग्जाम में वो पॉइंट्स लिख के आने हैं जो पॉइंट्स ICAI हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, जो एग्जैक्ट पॉइंट्स उन्होंने मॉड्यूल में दिए हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को लर्न करें। समझा मैं आपको दूंगी, समझ भी आप जाओगे। दिक्कत कहाँ है कि SCMP याद नहीं रहता है, हमको पता है मैम क्या लिखना है, बट स्टिल एग्जामिनर के आंसर से, सजेस्टेड से हमारा आंसर मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे हम चीजों को लर्न करेंगे। यू मे फील के मैम 10 बार क्यों बुलवा रहे हो, नर्सरी के बच्चे थोड़ी ना है, बट इट इज रिक्वायर्ड। IDT पावर अटेंड करने वाले बच्चों को पता होगा, हमने 12 दिन तक रोज सेक्शन नंबर रिवाइज किए थे, एक बार नहीं दो दो बार। आज आप किसी भी IDT पावर के स्टूडेंट को सेक्शन नंबर पूछ लो, आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई उनको याद होगा, एक आध दो भूल गए हो तो अलग बात है। तो आपको ना ये नहीं करना है कि यार मैम हम CA के स्टूडेंट है क्या, नर्सरी की तरह पढ़ा रहे हो, नर्सरी की तरह पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ये चीजें ऐसी है, CFR आपने प्रैक्टिकली ऑफिस में देखा होगा, ऑडिट आपने प्रैक्टिकली ऑफिस में देखा है, IDT आपने प्रैक्टिकली कर रखा है, DT के आप रिटर्न्स वगैरह भरते हो आर्टिकलशिप में, बट SCMP इज अ सब्जेक्ट जो सिर्फ आपको पता है क्या होता है, इंटर में आपने पढ़ा है, बट रेयर चांसेस के आपके पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, इसलिए उन चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। समझ भी आप जाओगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको याद रखना और दिक्कत हो सकता है। और मेन पर्पज ही हमारा इस पावर बैच का यही था कि भाई सारी की सारी चीजें हमको क्या हो जाए, याद हो जाए कि जब रिवाइज करने बैठे तो हम क्या बने। मेरा ये फिक्स डायलॉग है कि हम किसकी तरह बोलेंगे, हम पोपट की तरह बोलेंगे। सो दैट इज इट। और आप लोगों के लिए कुछ भी दूसरा नहीं है। सुबह सुबह सिर्फ भूखे पेट कोई आएगा नहीं लेक्चर में, कुछ नहीं तो दूध, चाय, कॉफी, ग्रीन टी, जो भी आप लोग पीते हो कुछ खा पी के, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स कुछ खा पी के आना है। भूखे पेट कोई लेक्चर में आएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुलवाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैम आप तो बोलो हम सुन रहे हैं, जब भी मैं बोल रही हूँ बोलो मेरे साथ, तो आपको घर पे बैठ के बोलना है मेरे साथ। इतना प्रॉमिस खुद से कर लो कि मैम जो बोल रही है 12 दिन वो हम कर लेंगे, हमको याद हो जाएगा SCMP। तो आपको ये नहीं कि हाँ मैम आप तो बोलो हम सुन रहे हैं, हम मन में बोल रहे हैं, नहीं,
मैं अगर बोल रही हूँ चिल्लाओ तो आपको चिल्लाना है। लाइब्रेरी में जो लोग बैठे हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, जो लोग घर पे लेक्चर देख रहे हैं उनको अगर मैंने बोला कि ये चिल्लाओ तो आपको चिल्लाना है मेरे साथ और याद करना है। चलो 10 मिनट का इंट्रो बहुत हो गया, अब हम फाइनली आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। कहाँ गया? चलो, सो हियर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ए मैम, ये नोट्स हमको दोगे क्या शांति, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको नोट्स की जरूरत भी ना पड़े, बिना नोट्स देखे आपको सब कुछ आज अभी लर्न हो जाए, ऐसे पढ़ेंगे। नोट्स एडवांस में शेयर ना करने का रीजन यही था कि आपके पास नोट्स होगी तो आप क्या करोगे, या ठीक है नोट्स है ना, हम देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे, वो एटीट्यूड नहीं चाहिए। 0% ग्रॉस नेग्लिजेंस चलेगा एससीएमपी के पावर में, आपको जैसा बोला जाए वैसा आपको करना है। एंड केस स्टडी वगैरह होमवर्क दूंगी तो सॉल्व करके आना है, और डाउट्स भी पूछने हैं अगले दिन, बिकॉज जो रह जाएगा वो रह जाएगा, आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा वो चीजें वापस करने के लिए। ठीक है, सो मेरे साथ पढ़ो, लेक्चर के एंड पे जो भी नोट्स वगैरह होंगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप घर पे लेक्चर के बाद रिवाइज कर सको और केस स्टडी सॉल्व कर सको। हमारा मेजर एम, एज आई सेड, हमारा मेजर फोकस ICAI SM पे ही रहेगा। नोट्स मैंने क्यों बनाई है, सिर्फ चीजों को शॉर्ट करने के लिए। नोट्स में सब कुछ आ गया क्या मैम? द आंसर इज नो, अभी ही बोल रही हूँ, नोट्स में सब कुछ नहीं आ गया है। नोट्स क्यों है कि भाई 30-30 पेज के चैप्टर है, एक बार कंसाइज करके आपके दिमाग में एक फ्लो बैठ जाए, फिर फ्लो के अंदर क्या क्या है ये हम लोग समझ लेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। जो भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या SCMP पावर फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, सी पावर सीरीज ही फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है, ऑलरेडी बताया हुआ है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम पूरा का पूरा सिलेबस 45 आवर्स में कवर कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। एंड 45 आवर्स तो गिवन टाइम है, उसमें ब्रेक्स वगैरह गिन लो अगर, तो इफेक्टिवली 40 आवर्स ही बचते हैं हमारे पास। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देते हो तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग नाम का चैप्टर करने में ही 15 से 20 घंटे डिवोट करने पड़ते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 45 आवर्स में पूरा सिलेबस कवर करें। लेकिन एक बात बताऊं, चलेगा, चल जाएगा। अगर आपने थियोरी कभी भी नहीं किया है SCMP का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पावर सीरीज अटेंड कर सकते हैं, आप सारी थ्योरी समझ भी जाओगे, सारी थ्योरी आपको लर्न भी हो जाएगी। रही बात प्रैक्टिकल की, तो एज आई सेड, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे जो चैप्टर्स है, वो अकेले चैप्टर करने में ही 15-15 घंटे लग जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत ज्यादा डिटेल में जा पाऊं उन चैप्टर्स में। ऑब्वियसली मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, फॉर्मूला समझाऊंगी, हम सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन करने में ही आधा घंटा लग जाता है, वी ऑल नो। So, हम सिलेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम कवरेज हो जाए। तो आप इस माइंडसेट से आ सकते हो कि भाई अगर हम लेक्चर के बाद रोज 3-4 घंटे और मेहनत कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइमर हो फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये लगता है कि सिर्फ मैम के साथ 4 घंटे लेक्चर अटेंड करके हमारा काम हो जाएगा, तो उस केस में काम नहीं बनेगा। ठीक है, एंड क्या ये CMA के लिए एप्लीकेबल है एप्लीकेबल, बट सिंस CMA तो मेजरली है ही कॉस्टिंग के लिए, तो CMA में इससे एडिशनल चीजें भी है। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो सब एप्लीकेबल है, बट CMA वालों को और ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज उनके सिलेबस में और एडिशनल चीजें हैं जो उनको पढ़नी रहेगी। बाकी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो भी ऑब्वियसली रेलिवेंट है। अब कोई कुछ नहीं पूछेगा, बीच में सिर्फ मैं जो क्वेश्चन पूछू उसका आंसर देना है, और अब चुपचाप शांति से मेरे साथ फ्लो में चलते जाओ। कोई डाउट बच जाता है कि मैम क्या लेके आना है, क्या करना है, प्रिंट कराऊं नहीं कराऊं, अब क्लासेस कहाँ होगी, फास्ट स्टेप पे होगी, कुछ अब नहीं पूछोगे आप। लेक्चर के बाद जो पूछना है सब कुछ आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, एक एक मैसेज का रिप्लाई मैं वैसे भी करती हूँ तो कर दूंगी। अब आ जाओ फटाफट से, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। भाई ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, तो देखो स्ट्रेटेजिक समझने से पहले हम ट्रेडिशनल समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आई क्यों, उसके पहले वाली चीज में क्या दिक्कत थी, उसके लिए हम ये नई चीज लाए। तो भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट चल रहा था, जो हम सालों से पढ़ते आ रहे थे कि भाई जो भी टोटल कॉस्ट है उसको आप वॉल्यूम के बेसिस पे या कैसे भी अलोकेट कर दो और हमारा काम हो जाता था, ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी चल रहा था। तो भाई जरूरत तो क्या थी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो इसको समझने से पहले, SCM को समझने से पहले, लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता था।
और उसके क्या लिमिटेशंस हुआ करते थे। तो देखो, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हम करते क्या थे, एज वी ऑल नो, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है, उसको हम क्या कर देते थे, चीजों में अलोकेट कर देते थे। इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन। कैसे? हम ये सोचते थे कि भाई, से फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का रेंट महीने का 2 लाख रुपीज है। फैक्ट्री का रेंट महीने का 2 लाख रुपीज है, हमने क्या सोचा, इस फैक्ट्री में टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डिवाइड बाय 2 लाख, डिवाइड बाय प्रोडक्ट्स कर दिए, और हमने क्या किया, हर प्रोडक्ट पे कॉस्ट का एलोकेशन कर दिया। ऐसे हम ट्रेडिशनली काम किया करते थे कि भाई, जो भी हमारे कॉस्ट है, जो भी हमारे ओवरहेड्स है, उन सबको हम क्या करते थे, प्रोडक्शन पे एलोकेट कर देते थे। और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में दिमाग बंद करके हम एक ही चीज सोचते थे कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। क्वालिटी पे फोकस होता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सोचता ही ये था कि भाई, मेरा सिर्फ एक ही काम है, मुझे कैसे भी करके अपना कॉस्ट कम से कम लाना है। एक ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर का दिमाग क्या बोलता था कि मुझे और कुछ नहीं पता, मैं कैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकूं। से फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल है तो मैं क्या करूं कि इसका प्राइस कम हो जाए, यही सिर्फ एक ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर सोचता था। एक एक वर्ड पे ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। नोट्स इसीलिए बनाई है कि भाई, नोट्स में जो चीजें हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। एक बार नोट्स से पूरा फ्लो समझ जाओगे, चीजें याद हो जाएगी, फिर अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हमको देखना है, मार्क करना है, सब कुछ आपको मॉड्यूल से करवा दूंगी। सो एक एक वर्ड पे फोकस। एज आई सेड, भी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे, 8:30 बजे सबकी मम्मी नाश्ता वास्ता पूछने आएगी, ब्रेक में खाना है या लेक्चर स्टार्ट होने के पहले खाना है। लेक्चर में पूरा ध्यान लेक्चर पे ही होना चाहिए, प्लीज। ठीक है, चलो। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर का दिमाग क्या बोलता है कि मुझे सबसे पहले कॉस्ट को कंट्रोल करना है। भाई, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सबसे पहले तो उसको कंट्रोल कर लो, उसको रोक लो कि अब और ना बढ़े। अब एक बार रुक गई, उसके बाद कैसे हम धीरे धीरे इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड एंड एनालाइज द डिफरेंस। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में एक ही चीज हम क्या समझते थे कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये फोन मेरा 6,000 में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड सेट हो गया। बट अल्टीमेटली प्रोड्यूस करने में 8,000, 9,000 लग रहे हैं, तो कहां पे मैं कॉस्ट बचाऊं, कहां पे मैं कॉस्ट बचाऊं, यही मेरा दिमाग चलता था कि मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड को, जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट हुआ है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं और एनालाइज करूं कि क्या मेरी गलती हो गई कि मेरे से 2,000 ज्यादा लग गए। फिर ये हो सकता है कि एक्चुअली फोन बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है, हमने अच्छी चीजें यूज की है, इसीलिए शायद कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन ट्रेडिशनल वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। एज आई सेड, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को एक ही मतलब है कि भाई, कितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वर्सेस कितना हमारा कॉस्ट हुआ है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हमको कम करना है। और ये स्टैंडर्ड वेरियंस एनालिसिस इसको हम बोलते हैं, सीधी सी बात है। वेरियंस का मतलब क्या, वेरी करना, वेरियंस मतलब वेरी करना। मैंने डिसाइड किया था 5,000, तो वेरी करके क्यों मेरा कॉस्ट 8,000 लग गया, इसका मैं एनालिसिस करूंगी कि किन कारणों से मेरा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो वेरी हो चुका है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली करेक्टिव एक्शन ले लेंगे कि अरे अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने महंगा यूज कर लिया या ऐसा कुछ हो गया, लेबर को ओवर पेमेंट हो गया, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण शायद हमारा कॉस्ट बढ़ चुका है, तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि अब फ्यूचर में जो भी हमारा कॉस्ट आए वो बजटेड के जितना करीब हो सके उतना अच्छा है। ये क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है। सी, आपको इजीली ऐसी केस स्टडी पूछी जा सकती है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर ऐसी केस स्टडी आ जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, तो कि भाई कुछ ऐसा केस स्टडी एनालिसिस दिया है जहां पे जो मैनेजर है वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है और बोलता है कि नहीं नहीं अपने को तो कॉस्ट कंट्रोल ही करना चाहिए, कॉस्ट रिड्यूस ही करना चाहिए, लेकिन फिर वहां पे कोई डायनामिक नया मैनेजर आता है, यू करके बोलेंगे कि अब यू आप आए हो कंपनी में, आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो भाई आपको केस स्टडी में सबसे पहले ये समझाना पड़ेगा कि वो मैनेजर गलत क्यों है, वो क्यों क्यों ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट पे जा रहा है जो कि ठीक नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस कर रहा है। फिर हम उसको समझाएंगे कि भाई सर सर आप जो बोल रहे हो वो झूठ है, सर आपको बचपन से जो सिखाया गया है वो एक लाई है। क्यों? क्योंकि सर लाई, हम बताएंगे कि सर आप जो बचपन से समझ रहे हो वो सब कुछ झूठ है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी लिमिटेशंस है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो वो हमको पूछेंगे कि क्या लिमिटेशंस है, तो हम उनको बोलेंगे कि सर बचपन से आपको जो सिखाया गया है वो क्या है, झूठ है। तो बोलो मेरे साथ फटाफट, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या है? सर लाई, क्यों? क्योंकि बेचारे सर को बचपन से ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो सिखाया गया है वो क्या है, वो एक
झूठ है। अब ये सर लाइक क्या है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हो जाता है हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक। इसका क्या मतलब कि भाई जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर्स है, उन्होंने सोच लिया कि हमारी कॉस्ट कुछ भी करके 8,000 नहीं 5,000 ही लगनी चाहिए। अब उसके लिए जो करना पड़े वो लोग कर लेंगे। अगर कोई चीप क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करना है तो कर लेंगे ना। हो सकता है कि उस रॉ मटेरियल से कुछ हार्मफुल एमिशंस होते हैं या ऐसा कुछ होता है जिससे जिससे आगे जाके हमको ज्यादा पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, आगे जाके हमको ज्यादा कॉस्ट हो सकता है। आज तो सस्ता देख के कस्टमर ले लेंगे, बट हो सकता है कि फिर आगे आगे कस्टमर्स वो चीजों को पसंद ना करे, तो हम वो लंबा कुछ सोचते ही नहीं है। अभी हमारा मेन एम क्या है कि हमको कैसे भी कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो ये एक मेजर मेजर लिमिटेशन है कि हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म आउटलुक के हिसाब से सोचते हैं। फिर आई से क्या आ गया, हमको कंपटीशन से मतलब नहीं, हमको मार्केट ग्रोथ से मतलब नहीं, हमको कस्टमर रिक्वायरमेंट से भी मतलब नहीं, हमको सिर्फ हमारी कॉस्ट कम करनी है। तो आई से हम क्या करेंगे, इग्नोर। क्या यार मैम सुबह सुबह याद दिला दिया, रात को इतना मुश्किल से सोच के सोए थे कि कोई बात नहीं इग्नोर करती है तो करने दो, आपने फिर से याद दिला दिया। तो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, आ जाओ लेक्चर में आ जाओ, हम इग्नोर कर देंगे कंपटीशन, मार्केट में क्या ग्रोथ चल रहा है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमको फर्क नहीं पड़ता। जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, आज तो सस्ता देख के लोग ले लेंगे, लेकिन माइट ड्राइव अवे कस्टमर्स रिजल्टिंग इन लोअर सेल्स। आज आप लोगों को इग्नोर कर दो, लेकिन आगे जाके फिर कस्टमर आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। देन आर से क्या है, आर से है रिएक्टिव अप्रोच। आर से क्या है, रिएक्टिव अप्रोच। देखो दो अप्रोच होते हैं, दो अप्रोच होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव एक होता है रिएक्टिव। दो अप्रोच होते हैं, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। से फॉर एग्जाम्पल मम्मी बाहर गई है, मम्मी घर से बाहर गई और पीछे क्या हुआ, आपने कुछ कलाकांडी करने की कोशिश की, आपने सोचा मस्त कॉफी बनाना सीख लेता हूँ, मस्त कॉफी बनाना सीख लेता हूँ, अगली बार जब भी आएगी ग्रुप स्टडी के लिए अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाऊंगा। ऐसा आपका पूरा प्लान था और आपने क्या किया, मस्त कॉफी बनाने की कोशिश की, दूध वूध गर्म करने रखा और आपका दूध स्पिल हो गया। अब दो अप्रोच हो सकते हैं कि आपने फटाफट सब कुछ साफ कर दिया, जैसे ही मम्मी आई सामने से जाके बोल दिया कि अरे यार मम्मी ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, दूध फन गया, ठीक है मम्मी समझ गई। दूसरा हो सकता है रिएक्टिव अप्रोच, कि भाई अपन तो चुपचाप साफ करके निकल लो, मम्मी जब पूछेगी तब जवाब देंगे। मम्मी पूछेगी कि क्या हुआ, कुछ तो स्मेल आ रही है, यहाँ पे स्टिकी स्टिकी है, किसी ने कुछ किया क्या, हम तब जवाब देंगे। तो प्रोएक्टिव में हम कुछ होने के पहले ही एक्टिव रहते हैं, प्रोएक्टिव है हम इतने ज्यादा एक्टिव है कि काम अभी तो हुआ नहीं है, उसके पहले ही हमने क्या किया, उसके पहले ही हमने मेजर्स ले लिए। वेरस रिएक्टिव मतलब कुछ होने के बाद हम काम करते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कैसे, मैंने बताया कि भाई हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, अब पूरा साल खत्म हो गया, एक्चुअल कॉस्ट आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अरे यार स्टैंडर्ड तो ये था, एक्चुअल तो ये है, मतलब अब कॉस्ट ज्यादा लगने के बाद हम उस पर रिएक्शन करेंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है ये रिएक्टिव अप्रोच से चलता है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच से नहीं चलता है। तो ये क्या है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर एल से क्या है, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से मतलब है, हमको इम्प्रोवाइजेशन से मतलब नहीं है। सो इंटरनल फोकस डज नॉट लुक एट एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस हमारे अंदर ही है, हमारी कॉस्ट पे है। एग्जाम्पल आप नोकिया ले सकते हो, नोकिया अपने सेक्टर में अच्छा ही कर रहा था, उसके फोन अच्छे ही थे उस जमाने में, फेंक के मारो किसी के सर पे, सर फूटेगा फोन नहीं फूटेगा। तो नोकिया का मस्ती चल रहा था, बट नोकिया ने देखा ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, उस पे उसने फोकस किया ही नहीं और उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गए, आउट हो गए। सो लिमिटेड फोकस एंड रिव्यू ऑन इम्प्रोवाइजेशन, हमको हमारी कॉस्ट से मतलब है, हमको इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना है। एक और आई, मैम मत करो यार हम सही में लेक्चर छोड़ देंगे, दूसरी बार इग्नोर। अरे कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है ना, चलो। एक इग्नोर हमने क्या किया, कंपटीशन मार्केट ग्रोथ और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया। दूसरा हमने क्या किया, डायनेमिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, कि भाई मार्केटिंग इकोनॉमिक्स की डायनेमिक्स क्या बोलती है हमको नहीं पता, हम तो सिर्फ हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग डेटा पे ही रिलाई करते हैं। आज डेटा डेटा सबसे बड़ा ट्रेजर है, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक्स है, उसका डेटा लाओ, डेटा एनालाइज करो और उसके बेसिस पे डिसीजंस लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की तरह अभी भी हमारे अकाउंटिंग डेटा पे ही रिलाई कर रहे हैं, और अकाउंटिंग डेटा बहुत बार मिसलीडिंग हो सकता है। सो अकाउंटिंग डेटा लाइफ में बहुत बार मिसलीडिंग हो सकता है। एंड लास्ट क्या है हमारा, ई
ई तो जो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई एक्सेसिव फोकस है कॉस्ट रिडक्शन पे, एक्सेसिव फोकस है कॉस्ट रिडक्शन पे, जिससे हमारी क्वालिटी भी इम्पैक्ट हो सकती है. मे इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्वालिटी हमारी इम्पैक्ट हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सेसिव फोकस है वो किस पे है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे. तो ये अभी हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. कि सर आपको जो भी बचपन से सिखाया है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में वो क्या है? वो एक लाई है, वो एक झूठ है सर. लाई वो क्या है? हमारा लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. अब फटाफट से मेरे साथ सब चिल्लाएंगे, फटाफट से मेरे साथ सब चिल्लाएंगे. चैट में लिखो, घर पे चिल्लाओ, मेरे को नहीं पता लेकिन चिल्लाओ, मेरे को सुनना है कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या है. सर लाई क्यों? क्योंकि सर बचपन से आप हमको सिखा रहे हो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट करो, लेकिन वो तो क्या निकला? वो तो एक झूठ निकला. क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है. एस से सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? कि वो एकदम ही शॉर्ट टर्म आउटलुक पे चलता है. हो सकता है कि सिर्फ 1 साल या 2 साल का डेटा कंसिडर कर रहा है, उसके आगे क्या होगा वो सोच भी नहीं रहा है. तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में एस से सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक. आई से अब पता चल गया इग्नोर. यार मैम कितनी बार, कितनी बार इग्नोर, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आज उसके बहाने आपको. तो चलो हम इग्नोर क्या कर रहे हैं? हम कॉम्पिटिशन, मार्केट का ग्रोथ और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर रहे हैं. आर से क्या है हमारा? रिएक्टिव अप्रोच. आर से क्या है हमारा? रिएक्टिव अप्रोच. हम प्रोएक्टिव नहीं है. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोएक्टिव चलता है, लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट रिएक्टिव बेसिस पे चलता है. उसके बाद एल आई ई. एल से क्या है? कि हमारा फोकस रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन पे एकदम लिमिटेड है हमारा फोकस. क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेसिव फोकस है, हमारा एक्सेसिव फोकस है कॉस्ट रिडक्शन पे. ई से क्या है? कि हमारा एक्सेसिव फोकस है कॉस्ट रिडक्शन पे. तो एल से क्या हो जाएगा? कि हमारा लिमिटेड फोकस है रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन पे. अगर एक्सेसिव फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे है तो सीधी सी बात है रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन पे क्या हो जाएगा? हमारा लिमिटेड फोकस. और आई से फिर से, यार मैम आई से फिर से हम इग्नोर करेंगे, लेकिन क्या इस बार हम डायनेमिक्स इग्नोर कर देंगे मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स के? मतलब हम किस पे रिलाई कर देंगे? हम तो अकाउंटिंग डेटा पे रिलाई कर देंगे, जो कि बहुत बार मिसलीडिंग हो सकता है. एंड यहाँ पे आप लिमिटेड फोकस रखते हो रिव्यू इम्प्रोवाइजेशन पे, मतलब क्या? आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोकस रखते हो. भाई लिमिटेड का मतलब क्या? लिमिटेड मतलब आपको इंटरनल फोकस से, इंटरनल कॉस्ट से मतलब है. बाहर एक्सटर्नल मार्केट में क्या चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, इसीलिए इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? लिमिटेड फोकस. ये जो भी स्मार्ट बच्चे आई से लिख रहे हैं इग्नोर, जो भी स्मार्ट बच्चे लिख रहे हैं आई से इग्नोर, वो कृपया बताएं कि क्या इग्नोर करना है. क्योंकि इग्नोर के 2 पॉइंट्स है. आई से इग्नोर तो याद आ जाएगा, बट अंदर का भी याद रखो कि भाई पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ओवरऑल मार्केट की ही डायनेमिक्स को इग्नोर कर रहे हैं. तो इग्नोर लिखने वाले बच्चों को अब मैं इग्नोर करूंगी अगर ढंग से पूरा नहीं लिखा तो. चलो सो ये क्या हो गया हमारा? लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. चीजों को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के चलेंगे तो इजी होगा. चीजों को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के चलेंगे तो इजी होगा. फर्स्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ लिया? कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशंस रही. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशंस रही. नाउ उसके बाद तो अब उसके लिमिटेशंस के चलते हमको क्या करना पड़ा? हमको लाना पड़ा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशंस के चलते हमको लाना पड़ा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. एक कॉस्ट मैनेजमेंट तो सेम ही है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट वर्ड तो सेम ही है, ट्रेडिशनल को स्ट्रेटेजिक क्यों बनाया? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? तो अ स्ट्रेटेजी इज अ सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस. स्ट्रेटेजी क्या है? जो भी आप अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते हो, जो भी आप अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते हो कि भाई कैसे करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा दें, कैसे करके कंपनी का प्रॉफिट वगैरह बढ़ा दें, वो सारा सेट ऑफ एक्शंस, सारी आपकी दिमाग की खिचड़ी क्या है? स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है खिचड़ी. कौन सी खिचड़ी? वो खिचड़ी जो हम दिमाग में पका रहे हैं कि भाई कैसे हम कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके. तो जो भी सेट ऑफ एक्शंस, जो भी सेट ऑफ एक्शंस आप सोच रहे हो, वो सब कुछ क्या है? वो स्ट्रेटेजी है. सो स्ट्रेटेजी इज अ सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस. तो भाई ऐसे तो हमने क्या दिमाग में खिचड़ी पकाई और कॉस्ट मैनेजमेंट पे लगाया, जिससे हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बन गया? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो देखो, इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट इट इज नॉट सफिशियंट टू कंट्रोल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि हमने ट्रेडिशनल में क्या पढ़ा था? कि ट्रेडिशनल को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है.
लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करने से काम नहीं होगा, आपको अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। कॉस्ट कंट्रोल करने से काम नहीं होगा, आपको अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। एक फेरा फेमा पता है सबको, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि हमको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाने थे, हमको क्या करना था, चीजों को मैनेज करना था। एंड जब हम चीजों को मैनेज करते हैं मतलब हम हर एक एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं, हर एक फैसेट को देख के अपना डिसीजन ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट घटाना है, कॉस्ट घटाना है, ये हमारा एम नहीं है। उसके दूसरे क्या रेपरकशन आएंगे ये भी हमारे ध्यान में है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो कॉस्ट मैनेजमेंट तो वही है कि भाई पहले भी कॉस्ट मैनेजमेंट था, अब भी कॉस्ट मैनेजमेंट है। हमारा एम तो वही है कि कैसे हम कम कॉस्ट में अच्छा काम कर सके। तो ये स्ट्रेटेजिक वर्ड क्यों लगाया, इसका क्या मतलब? तो जो भी खिचड़ी, जो भी सेट ऑफ एक्शंस आपके दिमाग में चल रहा है जिससे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, मतलब समझो एक ही वर्ड में दो चीज आ गई, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक क्या बोलता है कि परफॉर्मेंस बढ़ा दो, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कॉस्ट कम कर दो। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू के कॉस्ट भी कम करेंगे और परफॉर्मेंस भी बढ़ाएंगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज ही करना पड़ेगा। चलो नाउ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सॉरी क्या लिखा है आप लोगों ने नोटेशन, एक सेकेंड हाँ मैम, नोटेशंस डिलीट मत करो। ए यू वांट दीज नोटेशंस, आई थॉट के ये नोट्स खराब हो जाएंगे, सब खिचड़ी विचड़ी देख के क्या करोगे। मैंने सब कुछ लिखा ही है जितना काम का है, एंड इफ आई फील कि आपको और कुछ लगेगा तो आई राइट एंड गिव दैट, डोंट वरी। चलो आ जाओ, सो नाउ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो भाई हर एक बिजनेस, जो भी बिजनेस है वो क्यों बिजनेस कर रहा है, उसको अल्टीमेटली चाहिए क्या? एक तो सीधी सी बात है, पैसा। पहले हम क्यों कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बेटर प्रॉफिट्स कमाएं। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट से आजकल काम चलता है क्या? द आंसर इज नो। हमको हमारे शेयर होल्डर्स के लिए क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। हमको प्रॉफिट भी अर्न करना है और हमको हमारे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू भी क्रिएट करना है। ये क्या है, ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अभी आप लोगों के पास मॉड्यूल है, दूसरे कोई फैकल्टी की एससीएमपी की बुक है जहां से आपने जो भी पढ़ा है, प्लीज सब कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना स्क्रीन पे रखिएगा। मॉड्यूल के साथ एक एक चीज आपको रिकनसाइल करवा दूंगी। जैसे ही हमारा नोट्स से चैप्टर वन खत्म होगा, वी विल रिकनसाइल एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम मॉड्यूल। दो तीन केस स्टडीज भी करेंगे, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जब बुक रेफर करनी होगी मैं सामने से बोलूंगी कि अब मॉड्यूल खोलो और चलो मेरे साथ पढ़ो। तो अभी सब कुछ साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए आपका स्क्रीन पे और कान खुले। चलो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बिजनेस का, कि हमको बेटर प्रॉफिट्स कमाने हैं और हमको हमारे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। और ये कैसे हो सकता है, तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से हो सकता है। ऐसा एडवांटेज जो सिर्फ हमारे पास है और हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। तभी हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट भी कमा पाएंगे और हम हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ भी जनरेट कर पाएंगे। वेरी वेल सेड सूरज। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स भी जनरेट करेंगे और हम वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक सो दैट दे इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ बिजनेस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। एज आई सेड, दोनों लड्डू हम यहीं पे समझ गए थे, बिना डेफिनेशन पढ़े हम नाम से ही समझ गए थे ये चीज कि भाई हमको कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है और हमको क्या करना है, वैल्यू भी क्रिएट करना है। तो हमको हमारी पोजिशन इंप्रूव करनी है मार्केट में, एज वेल एज कॉस्ट भी कंट्रोल करना है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारा कॉस्ट कंट्रोल वाला काम तो हो जाता था, बट वैल्यू क्रिएट करना, प्रॉफिट कमाना, स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखना, ये सब कुछ उसमें नहीं हो पाता था। तो बिना ये डेफिनेशन पढ़े हमने तो टाइटल से ही समझ लिया था कि भाई स्ट्रेटेजी क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों को मिला दो। मतलब हमको स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना है ताकि हम हमारी पोजिशन भी इंप्रूव कर सके एज वेल एज कॉस्ट भी कंट्रोल कर सके। तो भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है, कि आपको एक सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिला सके, एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिला सके। क्यों चाहिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, क्योंकि अभी तो पढ़ा, अगर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा तो प्रॉफिट कमाओगे, तो वैल्यू मैक्सिमाइज करोगे। तो एक फ्लो समझो, बिजनेस को क्या चाहिए,
हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए प्रॉफिट, हमको चाहिए वैल्यू। प्रॉफिट और वैल्यू कहां से आएगी? जब हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहां से आएगा? जब हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे। ये आप पूरा फ्लो समझो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई एक बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रॉफिट कमाना। एक ही चीज 10 10 बार बोलूंगी लेक्चर में, आपको लगेगा मैम कितनी बार, मैम कितनी बार, लेकिन नहीं, 10 बार सुनोगे तो 10 में से आपका 8 बार ध्यान होगा, और उसमें से भी 6 बार अटेंटिवली सुन रहे होंगे, 3 बार मेरे साथ बोलोगे तो अल्टीमेटली याद हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा? बेटर प्रॉफिट कमाने हैं, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। अब ये कैसे कर पाएंगे? जब हमारे पास होगा एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहां से आएगा? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करने से। अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं कि भाई जो आपने आज कर ली, आज कर ली और फिर वापस आप कर ना पाओ, थोड़े टाइम के लिए आप वो चीज कर पाओ, ऐसा नहीं है। जो भी करो सस्टेनेबल होना चाहिए, कि अगर हमने कॉस्ट लीडरशिप डेवलप की है तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डेवलप किया है तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो हमको एक ऐसा ऐसा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए जो सस्टेनेबल रहे, जो आगे भी हमारे साथ चले। तो देखो डाउट्स जो भी पूछ रहे हैं, अभी एक बार मेरा फ्लो टूट जाएगा, मैं आपको पूरा ये टॉपिक समझा दूं। यहाँ से हमारा कंपोनेंट से नया टॉपिक चालू होगा, तो कंपोनेंट्स के आने तक सब कुछ ध्यान से सुन लो, शायद आपके डाउट्स खुद ही क्लियर हो जाए, एंड उसके बाद में आप लोगों का कोई डाउट होगा तो ले लूंगी। ठीक है, अभी मैं चैट नहीं देख रही हूँ, बिकॉज फुल फोकस यहाँ पे। सिर्फ जो क्वेश्चन पूछती हूँ उस टाइम मैं देख रही हूँ कि कौन आंसर दे रहा है। एंड आप सबको अब तक बाय नाउ यू ऑल ऑलरेडी नो कि भाई मेरा भगवान के साथ सेटिंग है, मेरा भगवान के साथ सेटिंग है, जो मुझे आंसर देगा उसका सेटिंग मैं करवा दूंगी भगवान से बोल के। एंड प्लस 5 मार्क्स तक का तो मेरे पास वैसे भी हर सब्जेक्ट में लेवरेज है, कि मैं भगवान को बोलूँ कि यार इसको 5 मार्क्स ज्यादा दे दो तो भगवान दे देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर देना है। चलो सो हम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहां से जनरेट कर सकते हैं हम? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से या कॉस्ट लीडरशिप से। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, मस्त डिटेल में पढ़ेंगे टुवर्ड्स दी चैप्टर का एंड। तो अभी थोड़ी सी शांति, एकदम शॉर्ट में बता दूं तो कॉस्ट लीडरशिप में हम क्या चाहते हैं कि भाई हमसे सस्ता पूरे मार्केट में कोई नहीं दे सकता, वो हमारी कॉस्ट लीडरशिप है, कि जो कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर्स है वो हमारे पास आ जाए। वेर इस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कस्टमर को कॉस्ट से मतलब नहीं है, उसको प्रोडक्ट एकदम धांसू चाहिए, उसको प्रोडक्ट एकदम धांसू चाहिए। बोट ने क्या किया, कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप का फायदा ले लिया कि भाई सबसे सस्ता उन लोगों ने देना चालू कर दिया, तो बोट क्या हो गई, बोट हो गई कॉस्ट लीडरशिप का एग्जाम्पल। एप्पल ले लो आप, एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे आते हैं फिर भी लोग खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से मतलब है कि भाई उनके जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ही है ना, दोनों में आप फायदे में हो। बोट क्यों फायदे में, उससे सस्ता कोई नहीं दे रहा, तो जो जो भी कॉस्ट सेंसिटिव लोग है वो उसके पास चले जाएंगे। वेरस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कॉस्ट से मतलब नहीं है, हमको क्वालिटी धांसू चाहिए, तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। दोनों ही गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, वो आप कर लोगे। सो ये हो गया हमारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नाउ फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड नीड्स टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सर्विस। जब आप करते हो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो आप हर एक चीज में इंप्रूवमेंट लाओगे। आप प्रोडक्शन में, परचेज में, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सर्विस, हर एक चीज को एनालाइज करोगे और हर एक चीज में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। वेरेज यहाँ पे देखो, जब ट्रेडिशनल पढ़ाया था तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब था। लेकिन जब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे, तो हम हर एक फैसेट को, हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड वो भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कि आज इंप्रूव कर दिया तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आप धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाओ। आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा और इंप्रूवमेंट्स करते रहना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम प्रोडक्शन, परचेज, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सर्विस, हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे। मैम आप क्यों इतना धीरे धीरे करवा रहे हो, ये तो पावर बैच है ना, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज हम, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। एक बार अगर ये फाउंडेशन आपका बन गया, ये बेस आपका बन गया, तो फिर आगे दूसरे कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम आराम से ही जाएंगे, डोंट वरी, 12 दिन में हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, वो आप चिंता मत करो। बट इनिशियली थोड़ा सा स्लो ही जाते हैं, ताकि आपको एक एक चीज दिमाग में बैठ जाए, एक एक चीज समझ में आ जाए कि कोई भी वर्ड लिखा है तो क्यों लिखा है, फिर इन्हीं वर्ड्स का इलैबोरेशन हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं।
Now, important that strategic cost management is involved at early stages of product development cycle to avoid heavy cost of failure. कि भाई शुरू शुरू में ही जब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल चल रहा है, तो शुरू शुरू में ही स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट कर दो, ताकि आगे जाके आपको हैवी कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े. नाउ किसी ने अभी पूछा था कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क होता है. तो देखो, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ, एक चीज मेरा ना पिछले साल कोई प्रोडक्ट बना था 100 में, ठीक है, पिछले साल कोई प्रोडक्ट बना था 100 में, उसके अगले साल 110 लग गए, उसके अगले साल 120 लग गए, मतलब कंटिन्यूअसली मेरी प्राइसेस बढ़ती जा रही है. ना कोई भी कारण हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, या तो फिर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है. तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि इस कॉस्ट को कंट्रोल करो. सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि भाई कॉस्ट को कंट्रोल करो, एटलीस्ट बढ़े नहीं, 100 पे स्टेबल तो हो जाए. एक बार स्टेबल हो गई उसके बाद हम इस कॉस्ट में रिडक्शन करेंगे कि भाई अब 100 है ना, अब हमारा टारगेट है 80 का, हमारा टारगेट है 85 का. तो कंट्रोल और रिडक्शन का सबसे बड़ा डिफरेंस, कंट्रोल मतलब एक बार बढ़ने से तो रोको यार, एक बार बढ़ने से तो रोको, एक बार 40 तो एम कर लो, चलो पास हो जाएंगे, फिर सोचो एग्जेम्पशन का, फिर सोचो रैंक का. तो कंट्रोल मतलब एक बार चीजों को स्टेबल कर देना, एंड उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें रिडक्शन लाएंगे. सो जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था वो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता था. आई होप इट इज क्लियर. आई थिंक सूरज ने ये क्वेश्चन पूछा था. चलो अब आ जाओ एक एग्जाम्पल पे कि कैसे कैसे हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक के केस में. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स ए एंड बी. दो प्रोडक्ट बनते हैं, एंड एज वी कैन सी के प्रोडक्ट बी में लॉस होता है. लॉस लॉस लॉस, सीधा सा लॉस बोल के ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलेगी, बंद करो प्रोडक्ट, बंद करो, ऐसा प्रोडक्ट बनाना ही क्यों है जिसमें लॉस होता है. सीधी सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या होता है, लिमिटेड फोकस होता है, शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है. तो शॉर्ट टर्म और लिमिटेड, शॉर्ट टर्म और लिमिटेड में क्या हो जाएगा कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट तो बोलेगी कि अभी का अभी बी को बनाना बंद करो. क्यों? क्योंकि दो का लॉस हो रहा है, हम किसी प्रोडक्ट को बना के लॉस क्यों करें. लेकिन आप आगे पढ़ो, अगर कंपनी नाउ सिंस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बोला हम मैनेज कर रहे हैं, हम दूसरी चीजों को भी कंसिडर करेंगे. कंसिडर किया तो हमको पता चला कि भाई प्रोडक्ट बी अगर बंद कर दिया तो प्रोडक्ट ए का सेल भी 25% से गिर जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बी लेने आते हैं और हम उनको ए चिपका देते हैं, बी लेने आते हैं और हम उनको ए चिपका देते हैं. अगर वो बी लेने आएंगे ही नहीं तो हमारा ए का जो सेल है वो भी 25% से कम हो जाएगा. तो उस केस में गोइंग बाय ट्रेडिशनल टेक्निक तो कंपनी डिसकंटिन्यू कर देगी प्रोडक्ट बी. क्यों? क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है 2 लाख का. लेकिन फर्दर एनालिसिस किया तो पता चला कि भाई अगर हमने इसको बंद कर दिया तो हमारा जो टोटल लॉस है वो 2 लाख का नहीं, वो 3 लाख का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि चलो ये 2 लाख का लॉस तो हम बचा लेंगे, ये 2 लाख का तो हम सेविंग कर लेंगे, लेकिन सामने यहाँ पे 20 का 25% यानी क्या, हमारा 5 का नया लॉस चालू हो जाएगा. 2 बचाने के चक्कर में हम 5 का नया लॉस करने लग जाएंगे, यानी हमारा जो नेट लॉस है वो 3 लाख हो जाएगा. तो देखने पे ऐसा दिख रहा है कि अगर हम बी डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा, अगर हम बी डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा 2 का बेनिफिट होगा. लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि अरे बुद्धू, 2 का बेनिफिट नहीं, तेरे को तो 3 का लॉस होने वाला है. ये 2 तो आप बचा लोगे, 2 तो आप बचा लोगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सामने 5 चले जाएंगे वो आपको अभी नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चल रहे हो. जब आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म अप्रोच लोगे, नाउ देखो यहाँ पे आई कैन लिंक थिंग्स. हमने क्या पढ़ा, प्रोएक्टिव, तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, तो ये आपने कर लिया. आपने क्या किया, आपने देखा शिट शिट, फटाफट से आपने देखा लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, आपने बंद कर दिया. उसके बाद आप पूरे साल खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो 2 बचाने के चक्कर में 3 का लॉस हो गया. तो उसके बाद आप क्या करोगे, रिएक्टिव अप्रोच लगाओगे कि अब क्या करना है. बट अब तो कुछ हो नहीं सकता, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. लेकिन उसी की जगह पे अगर आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लेके चलते तो आप डिसकंटिन्यू करने के पहले ही क्या करते, प्रोएक्टिवली चीजों को सोच लेते, प्रोएक्टिवली चीजों को सोच लेते कि भाई मार्केट के क्या डायनेमिक्स है, उसको इग्नोर ना करते हुए आप डिसीजन लेते तो आप ये चीज डिसकंटिन्यू नहीं करते, जिससे कि आपका 3 का लॉस बच जाता. तो भाई केस स्टडी में आंसर्स कैसे लिखने हैं, बस ऐसे ही लिखने हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, चलो ये तो बहुत छोटा एक्सट्रैक्ट है, बड़े क्वेश्चन का ऐसा एक्सट्रैक्ट आता है तो उनको समझाओ कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता तो कैसे डिसीजन लेता, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता तो कैसे डिसीजन लेता. फिर उनको बताओ कि ट्रेडिशनल की क्या लिमिटेशंस है और इन लिमिटेशंस के चलते यहाँ पे हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते, लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वाला सब कुछ सोचेगा तो इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेगा. अगर ये चैप्टर पढ़ाया भी ना होता तो भी आप सब इस क्वेश्चन को पढ़ के सही आंसर ही देते कि भाई बी को डिसकंटिन्यू मत करो क्योंकि 20 का 25% लॉस हो जाएगा.
100% आप में से कोई गलती नहीं करता, बट द फैक्ट इज कि ऐसा आंसर लिखने के लिए आपको 5 में से 1 ही मार्क मिलता. क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर दिया. बाकी 4 मार्क का तो लिखो कि ट्रेडिशनल होता क्या है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, स्ट्रेटेजिक क्या होता है और उससे हम कैसे डिसीजन लेंगे. तो 5 में से आप बोलोगे कि यार ठीक था, एग्जाम में से 12 के कॉन्फिडेंस मस्त आएगा कि हाँ इजी सा क्वेश्चन था कि भाई डिसकंटिन्यू कर देंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा. बट बेटा आप लिख के क्या आए हो, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का आपने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर दिया. लिखेगा कौन? तो सबसे मेजर जो एक प्रॉब्लम है एससीएमपी में मार्क्स कम आने का, वो ये है कि हम रीजंस नहीं लिखते कि हम आंसर क्यों लाए. एंड उनको केस स्टडी में क्या चाहिए? उनको रीजंस चाहिए. नाउ रीजंस लिखने के लिए आपको खुद को रीजन आना चाहिए. तो खुद को रीजन कैसे आएगा? जब 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, थ्योरी को इग्नोर नहीं करोगे. यहाँ पे सिर्फ सम सॉल्व हो जाने से काम नहीं होता है. आपको इतना सारा हमने पढ़ा, 45 मिनट्स का हमारा लेक्चर हो चुका है. आप देखो 45 मिनट्स में जो भी पढ़ा ना, वो सब कुछ अगर आप चाहो तो इसके आंसर में लिख सकते हो. सब कुछ अगर आप चाहो तो इसके आंसर में लिख सकते हो कि ट्रेडिशनल क्या होता है, क्या लिमिटेशन है, स्ट्रेटेजिक क्या होता है, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे और कैसे फिर डिसीजन लेके लास्ट में न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करके बताओ कि 2 का बेनिफिट नहीं 3 का लॉस हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच हमारा पावर बैच. चलो अब ये 2 केसेस लेते हैं जिसमें हम स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे और डिसीजन लेंगे. केस 1, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंसेस करती ही नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होगा कि भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि मशीन एकदम ठीक चल रही है फिर भी हम उसको रेगुलर टाइम टू टाइम सर्विस करवा लेते हैं ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर आके सबसे पहले क्या बोलेगा? इसको बंद करो, मशीन ठीक ही तो चल रही है, क्या जरूरत है उसकी सर्विस करवाने की, क्यों हमको खर्चा करना है. तो उस केस में ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर तो हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने देगा नहीं. ऑफिस मशीन ऑन रेगुलर बेसिस टू सेव कॉस्ट, हमको कॉस्ट बचाने के लिए हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना बंद कर दिया. जब मशीन खराब होती है तब हम रिपेयर करवाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच कर रहे हैं. Repairs of machine is carried out as and when a machinery breakdowns. ये क्या है? ये हो गया एक traditional approach to cost management, where the focus is on cost reduction and cost saving. और ये क्या है? Short term approach है. हम सोचेंगे कि भाई अभी 6 महीने में तो मशीन खराब नहीं होगी ना, तो जाने दो, शॉर्ट टर्म. भाई 6 महीने के बाद होगी तब क्या करोगे? सो जब मशीन ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा? हमारे पास ऑर्डर्स आके पड़े हैं लेकिन मशीन खराब हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ टाइम ऑफ प्रोडक्शन होगा. लेबर वेला बैठा रहेगा तो यही काम करेगा, ठीक है, लेबर को तो पैसे देने ही है, तो आइडल लेबर टाइम गया, प्रोडक्शन गया हमारा. लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड प्लांट शटडाउन टाइम ऑल्सो रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ मशीनरी. हम क्या करेंगे? हम मशीन का टाइम टाइम रिपेयर नहीं करवाएंगे तो सीधी सी बात है मशीन भी जल्दी खराब होगी, तो नया मशीन जल्दी लेना पड़ेगा. तो हमारा लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट आएगा कि जल्दी से पैसे जाएंगे. इफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट तो कंपनी का क्या हो सकता है? कस्टमर शेयर भी जा सकता है. कस्टमर्स सोचेंगे कि भाई जब भी ऑर्डर देते हैं इनका तो मशीन खराब पड़ा रहता है, ऐसा तो कैसे चलेगा. तो शॉर्ट में इस पूरे का आपको जस्ट जब आप रिवाइज करते हो, अब आपने केस स्टडी पढ़ ली है, आप समझ चुके हो कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर होगा तो मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करने देगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजर होगा तो करवाएगा. क्यों? क्योंकि नॉट सर्विसिंग मशीन ऑन टाइम विल अल्टीमेटली लीड टू लॉस ऑफ प्रोडक्शन. उसके अलावा लॉस ऑफ गुडविल हो सकता है, हमारा मार्केट शेयर जा सकता है, हमारा लेबर वेल्ला बैठा रहेगा तो ऐसे काम करेगा, उसको हमको पैसे देने पड़ेंगे. ये सब कुछ आप समझते हो. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप केस 1 रिवाइज करते हो तो यू नीड नॉट रीड एवरीथिंग. आप कैसे टाइम बचाओगे? आप सिर्फ ये जिस्ट समझ लोगे, पढ़ लोगे, आपको याद आ जाएगा कि अरे हाँ मशीन सर्विस ना करने से क्या क्या चीजें होती थी. तो चीजों को छोटा करते चले जाओ. 2 चीज, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन. सबसे पहले कंट्रोल करो कि भाई इतना सारा सिलेबस है उसको टुकड़ों में ब्रेक करो, कंट्रोल कर दो, फिर हर एक टुकड़े को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो ये करते जाओ. हर जगह जिंदगी में एससीएमपी है, हर जगह लाइफ में एससीएमपी है. हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हम पहले चीजों को ब्रेक कर ले, छोटा कर ले. हमने एक बार कॉस्ट कंट्रोल कर लिया, उसके बाद हम रिड्यूस करते चले जाएंगे, फिर स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे कि एबीसी एनालिसिस के हिसाब से कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है. चलो नेक्स्ट, ये केस 2 क्या बोलता है? एक टेलीकॉम कंपनी है जिसने अपने कस्टमर सर्विस सेंटर्स बंद कर दिए. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई एक ही, सपोज अहमदाबाद सिटी में क्या जरूरत है मुझे 4 सर्विस सेंटर की, 2 ही रखो, कस्टमर आ जाएंगे जिनको सर्विस करवाना है. तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन्होंने क्या किया? अपने सर्विस सेंटर्स बंद कर दिए. इससे क्या हुआ? पहले लोग अपने घर के पास वाले सर्विस सेंटर में चले जाते थे, बट अब सिंस 4 के 2 सर्विस सेंटर हो गए तो दोनों जगह पे भीड़ डबल हो जाएगी, क्योंकि लोगों को तो आना ही पड़ेगा, तो वहां पे हो जाएगा ओवरक्राउडिंग. अब ओवरक्राउडिंग होने के लिए उसके कारण क्या होगा? कस्टमर्स को ज्यादा वेट करना पड़ेगा, लॉन्गर वेटिंग टाइम हो जाएगा, क्यूज वगैरह भी बन सकते हैं.
ना आपने क्या किया, सेंटर तो बंद कर दिया, मतलब वो वाले एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया, तो अब जो बचे हुए सेंटर है उसके जो एम्प्लॉयज है उन पे बर्डन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे कस्टमर सबके सब वहां चले जाएंगे ना, बर्डन आएगा तो सीधी सी बात है वो भी क्या करेंगे, वो भी इंटरेस्ट कम कर देंगे, ऐसे वैसे फटाफट से काम करके जाने देंगे, तो उनके भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो आपने किया क्या, आपने अपना सर्विस सेंटर बंद करके अपने पैसे तो बचा लिए, लेकिन जो दो सबसे बड़े आपके स्टेक होल्डर्स थे, एक कस्टमर, कस्टमर जो आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, और दूसरा आपके एम्प्लॉयज, ना कस्टमर आपसे खुश है ना आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज पे आ चुका है एक्स्ट्रा बर्डन और कस्टमर्स को करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा वेट, ओवर क्राउडिंग हो चुका है। तो इसीलिए आपने ट्रेडिशनल के हिसाब से आप सोचोगे कि मस्त मैंने काम किया, मैंने सर्विस सेंटर बंद करके मेरा कॉस्ट बचा लिया, लोगों को सर्विस तो मिल ही रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स, उससे आपके दोनों कस्टमर और एम्प्लॉयज दोनों अनहैप्पी हो जाएंगे ओवर क्राउडिंग के चलते, तो आपके दोनों इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स अनहैप्पी हो जाएंगे, समझे? तो अगली बार जब ये केस स्टडीज रिवाइज करते हो ना, एग्जाम में ऐसा ही आता है, मैं आपको छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट पढ़ा रही हूँ, यही एक्सट्रैक्ट बड़ी केस स्टडी का पार्ट बनेंगे, तो आपको समझ के आना चाहिए कि कैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर यही होने वाला है। तो आपको वो पोर्शन समझा रही हूँ एंड अल्टीमेटली बड़ी केस स्टडी एक दो करवा दूंगी तो पूरी क्लैरिटी आ जाए। चलो नाउ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड टू एज द मैनेजेरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड एट वन और मोर ऑफ द फोर स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ अब अगर मुझे मेरी कंपनी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लाना है, तो मैं कौन से स्टेजेस में उसको इम्प्लीमेंट करूं? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप स्ट्रेटेजी बनाओ, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पॉइंट वन क्या बोलता है, फॉर्म्यूलेट करो स्ट्रेटेजी को। अब फॉर्म्यूलेट करके अपनी जेब में रखोगे क्या? नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे उनके साथ क्या करो, कम्युनिकेट करो। सो कम्युनिकेटिंग दो स्ट्रेटेजीज थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, घूम घूम के सबको बता दो आज से तो हम SCM करेंगे, आज से तो हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे। हमने क्या बनाई, हमने सबसे पहले एक पॉलिसी फॉर्म्यूलेट कर ली, स्ट्रेटेजीज बना ली। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद करना क्या है, घूम घूम के सबको बताओ कि हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, फिर उनको समझाओ कि स्ट्रेटेजी बना तो ली, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट टेक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लोगों को बताओ। एंड अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट होने के बाद सीधी सी बात है, एंड में हम हमेशा मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी हमने ओरिजिनली सोची थी क्या वही इम्प्लीमेंट हुई, क्या हमको जो सक्सेस चाहिए था, ऑब्जेक्टिव चाहिए थे, वो हमको मिले या नहीं मिले। तो चार स्टेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, फटाफट से मेरे साथ बोलो, चार स्टेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। सबसे पहले फॉर्म्यूलेट करो स्ट्रेटेजी को, फॉर्म्यूलेट करके कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करके अल्टीमेटली आप सब मिलके करोगे क्या, तो इम्प्लीमेंट करोगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद एंड में क्या करना है, तो मॉनिटर और कंट्रोल करना है। फटाफट से सब लिखेंगे, चैट बॉक्स में जो भी सेशन देख रहे हैं, सबका मेरे को आंसर चाहिए। What are the four stages of strategic management? Now case study में हो सकता है इन चार में से कोई एक स्टेज वीक हो, स्ट्रेटेजी मस्त बना दी है बट वो ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि देखो ये चार स्टेजेस है और आपको चारों स्टेजेस ढंग से करने पड़ेंगे। सो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, थियोरी की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो समझो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करने के बाद लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद क्या करना है, हम उनसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अलग अलग तरीके सोचेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें, एंड अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कंट्रोल्स वगैरह लगा के मॉनिटर कर लेंगे कि जो सक्सेस हमने सोचा था क्या वो सक्सेस अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। आ जाओ अब फाइनली मस्त सा क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है। वेरी गुड। जो भी लोग आंसर लिख रहे हैं चैट में, एज आई सेड मेरा तो भगवान के साथ सेटिंग है, मेरा पूरा ध्यान है, आप लोगों का सेटिंग भी हो जाएगा और आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और जो अभी भी आलसी की तरह चैट में नहीं लिख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा सोच लेना। तो हमको क्या करना है, फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, इम्प्लीमेंट और अल्टीमेटली कंट्रोल एंड मॉनिटर। ऐसे ये क्या है, ये है हमारे फोर स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे ही मेरा चैप्टर वन खत्म होता है मैं सारे क्वेश्चंस फिर से पूछूंगी, सारे क्वेश्चंस हम फिर से रिवाइज करेंगे, एंड हमेशा हम करते ही है। IDT पावर वाले बच्चों को पता ही होगा हम कहाँ है, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा आपको आंसर देना है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंड दूसरा मेरी जब मन होगी मैं बीच में रिविजन चालू कर दूंगी, अचानक से थर्ड पॉइंट चल रहा है छोड़ के मैं रिविजन चालू कर दूंगी अगर मुझे थोड़ा सा भी लगा तो। चलो
आ जाओ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर होता था ना, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक ना ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर होता था, उसके पास सिर्फ दो ही काम थे, कुछ भी करो, कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट रिड्यूस करो. तो बैठा बैठा सोचता था कि भाई कहां से कॉस्ट बचा सकते हैं, और बस ऐसे सेंटर बंद करवा देता था, मशीन का मेंटेनेंस नहीं होने देता था. तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को कुछ काम था नहीं, पूरे दिन बस ऑफिस में बैठ के कोको ऑर्डर करता था कि भाई मेरे कोको पीना है, कोको लेके आ जाओ. कोको पी पी के वो हो गया मोटा, कोको पी पी के ये हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर है ये मोटा हो गया है. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ये है फैट कोको. ये क्या है? फैट कोको. कोको पी पी के मोटा हो गया था, तो फिर उसको पतला करने के लिए हमको लाना पड़ा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. इधर कोई बॉडी शेविंग नहीं हो रही है, ठीक है, हम सिर्फ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चीजें कभी भी भूले ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब आपको कोई भी पूछे कि भाई ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन समझ ली, लिमिटेशन समझ ली, बट एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन लिखना है, तो भाई ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर था कोको पी पी के मोटा हो चुका है, उसको पतला करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो भाई फैट कोको, एफ से क्या है? फोकस. एफ से क्या है? फोकस. तो ट्रेडिशनल वाले को तो एक ही काम था ना कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोकस करना था, अपने इंटरनल फैक्टर्स को देख के कॉस्ट कंट्रोल करना था. लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जो फोकस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल. वेरी गुड अमित, उसकी ना हमने कोको की ही कॉस्ट रिड्यूस कर दी. बहुत बैठ के कोको पी रहा था, एससीएम लेके आए और उसका कोको का ही कॉस्ट कटिंग कर दिया. चलो, सो एफ से सबसे पहला पॉइंट है फोकस. एफ से हमारा सबसे पहला पॉइंट है फोकस, कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में जो हमारा फोकस होता है वो इंटरनल ही होता है. वेरस अभी मेरे साथ लर्न हो जाना चाहिए, आप लोगों को सारी की सारी चीजें अभी ही मेरे साथ याद हो जानी चाहिए. मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन आंसर के अलावा और कुछ भी करना पड़े. एज नॉर्मली ये होता है कि पावर में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो घर जाके आप लोगों को, मतलब आप तो घर पे ही हो, सेशन के बाद आप लोगों को एक दो घंटे वो चीज वापस पढ़ने में लग जाती है. आई वॉन्ट टू सेव दैट टाइम. हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं कर लूंगी कि नोट्स कंसाइज वनसाइज बना के आपको क्लास में ही लर्न करवा दूं, ताकि आपका वो लर्न करने वाला टाइम, रीड करने वाला टाइम बच जाए और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. सो नाइस ऑफ मी, थैंक यू. चलो, सो आई विल डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप लोगों को यहीं पे सब कुछ याद हो जाए. थोड़ा सा टाइम ज्यादा कम करके हम मैनेज कर लें, बट घर पे आपको फिर से दो घंटे ना देने पड़े यही चीज लर्न करने के लिए. यहीं पे लर्न करना है एंड घर जाके सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. तो आ जाओ, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एफ से सबसे पहले क्या हो गया हमारा? फोकस, जो कि यहाँ इंटरनल होगा, यहाँ पे दोनों इंटरनल एक्सटर्नल होंगे. उसके बाद ए से क्या है? ए से है हमारा अप्रोच. तो ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर है ये रिस्क एवर्स होता है, कोई रिस्क लेता नहीं है. ये क्या होता है? ये रिस्क एवर्स होता है, कोई रिस्क नहीं लेता है, इसको बस अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है. वेरे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, वो एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज भी करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है उसमें, जिससे कि उसको आगे जाके बेनिफिट होता है. सो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या बोलता है? तो जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर का अप्रोच है वो काफी रिस्क एवर्स है, मार्केट बदल रहा है, फिर भी ये फट्टू इंसान मार्केट के साथ आना नहीं चाहता, इसको डर लगता है. लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजर है वो क्या करेगा? उसमें एबिलिटी है कि वो रिस्क लेगा और अपने अपने आप को मार्केट के साथ एडजस्ट भी करेगा. देन टी से क्या है हमारा? टाइम स्पेन. नाउ टाइम स्पेन हमको ऑलरेडी पता है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म होता है और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म होता है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. फैट हो गया. नाउ कोको, तो को क्या है? कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट. कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट मतलब हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल ओवरहेड है, उसको हम कैसे अलोकेट करते हैं. तो ट्रेडिशनल कॉस्ट में ऑलरेडी हमको पता है वॉल्यूम के बेसिस पे, हम कुछ सोचते ही नहीं है, वॉल्यूम के बेसिस पे हम कर देते हैं सारा काम. मतलब कि भाई जितना टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बने, वॉल्यूम के बेसिस पे कॉस्ट अलोकेट कर दो. लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, हम सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर्स. आप लोगों ने एबीसी पढ़ा होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा, जो कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब नए मॉडर्न कॉस्टिंग का एक पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पे हम वॉल्यूम को भाव ना देते हुए पर्टिकुलर एक्टिविटीज को भाव देके और कॉस्ट का अलोकेशन करते हैं. सो को से क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट ड्राइवर अप्रोच. को से क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट ड्राइवर अप्रोच. और दूसरा क्या है? कॉस्ट रिडक्शन. तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही कॉस्ट रिडक्शन का है. यहाँ पे हमारा
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही कॉस्ट रिडक्शन का है, वेरेस यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंटेनमेंट है, मतलब कॉस्ट रिड्यूस तो करेंगे ही, कॉस्ट रिड्यूस तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। कॉस्ट तो रिड्यूस करेंगे लेकिन साथ में वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। एंड को लास्ट में ये जो एक और ओ है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करके दे। और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किससे क्रिएट होता है, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन से। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि हमको कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन क्रिएट करना है, बाकी सब खुद फोड़ लेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को क्या करना है, कुछ नहीं, स्कोर कीपिंग करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, ये टाइम पास करेगा, बैठे बैठे कोको पिएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है, फैट कोको। फटाफट से मुझे सब लोग फैट कोको का फुल फॉर्म बताएंगे। एफ से क्या है हमारा, फोकस। एक बार में लर्न नहीं होगा इसलिए हम दो तीन बार कर रहे हैं। एफ से क्या है तो फोकस। फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे इंटरनल फोकस, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फोकस होंगे। देन ए से आ जाएगा हमारा अप्रोच। तो ये है फट्टू, रिस्क एवर्स अप्रोच लेके चलेगा। वेरेज यहाँ पे हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और हम खुद को चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करेंगे। टी से आ जाएगा हमारा टाइम स्पैन। टाइम स्पैन क्या बोलता है कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म है और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट लेके चलता है। देन को क्या बोलता है, तो पहला है कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट, दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट ड्राइवर में यहाँ पे ट्रेडिशनल में तो हम वॉल्यूम के बेसिस पे काम कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक में हम क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, एक एक एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं और कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं। एंड दूसरा को क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन। तो ट्रेडिशनल में हमारा मेजर एम ही कॉस्ट रिडक्शन का है, लेकिन यहाँ पे हमको कॉस्ट कंटेनमेंट करना है, मतलब कॉस्ट रिडक्शन के साथ वैल्यू भी बढ़ानी है। एंड लास्ट ओ क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव। लास्ट ओ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो इधर ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ नहीं, स्कोर कीपिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, अकाउंटिंग वाले काम करो। वेरेज यहाँ पे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एकमात्र ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाना, जो कि कैसे आता है, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन से। वेरी गुड, आप लोगों का एंथुजियाज्म बहुत अच्छा है। जो भी बच्चे चैट में रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज सुबह सुबह उठ के मेरे से खुद से नहीं उठा जाता, हम लेक्चर ले रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी मस्त है, तो उससे मेरे को भी एनर्जी आ रही है। सो कीप राइटिंग, थोड़ा सा इंटरक्टिव रहो, आपकी भी एनर्जी बनी रहेगी और मेरी भी एनर्जी बनी रहेगी। स्कोर कीपिंग का मतलब ये कुछ नहीं, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना। स्कोर मतलब क्या, स्कोर मतलब जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है। कीपिंग, जैसे बुक कीपिंग होता है वैसे स्कोर कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग होता है, सिमिलरली कॉस्टिंग के लिए स्कोर कीपिंग हो जाता है कि भाई कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। शॉर्ट में बोलूं तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मुंशी वाले काम करना उसको हम स्कोर कीपिंग बोल देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, एक सेकेंड, मैं कुछ डाउट स्किप कर दिया शायद, लेट मी चेक। ठीक है, चलो आ जाओ। सो यहाँ पे हमारा डिफरेंस बिटवीन हो चुका है, डन विथ अवर सेकेंड मेजर डन विथ अवर सेकेंड नहीं एक्चुअली थर्ड हो गया। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सेकेंड हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एंड थर्ड हमने पढ़ लिया कि भाई इन दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हमारी तीन चीज हो गई है। थैंक यू योगेश फॉर सच काइंड वर्ड्स। चलो आ जाओ, अब हम डीप डाइव करेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। ये एक पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मॉड्यूल के 6-7 पेज का पूरा कंसेप्ट, पूरा जिस्ट मैंने डाल रखा है। ये एक पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब पूरा अटेंशन यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म करके आपको ब्रेक दे देंगे। आज का हमारा एम चैप्टर 1 का ही है, 12 दिन है हमारे पास, और कॉस्टिंग में चैप्टर्स भी इतने से ही है, तो आराम से हम रोज का एक 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 चैप्टर करते रहेंगे, ढंग से सब कुछ समझेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो आ जाओ, ये रिवाइज कब करवाओगे मैम, ये वाला पोर्शन खत्म करने के बाद, ब्रेक से पहले जितना भी पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करके फिर ब्रेक पे जाएंगे। तो कॉम्पोनेंट्स, अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को हमको डीप डाइव में करना है। तो भाई कॉम्पोनेंट्स क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, क्वेश्चन में आंसर है, पेपर लीक हो चुका है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का आंसर ही है स्ट्रेटेजिक से स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट से कॉस्ट ड्राइवर, और मैनेजमेंट से हो जाएगा हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। हम सब कुछ पढ़ेंगे, जिनको भी टेंशन हो रहा है क्या मैम सब पढ़ाओगे, क्या मैम आप
लर्निंग कर्व कराओगे, सब कुछ करवाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी, सब कुछ करवा देंगे, रिविजन लेक्चर भी ला देंगे। और कुछ जान दे दू, पढ़ो ना अभी, बोला आपको जो भी क्वेश्चन हो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। 2 मिनट, 2 मिनट टॉपिक चेंज होता है उतने में तो सबके क्वेश्चन चालू। अभी जहां पे हो उसके मजे लो, आ जाओ। चलो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर फूट चुका है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के क्या कॉम्पोनेंट्स है। तो स्ट्रेटेजिक से आ जाएगा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट से आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर, और मैनेजमेंट से एक ही तो चीज पूरे चैप्टर में हमको नहीं पढ़नी है जो कि वैल्यू चेन एनालिसिस है। तो वो आप वैसे भी नहीं भूलोगे, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि चैप्टर का मेन जो पार्ट है वही वैल्यू चेन एनालिसिस है, तो ये आप वैसे भी नहीं भूलोगे। एंड स्ट्रेटेजिक से स्ट्रेटेजिक, कॉस्ट से कॉस्ट, क्वेश्चन में आंसर। हाँ, चलो। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। नाउ इसके भी नाम में गुण है, इसके भी नाम में गुण है, पोजिशन। आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इंडस्ट्री में आपकी क्या पोजिशन है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। तो देखो, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस का मतलब कंपनीज रिलेटिव पोजिशन विद इन इट्स इंडस्ट्री मैटर्स फॉर परफॉर्मेंस। इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारी क्या पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा पोजीशनिंग। उसका हमको स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस करना है ताकि हमारी पोजीशन बेटर हो सके। यह है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, यह है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो पहला कंपोनेंट क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक से स्ट्रेटेजिक जो कि है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, क्वेश्चन में आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कंपनी का रिलेटिव पोजिशन विद इन इट्स इंडस्ट्री फॉर परफॉर्मेंस। नाउ ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी क्या चॉइसेस करती है, कंपनी क्या चॉइसेस करती है, वो कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहती है। रिफ्लेक्ट चॉइसेस अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट विल क्रिएट एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट। से फॉर एग्जाम्पल आप ले लो पतंजलि, ठीक है। पतंजलि एक ब्रांड है जो अपने आप को कैसे मार्केट करती है कि भाई हम सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उससे उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। वेरेस दूसरी ऐसी कोई कॉस्मेटिक कंपनी आप सोच लो जो खुद बोलती है कि भाई हम हाइड्रोलॉनिक एसिड यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं, हम वो कोकोबा जो भी अलग अलग टाइप के चीजें होती है वो हम यूज करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं साइंटिफिकली। वैल्यू तो मार्केट में दोनों ने क्रिएट किया है, वैल्यू तो मार्केट में दोनों ने क्रिएट किया है, लेकिन उनका क्या पोजीशन है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, उन्होंने इस वैल्यू को कैसे क्रिएट किया है और ये वैल्यू कैसे डिफरेंट है, और ये वैल्यू कैसे डिफरेंट है। जैसे आप ट्रेसेमे का एड देखो, ट्रेसेमे खुद बोलती है कि भाई हम केराटिन यूज करते हैं, हम केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, और पतंजलि की एड में कुछ नहीं, भाई जड़ी बूटी से पूरा शैम्पू बनाया है। वैल्यू दोनों क्रिएट कर रहे हैं लेकिन दोनों वैल्यू डिफरेंटली क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो मार्केट में, आप कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आप कहां पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। एंड यस, इट हैज टू, इसका नेक्सस है आपकी वैल्यू से, इसका नेक्सस है आपकी वैल्यू से कि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपकी वैल्यू क्या है, क्या आपका पोजीशन है। तो कंपनी का रिलेटिव पोजीशन हम देखेंगे विद इन इट्स इंडस्ट्री मैटर्स फॉर परफॉर्मेंस। एंड कंपनी ने क्या चॉइसेस किए हैं, तो भाई पतंजलि ने ये चॉइस किया है कि एड में बाबा रामदेव ही दिखाएंगे, वेरेस ट्रेसेमे ने चॉइस किया है कि एड में जैकलीन फर्नांडिस दिखाएंगे। तो ये कंपनी की चॉइसेस है जो उनकी वैल्यू क्रिएट करती है, और ये वैल्यू कैसे लोगों से, दूसरे कंपनी से अलग होगी, अपने राइवल्स से वैल्यू कैसे आपने डिफरेंटली बनाई है, इसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। यहाँ पे लिख देती हूं मैं पतंजलि प्लस ट्रेसेमे, तो शायद से आपको याद आ जाए। चलो, नाउ ये वैल्यू हम कैसे बना सकते हैं, या कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दो चीज तो है। जब भी आप अपनी पोजीशन एनालाइज करोगे तो आपका इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है, आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैसा है, ये हमको देखना ही है। एंड तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज है, क्या कल्चर है और क्या सिस्टम है। वैल्यूज, कल्चर और सिस्टम के बेसिस में आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। जैसे टाटा को देख लो, टाटा अपनी वैल्यू के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। टाटा ने आज जो भी अपनी पोजीशन बनाई है, इंडियंस को एक ट्रस्ट है टाटा में। नाउ टाटा जैसे ही वैल्यूएशन वाली दूसरी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती है, टाटा से शायद ज्यादा भी कमा रही है, बट वो अपने वैल्यूज, अपने कल्चर को लेकर शायद इतनी पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन तो बनाई मार्केट में, बट पोजीशन कैसे बनाई, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी पोजीशन को, तो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और कल्चर,
अब इंटरनल एक्सटर्नल तो भूलोगे नहीं, सीधी सी बात है, पोजीशन लाने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल तो भूलोगे नहीं, एक आपको याद क्या रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कल्चर और सिस्टम। नाउ एक हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम देखो वैल्यूज तो ठीक है हमको दिख जाती है, इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट के सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे ही पास है ना, हमारे इंटरनल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है हमको पता है, उसको भी असेस करना इजी है, बट आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कैसे एनालाइज करोगे, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपके हाथ में नहीं है, फैक्टर्स विच आर नॉट विद इन योर कंट्रोल वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं। तो उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मॉडल्स के एग्जाम्पल दिया है, एक आप यूज कर सकते हो पेस्टल मॉडल, एक आप यूज कर सकते हो पेस्टल मॉडल और दूसरा आप देख सकते हो पोर्टर के फाइव फोर्सेस। पोर्टर के फाइव फोर्सेस अभी अभी आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसको एक बार छोड़ दो। दूसरा क्या बचा है, पेस्टल मॉडल। तो पेस्टल में क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक एक फैक्टर पे, एक एक फैक्टर पे आप अपनी कंपनी को एनालाइज करते चलो, इससे आप क्या कर पाओगे, इससे आप अपना एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालाइज कर पाओगे। हमारा एक कंपोनेंट खत्म हो चुका है। तीन कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, तीन कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, जिसमें से हम एक कंपोनेंट पूरा कर चुके हैं एंड आई बिलीव लर्न भी हो चुका होगा, साथ में समझ भी आ गया होगा। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन में आंसर है, क्वेश्चन में आंसर है स्ट्रेटेजिक से क्या आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक से क्या आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, जिसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में हमारी क्या रिलेटिव पोजीशन है दूसरे लोगों की कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। एंड ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक कंपनी ने क्या चॉइसेस की है, कौन सी चॉइसेस भाई, अपनी वैल्यू क्रिएट करने की चॉइसेस, कि वो कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहता है और वो वैल्यू कैसे उसके राइवल्स से डिफरेंट होगी। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड मॉड्यूल का ही लिख के आएंगे। पेपर चेकर को ऐसा लगना चाहिए कि जो सजेस्टेड आंसर है, जो सजेस्टेड आंसर है वो आपकी आंसर शीट से कॉपी करके बनाया है, उसको कंफ्यूजन हो जाना चाहिए कि अरे यार ये सजेस्टेड लीक तो नहीं हो गया था, ये सजेस्टेड आपकी आंसर शीट से तो नहीं बनाए। ऐसे हम लिख के आएंगे, ऐसे हम लिख के आएंगे। देखो सब बोलते हैं कि ओन वर्ड्स में लिख दो चल जाता है, मीनिंग सेम होना चाहिए, जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम चीजों को लर्न कर सकते हैं, हम सेम वर्ड्स में लिख के आ सकते हैं, मार्क्स ज्यादा लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों ना करें, आपको कोई एडिशनल एफर्ट नहीं करना है। एज आई सेड, मेरे ऊपर छोड़ो कैसे याद करवाना है, आप बस पूरा ध्यान दो, आपको तो कोई एडिशनल एफर्ट करना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है, तो भाई क्यों ऐसा मौका छोड़ना जब आप सारी की सारी चीजें मॉड्यूल वाली लिख के आ सकते हो। इसमें से नोट्स में मैंने एक वर्ड अपना खुद का नहीं लिखा है, ईच एंड एवरी वर्ड मैंने मॉड्यूल से लिखा है, बस चीजों को छोटा करती चली हूँ। 25 पेज का चैप्टर है मॉड्यूल में, जिसकी नोट्स मैंने 7 पेज में बना दी है, एंड 25 क्या है, 25 प्रिंटेड पेजेस है, 7 क्या है, 7 हैंड रिटन पेजेस है। 7 पेजेस को मैं प्रिंट करने जाऊं तो पॉसिबली 3 या 4 पेज में ही हो जाएगा। सो आपके लिए सब कुछ समराइज किया है, बट समराइज करने के लिए एक भी मॉड्यूल का वर्ड चेंज नहीं किया है। सो एवरी सिंगल वर्ड दैट आई हैव रिटन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, तो ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस से रिफ्लेक्ट होगी हमारी चॉइसेस, एक कौन सी चॉइसेस, कौन पसंद है वो वाली चॉइसेस नहीं, कौन सी चॉइसेस हम बना रहे हैं वैल्यू क्रिएट करने के लिए, और ये वैल्यू कैसे डिफरेंट होगी हमारे राइवल्स से, ये वैल्यू कैसे डिफरेंट होगी हमारे राइवल्स से, ये हम समझेंगे। नाउ यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं जो हम कंसिडर करेंगे इस एनालिसिस को करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल तो समझ में आता ही है, प्लस याद क्या रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू कल्चर और सिस्टम। नाउ एक्सटर्नल एनवायरमेंट को फिर से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो पोर्टर के फाइव फोर्सेस अभी देख लेंगे, आते भी होंगे 11th में, 12th में, सीपीटी में, हर जगह पड़े हैं पोर्टर के फाइव फोर्सेस। उसके अलावा एक हमारा मॉडल है पेस्टल, जल्दी से सारे के सारे क्यूटीज पेस्टल का फुल फॉर्म लिखेंगे, जो भी क्यूट है, जो भी क्यूट है वो पेस्टल का फुल फॉर्म लिखे। यहाँ पे पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। जिसने भी पेस्टल का फुल फॉर्म नहीं लिखा वो क्यूट नहीं, पेस्टल का फुल फॉर्म लिखो फटाफट से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक मॉडल है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्यूट बच्चे, क्यूट बच्चे, फटाफट से मुझे पेस्टल का फुल फॉर्म लिख के बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मस्त लिख रहे हो आप लोग, मस्त लर्न भी कर रहे हो, वेरी इंप्रेस्ड। आ जाओ,
अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं. सब क्यूट है, यस राइटली सेड, सब क्यूट है. चलो, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या है? नाउ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा, स्ट्रेटेजिक से स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग. नाउ दूसरा, दूसरा आ जाएगा हमारा कॉस्ट से कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. नाउ कॉस्ट, अब देखो ट्रेडिशनल में हम ये सारी चीजें कंसिडर नहीं करते थे. एज आई सेड, ट्रेडिशनल में हम सब कुछ वॉल्यूम के बेसिस पे कर देते थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इंटर रिलेटेड है और वो हमारी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इंटर रिलेटेड है और वो हमारी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं. हाँ जी, आप सब क्यूट हो, और क्यूट होना बुरा नहीं है, क्यूट होना बहुत अच्छा है, ठीक है. सीए फाइनल में आके ऐसे राक्षस जैसे मत हो जाओ, क्यूट ही रहो तो हर जगह पे आपका काम बन जाएगा. चलो, कॉस्ट इज कॉस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर इंटर रिलेटेड. छोटा क्वेश्चन था इसलिए क्यूट, बड़े क्वेश्चन के लिए आपको कुछ और एडजेक्टिव दे दूंगी. चलो, सो क्वेश्चन, कॉस्ट इज कॉस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर इंटर रिलेटेड. नाउ कौन कौन से हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं, अब ध्यान से, अब थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे जो हमको लर्न करने हैं. तो अब कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं स्ट्रक्चरल, या तो कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं एग्जीक्यूशनल. सारा ध्यान इधर, सारा ध्यान इधर, अब सब कुछ छोड़ दो, चलो फटाफट से. कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं या एग्जीक्यूशनल भी हो सकते हैं. अब दोनों का फर्क क्या है? तो जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है, मतलब ऐसी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को अफेक्ट करती है, पूरे के पूरे फर्म के प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. से फॉर एग्जाम्पल, स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, मतलब उसके पास क्या होगी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी. जस्ट बिकॉज वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसको सस्ता पड़ रहा है. तो ये क्या हो गया? ये उसका स्केल एंड स्कोप, स्केल एंड स्कोप जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, वो वाला कॉस्ट ड्राइवर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर. फिर से नाम में गुण. नाम में गुण क्यों? आपकी कंपनी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो किन चीजों पे बेस्ड है, वो वाले कॉस्ट ड्राइवर्स, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स. तो ये जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स है, सीधी सी बात है, ऐसे फैक्टर्स है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, फर्म के प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं. नाउ एक फर्म के प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या अफेक्ट कर सकता है? तो उसका स्केल और उसका स्कोप, उसका स्केल और उसका स्कोप. नाउ स्केल कैसे? सपोज लार्ज स्केल है तो सीधी सी बात है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलेगी. इसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस का बेनिफिट है. आप लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हो? शुरू शुरू में चीजें महंगी पड़ती है हमको, जब हम नया नया चालू करते हैं, जैसे जैसे एक्सपर्टीज आती जाती है, हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी कॉस्ट कम होती जाती है. सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट उसके इनिशियल स्टेजेस में बना रही है या प्रोडक्ट उसके ग्रोथ स्टेज में बना रही है, तो लाइफ साइकिल से भी कॉस्ट पे फर्क पड़ता है. तो क्या चीज? एक स्केल और एक स्कोप, एक स्केल और एक स्कोप है जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स को. एग्जाम्पल घर के हैं मैडम? नहीं, एग्जाम्पल भी बुक के ही है. डिट्टो सारे के सारे वर्ड्स बुक के ही है कि भाई लार्ज स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब लार्ज स्केल है तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाएगा. उसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स को अफेक्ट करती है? टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, लर्निंग कर्व, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, सब कुछ. नाउ सेकंड क्या है हमारे? एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स. एग्जीक्यूशन मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं है. हम जो डिसीजन ले रहे हैं ऑपरेशंस करने के लिए, जो डिसीजन ले रहे हैं कि रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करना है, वहां पे जो कॉस्ट ड्राइवर्स एसोसिएटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स, विच आर बेस्ड ऑन फर्म्स ऑपरेशनल डिसीजंस ऑन हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव गोल्स. एंड ये किससे डिटरमाइन होते हैं? ये हमने देखा कि स्केल और स्कोप से डिटरमाइन होते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट का क्या स्टाइल है, क्या पॉलिसी है, मैनेजमेंट कैसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहती है, क्या मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस समझती है, क्या मैनेजमेंट प्लांट के लेआउट को एफिशिएंट रखती है, क्या मैनेजमेंट ये चीजें करना चाहती है, मतलब उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पे कॉस्ट डिटरमाइन होगी. सो यहाँ पे फटाफट से मेरे को बताओ कौन से हैं हमारे दो कॉस्ट ड्राइवर्स. हम कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस देख रहे हैं, तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस हम कौन से दो अप्रोचेस से कर सकते हैं? तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स और दूसरा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर. नाउ एक एक वर्ड जो आपको इसके साथ ही याद रख लेना है, जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, स्केल एंड स्कोप. और दूसरा हमारा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर जो किस पे बेस्ड है, तो हमारे ऑपरेशनल डिसीजंस पे बेस्ड है, यानी कि कौन से डिसीजंस, मैनेजमेंट की क्या स्टाइल है और क्या पॉलिसी है. ये जो हाईलाइट किया है और जो ये ऑरेंज में लिखा है, उतना समझ लोगे तो आगे पीछे का खुद ही याद आ जाएगा.
इतना सा समझ लो, आगे पीछे का आपको खुद से याद आ जाएगा। तो जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ कि कॉस्ट इज कॉस्ट बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर इंटर रिलेटेड। कौन से हैं ये फैक्टर्स, कौन से हैं ये कॉस्ट ड्राइवर्स, सबके सब लिखेंगे, सबके सब चैट में लिखेंगे, घर पे भी जोर जोर से चिल्लाएंगे कि कौन से हैं ये कॉस्ट ड्राइवर्स। मेरी पेन गिर गई। कौन से हैं ये कॉस्ट ड्राइवर? तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। नाउ जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स है, इंटर्न किस पे बेस्ड है? तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पे बेस्ड है, जैसे कि स्केल और स्कोप। एंड जो हमारे स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स है वो किस पे बेस्ड है? हमारे ऑपरेशनल डिसीजंस पे बेस्ड है, जैसे कि मैनेजमेंट का स्टाइल और पॉलिसी। अल्टीमेटली आप अगर दोनों ही चीज देखते हो तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्लेन कॉस्ट। कंपनी को कॉस्ट ड्राइवर्स पे फोकस करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, कंपनी को कॉस्ट ड्राइवर्स पे फोकस करना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, और ना कि वॉल्यूम पे। डन विद अवर सेकेंड कॉम्पोनेंट। तीन ही तो टोटल कॉम्पोनेंट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, टोटल तीन ही तो कॉम्पोनेंट है, जिसमें पहला कॉम्पोनेंट क्या हो गया हमारा, स्ट्रेटेजिक से स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। दूसरा क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर से हमारे स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। एंड लास्ट हम देखेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस बच्चे बच्चे को आता है, वैल्यू चेन एनालिसिस बच्चे बच्चे को आता है। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो वैल्यू एड कर रही है, ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो वैल्यू एड करती है फाइनल प्रोडक्ट में, वैल्यू एड ना करने वाली एक्टिविटीज को हटा दो। सो एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। पहले जब हम फ्लाइट में ट्रेवल करते थे तो हर एक को बॉटल वगैरह दिया जाता था, क्योंकि जैसे ही आप ऑनबोर्ड हुए आप सबको पानी की बॉटल दे देंगे। बट अब क्या कर दिया है, वो ग्लास और थर्मस लेके घूमते कि भाई जिसको पानी चाहिए सिर्फ उसको दे देंगे। पानी आपको एनीवेज मिल रहा है, पानी आपको एनीवेज मिल रहा है, आपके फाइनल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्यों हर बॉटल का खर्चा करना, क्यों ऐसी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज करना? तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, और सिर्फ जो वैल्यू एडिंग ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एड कर रही है उसको हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। इसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ कौन से अप्रोचेस से, कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि भाई वैल्यू चेन कौन सी चीजें वैल्यू एड कर रही है, कौन सी चीजें वैल्यू एड नहीं कर रही है, उसके हम अभी अप्रोचेस देखेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे कैरी आउट होता है। सो हियर वी आर डन विद कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डन विद अवर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। कॉस्ट का मतलब क्या, तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। एंड पूरे चैप्टर में एक ही तो हमको चीज पढ़नी है, कौन सी, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये तीन क्या है, ये तीन हमारे कॉम्पोनेंट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। नाउ स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस क्या बोलता है कि मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारी क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन है, उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। एंड ये क्या बताता है, ये हमारी चॉइसेस बताता है कि हमने कैसे वैल्यू क्रिएट की और वो वैल्यू हमारे कॉम्पिटिटर्स से, हमारे राइवल्स से कैसे अलग है। एंड ये इसके फैक्टर्स क्या है, तो इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये तो हम समझते हैं। प्लस क्या आ जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज है, क्या कल्चर है और क्या सिस्टम है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, देखे बिना फटाफट से मेरे को बताओ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कौन से दो मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। वेरी गुड, द आंसर इज पेस्टल और पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। पेस्टल क्या है, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, और बाकी हम पोर्टर के 5 फोर्सेस अभी पढ़ लेंगे। नाउ कॉस्ट से क्या है हमारा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कि भाई कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स से होता है और ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने दो कॉस्ट ड्राइवर्स देखे, एक स्ट्रक्चरल और एक एग्जीक्यूशनल। जो स्ट्रक्चरल है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पे बेस्ड है, और जो एग्जीक्यूशनल है वो हमारे ऑपरेशनल डिसीजंस पे बेस्ड है। ऑपरेशनल डिसीजंस मतलब मैनेजमेंट का स्टाइल और पॉलिसी, एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर मतलब स्केल एंड स्कोप। यहाँ पे हमने ये सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए। एंड अल्टीमेटली हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू एड कर रही है, और सारी की सारी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को क्या करो, तो उड़ा दो, एलिमिनेट कर दो। नाउ आ जाओ ये वैल्यू चेन एनालिसिस को ढंग से समझते हैं। कौन लाया वैल्यू चेन एनालिसिस, तो माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर यही जो 5 फोर्सेस लाया है वही वैल्यू चेन वाला है, सेम अंकल है। तो माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस, स्वर्गीय माइकल पोर्टर, स्वर्गीय माइकल पोर्टर है जो लेके आए हैं हमारे लिए वैल्यू चेन एनालिसिस। और पोर्टर ने क्या बोला कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है,
भले ही आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को यहां पे एनालाइज करते हो, बट ये प्रोसेस इंटरनल है. ओ हो, व्हाट एन आयरनी. यहां पे हम समझ क्या रहे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम पोर्टर की चीजें यूज करते हैं, लेकिन पोर्टर ने बोला क्या है, इवन तो आप एक्सटर्नल चीजें एनालाइज कर रहे हो, फिर भी ये प्रोसेस तो क्या है, इंटरनल है. ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस का प्रोसेस है, ये क्या है, इंटरनल है. तो देखो यहां पे दो तरह की एक्टिविटीज होती है. जब भी हम वैल्यू चेन का एनालिसिस करते हैं कि भाई कोई एक्टिविटी वैल्यू एडिंग है या नहीं, तो दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो आपके रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, कस्टमर तक पहुंचा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज. तो प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली हमारे इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करवाती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल्स इनटू आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट. या अगर हम प्रोडक्ट में सर्विस सप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली हमारे प्रोविजन ऑफ सर्विस में जो हेल्प करती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज. उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज. नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है, तो पांच है, यहां भी लिखी है, चार्ट में से भी देख सकते हो. प्राइमरी एक्टिविटीज पांच है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आप जो इनपुट्स खरीद रहे हो उनको कैसे इफेक्टिवली कम कॉस्ट में ला सकते हो, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. एक बार रॉ मटेरियल ले आए उसके बाद हम ऑपरेशंस करेंगे, एक बार रॉ मटेरियल ले आए उसके बाद हम ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशन करके प्रोडक्ट बन जाएगा तो बाहर बेच देंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कर देंगे. देखो ये प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, केस स्टडी में आती है. आपको एक एक एक्टिविटी एनालाइज करनी होती है कि कौन सी एक्टिविटी में कंपनी फालतू खर्चा कर रही है. सो ये अभी अभी लर्न कर लेंगे. प्राइमरी एक्टिविटीज क्या बोलती है, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है, तो सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक के जब हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, लाने के बाद हम उसका इफेक्टिवली ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके बाहर फेंक देंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. फेंकने के लिए कोई लेगा ही नहीं, हमने फेंक दिया पर कोई ले ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा. उसके लिए हमको मार्केटिंग करके सेल करना पड़ेगा. एंड एक बार सेल करके छुट्टे नहीं हो जाएंगे, हम उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे. हम उनको क्या करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक किया, जिसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके बाहर फेंक दिया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक. लेकिन फेंक दोगे तो थोड़ी ना कोई लेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करके बेचना पड़ेगा. एंड मार्केटिंग करके बेच के आप फ्री नहीं हो सकते, आपको सर्विस भी देनी पड़ेगी. तो बताओ मेरे को कौन सी है हमारी पांच प्राइमरी एक्टिविटीज, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कि कौन सी है हमारी पांच एक्टिविटीज. अभी माइकल पोर्टर जिंदा है कि नहीं है मेरे को नहीं पता भाई, सॉरी. चलो आ जाओ. सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आई जस्ट अज्यूम्ड के बचपन से पढ़ रहे हैं तो शायद नहीं होंगे, वो भी सकते, आई डोंट नो, नहीं होंगे वैसे तो. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस. आ जाओ प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है हमारी पांच. सबसे पहले हम लेके आएंगे तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, लाने के बाद ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस करके फेंक देंगे, मतलब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. नाउ फेंक देंगे तो ऐसे तो कोई लेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करके सेल करना पड़ेगा, मार्केटिंग करके सेल करना पड़ेगा. एंड सेल करने के बाद हमको क्या देना पड़ेगा, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेगी. सब बच्चे लिखेंगे, सबके सब लिखेंगे कौन कौन सी है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज. ये पांच प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट आप खुद लिख सकते हो. आई डोंट थिंक कि मुझे आपको इसके अंदर का भी समझाना पड़ेगा. अगर रेगुलर बैच होती तो समझा भी देती, बट पावर बैच है तो इतना इतना तो आई कैन अज्यूम कि आप लोग खुद से इसके अंदर की चीजें लिख सकते हो. अब आ जाओ सेकेंडरी एक्टिविटी. तो सेकेंडरी एक्टिविटी को हम सपोर्ट एक्टिविटीज भी बोलते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं. ऐसी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, ऐसी एक्टिविटी जो कि इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करने में तो हेल्प नहीं करती है, लेकिन ये क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे सपोर्ट एक्टिविटीज. सपोर्ट एक्टिविटीज चार है, कौन कौन सी, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर. कि भाई एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको प्रोक्योरमेंट करना है. ओके माइकल पोर्टर जी स्वर्गीय नहीं है, माइकल पोर्टर जी जिंदा है और उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है. हम बचपन से उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि स्वर्गीय होंगे. चलो आ जाओ, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको स्वर्गीय लिख के नहीं आना है, तो चुप रहो. चलो आ जाओ, प्रोक्योरमेंट.
सपोर्ट एक्टिविटीज क्या है, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट कि भाई हम जब रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हम ऐसे परफेक्ट वेंडर से ले रहे हैं जो हमको टाइम पे दे रहा है, कम कॉस्ट में दे रहा है, वेंडर से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, ये सब कुछ क्या हो जाएगा प्रोक्योरमेंट में आ जाएगा। प्रोक्योर करने के बाद हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमको करना है। ये क्या है, ये सपोर्ट एक्टिविटीज है जो कि मेन एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। अगर अच्छे से ऑपरेशंस करने हैं तो सीधी सी बात है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मस्त होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो जैसे आई सेड कि प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, तो अगर मुझे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स करना है, तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, प्रोक्योरमेंट। मुझे ऑपरेशंस करना है तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जितनी मस्त टेक्नोलॉजी होगी उतना अच्छा हमारा ऑपरेशंस होगा। अगर मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मार्केटिंग एंड सेल्स करना है, तो उसमें मुझे कौन हेल्प करेंगे, मेरे एम्प्लॉयज, जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसके लिए हमको कौन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड अल्टीमेटली फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो सारी चीजें ढंग से हो पाएगी। तो ये क्या है, ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज है, हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज है। सो डन विथ, वी आर डन विथ माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन, तो माइकल पोर्टर के वैल्यू चेन में क्या है, दो तरह की एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज है और सपोर्ट एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली इनपुट्स को आउटपुट्स में, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में या सर्विस के केस में, प्रोविजन ऑफ सर्विस में हेल्प करती है। हम की जो सर्विस है, सर्विसेज के केस में प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए हम एक वैल्यू शॉप मॉडल भी पढ़ते हैं। छोटू सा पॉइंट है, मॉड्यूल से जब रिकंसाइल करूंगी तब बता दूंगी, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एज सच, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगी कि सर्विस के केस में यहाँ पे एक वैल्यू शॉप मॉडल आता है। बिकॉज ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये सर्विस में तो होगा नहीं, सीधी सी बात है प्रोडक्ट्स में होता है। सर्विस के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज तो सेम है, लेकिन सर्विस के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज थोड़ी अलग हो सकती है जो हम वैल्यू शॉप मॉडल में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए प्रोडक्ट के लिए अगर मेरे को आप प्राइमरी एक्टिविटीज बताओ तो क्या हो जाएगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और हमारा फाइनल लास्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज। एंड सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी हो जाएगी, सपोर्ट एक्टिविटीज में हम करेंगे प्रोक्योर। प्राइमरी के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखो कि भाई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट। ऑपरेशन के लिए क्या चाहिएगा, अच्छा सा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मार्केटिंग वगैरह के लिए हमको क्या चाहिएगा, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स। एंड अल्टीमेटली कुछ भी करने के लिए फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही चाहिए। नाउ आ जाओ, बस यार अब तो चैप्टर खत्म होने आया है हमारा ऑलमोस्ट। नाउ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ एज आई सेड कि वैल्यू चेन तो वो बेसिक चीज है जो हमको अब पूरे चैप्टर में पढ़नी है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ साथ में कर देंगे ऐसा नहीं है, कर भी सकते हैं, बट इनमें से कोई हम एक अप्रोच लेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसके लिए हम यूज करते हैं पोर्टर के फाइव फोर्सेस, तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इस इंडस्ट्री में अभी एंटर करना ठीक रहेगा, क्या इस इंडस्ट्री में हम नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे, पोर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल से। एंड ये मॉडल एकदम डायनेमिक एनालिटिकल टूल है, क्यों, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स है, ये जो पांच फोर्सेस है, ये बदलते रहते हैं। अगर फोर्सेस बदलते रहते हैं तो हमारा जो मॉडल है वो भी डायनामिक होना चाहिए, जो बदलती चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सके। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, कि इंडस्ट्री कैसी है, तो आप क्या करोगे, पोर्टर के फाइव फोर्सेस चेक कर लोगे। सबसे पहले आप देखो बायर का बार्गेनिंग पावर कैसा है और दूसरा सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कैसा है। मतलब ऐसा मार्केट है जहां पे सप्लायर्स तो कम है, बायर्स बहुत ज्यादा है। मतलब बायर्स आके आपको दबाएंगे, बायर्स आपके साथ बार्गेनिंग कर पाएंगे कि भाई हमको देते हो तो नहीं, तो हम तो उससे ले लेंगे। अगर ऐसा बायर का बार्गेनिंग पावर हाई है, मतलब आपके लिए नुकसान है। आपके सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई है, मतलब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, सप्लायर बोलता है इसी टाइम पर रॉ मटेरियल दूंगा, इतने में ही दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपके सप्लायर भी आपको दबा रहे हैं, तो भी आपके लिए नुकसान है। तो भाई देख लो कि बायर का बार्गेनिंग पावर कैसा है, दूसरा सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कैसा है। क्या सब्स्टिट्यूट्स का हमको कोई थ्रेट है, क्या हमारे जैसे कोई प्रोडक्ट्स है जो हमको आके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट है तो वो सबसे बड़ा एक थ्रेट हो जाता है। एंड दूसरा क्या न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट है। अभी हम इंडिया में अकेले राजा है, ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हम ही सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर पता चला कि से फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार है, डीमार्ट है,
अब अगर इंडिया में वॉलमार्ट आ जाता है तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? तो ये उनको एक न्यू एंट्रेंस का थ्रेट है कि भाई नए एंट्रेंस आके क्या हमको आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या हो जाएगा कि कंपटीशन कितना इंटेंस है फर्म्स में, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनमें कितनी राइवलरी है, कंपटीशन कितना इंटेंस है वो हम चेक कर लेंगे। ये क्या है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है उसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, पोर्टर के 5 फोर्सेस यूज करेंगे। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है उसका एनालिसिस करने के लिए हम पोर्टर के 5 फोर्सेस यूज करेंगे। ना ये 5 फोर्सेस कौन से हैं, सबसे पहले हम बार्गेनिंग पावर देखेंगे, सबसे पहले हम बार्गेनिंग पावर देखेंगे किसका, बायर का भी और सप्लायर का भी। उसके बाद हम दो थ्रेट देखेंगे, कौन सी थ्रेट, क्या कोई सब्स्टिट्यूट है, क्या कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, या क्या कोई आके हमको बाहर निकाल सकता है, न्यू एंट्रेंस का क्या थ्रेट है। एंड लास्ट में हम देख लेंगे कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स है इंडस्ट्री में, उनके बीच में कितनी राइवलरी है, उनमें कितना कॉम्पिटिशन है। नाउ ये जो कॉम्पिटिशन का इंटेंसिटी है ये हायर कब हो जाता है, कॉम्पिटिशन का इंटेंसिटी हायर कब हो जाता है, जब एक जैसी बहुत सारी फर्म है, मोर और लेस इक्वल साइजेस फर्म है, मतलब सब एक दूसरे के जैसे ही है, इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब इंडस्ट्री में अभी भी कैपेसिटी है कि नए लोग आए वहां पे काम करे, तो सारे कॉम्पिटिटर्स भी उस कैपेसिटी को टैप करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा कैपेसिटी होगी तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ट्राई करेंगे कि उस कैपेसिटी को खुद से टैप कर ले, जिससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आप बीच वगैरह जाते हो, कभी बीच रिवर साइड गए हो, वहां पे बहुत सारे पानी पूरी वाले पाव भाजी वाले लोग होते हैं। अब एज सच देखने जाओ तो सबका सबका छोटा छोटा सा रेडी होता है, सबके पाव भाजी आप टेस्ट करो तो सेम ही होती है, टेस्ट में ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट आप कर नहीं पाते, तो उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। आप वहां से निकलोगे आपको हाथ पकड़ के खींच खींच के बिठा देंगे कि इधर आ जाओ। ये उनको करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनकी फर्म्स एक जैसी है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में हमको दिक्कत हो जाती है बिकॉज सबका टेस्ट एज सच एक जैसा ही है। नाउ हाई एग्जिट बैरियर्स है और हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, उस केस में कंपटीशन बढ़ेगा, क्यों, एक बार आप किसी इंडस्ट्री में घुस गए, आपने बहुत ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट लगा दिया है, अब आपके लिए उससे निकल पाना मुश्किल है। एग्जिट बैरियर्स में गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि 5 साल तक आपको ये करना ही पड़ेगा, तो एग्जिट बैरियर्स हाई है और फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करोगे, उस केस में आप सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करोगे, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो आप सोचोगे कि भाई जो मिले चल जाए, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, कैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो उसके लिए आप कितने भी प्राइसेस को क्रैश कर दोगे, उसके लिए आप कितने भी प्राइसेस को कैश कर दोगे। तो यहाँ पे कब हम बोले कि आपके कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी हाई है, कब हम बोले कि आपके कंपटीशन की इंटेंसिटी हाई है, जब या तो एक जैसी फर्म्स है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे ही दिखते हैं, प्लस एक बार घुस गए तो एग्जिट बैरियर्स हाई है और आपने बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट लगा दिया है। इस केसेस में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन का इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई वैल्यू चेन एनालिसिस के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स क्या है, सारे एक साथ लगा देने हैं, नहीं, इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर का एनालिसिस, जिसके लिए हम यूज करते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। नाउ ये क्या है, ये एक डायनेमिक एनालिटिकल टूल है, क्यों, क्योंकि ये फोर्सेस बदलते हैं तो सीधी सी बात है एनालिटिकल टूल भी बदलता जाएगा। तो कौन से हैं हमारे 5 फोर्सेस, फटाफट से लिखेंगे, सब चैट में लिखेंगे कि पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं। देखो वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटीज 5 कौन सी है, सपोर्ट एक्टिविटीज 4 कौन सी है, पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं। कोई नींद में उठा के पूछे तो भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर केस स्टडी आती है तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो फटाफट से बताओ कि पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं। तो पहले तो हम बार्गेनिंग पावर देख लेंगे, किसका, बायर का भी और सप्लायर का भी। बिट, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, बिट, छोटू सा मॉडल है। बिट बी से क्या है, बार्गेनिंग पावर, किसका, बायर का भी और सप्लायर का भी। टी से क्या है, थ्रेट, दो थ्रेट है, किस किस का थ्रेट है हमको, सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है और न्यू एंट्रेंट्स का भी थ्रेट है।
सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है और न्यू एंट्रेंट्स का भी थ्रेट है। एंड आई से क्या है कि भाई इंटेंसिटी कितनी है कॉम्पिटिशन की या तो फिर राइवलरी कितनी है। नाउ इंटेंसिटी कितनी है ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी है ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, जब मोर और लेस एक ही साइज की फर्म्स है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में, डिफरेंसिएशन आप कर नहीं पाते हो, एग्जिट बैरियर्स हाई है और फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम बोल देंगे कि भाई कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। ब्रेक दे दूं क्या, ब्रेक दे दूं, कोर कॉम्पिटेंसी थोड़ा सा लंबा चलेगा, चलो ब्रेक देती हूँ। ब्रेक के बाद अभी तक जितना भी पढ़ा है उतना रिवाइज करके आगे पढ़ के चैप्टर खत्म करेंगे मॉड्यूल से फटाफट, आपको 15 मिनट में रिकंसाइल करवा के और 2-3 केस स्टडी सॉल्व करवा दूंगी। एंड आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे और यही पे चालू है, ब्रेक दे देती हूँ आपको। एंड इट इज 9:15 आई गेस, 9:30 तक मिलते हैं, ठीक है, 9:25, 9:11 हुए हैं, 9:25 को वी शैल रिज्यूम, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 9:11 हुए हैं, 9:25 को आई विल रिज्यूम द सेशन, ठीक है, चलो 9:25 को मिलते हैं, देन 11:30 तक हमारा सेशन चलेगा। वेरी गुड, जो लोग भी एक्टिवली सारे आंसर्स दे रहे हैं आई एम इम्प्रेस्ड, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते जाओ, सब कुछ हो जाएगा, एससीएमपी का टेंशन मेरे ऊपर डाल दो, ठीक है, चलो, सो लेट्स मीट एट 9:25, ओके।
चलो आ जाओ सब, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक, लेट्स स्टार्ट अगेन। आ जाओ अब एक बार फटाफट से 5-10 मिनट लेके शुरू से जो भी 2 घंटे में पढ़ा है पूरा हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग फटाफट से। सारे एनर्जेटिक क्यूटीज आ जाओ फटाफट, लेट्स स्टार्ट बैक बैक बैक। यस एवरीवन इज बैक। आ जाओ फटाफट से, एज यूजुअल हम जो भी चीज 2 घंटे में पढ़ते हैं उसका रिवीजन हम 5 से 10 मिनट में कर लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 5 मिनट्स। 1 आवर में हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए हमको कितने मिनट्स लगते हैं? 5 मिनट्स। तो अभी जो भी हमने 2 घंटे में, नॉट इवन 2 आवर्स में पढ़ा है, वो हम फटाफट से 10 मिनट्स में रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग फटाफट से। यस गाइस श्योर। चलो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि भाई ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाना क्यों पड़ा। अब जो भी पूछ रही हूं उसका फटाफट से चैट में मेरे को आंसर देते जाना, रिवीजन हो जाएगा कि भाई जो भी पढ़ा था सब कुछ याद है कि नहीं है। फटाफट से, ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है इसका फोकस किस पे है? तो इसका फोकस 2 ही चीजों पे है। तो देखो, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। क्वेरीज डाउट सब कुछ टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन या तो फिर टेलीग्राम पे ले लेंगे। अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, केस स्टडीज वगैरह भी सॉल्व करनी है आज ही। चलो आ जाओ आ जाओ। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड लार्जली किस पे फोकस करता है? लार्जली फोकस करते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे। नाउ यहाँ पे हमारा मेजर हमारा काम क्या होता है कि हम करते हैं वेरियंस एनालिसिस। वेरियंस एनालिसिस मतलब हम स्टैंडर्ड को कंपेयर कर लेते हैं हमारे एक्चुअल से एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं ताकि आगे जाके हमारी चीजें एज नियर एज बजटेड आउटकम पॉसिबल हो सके। तो भाई ये लिमिटेशंस क्या है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की? लिमिटेशंस क्या है कि सर बचपन से आपको जो सिखाया था वो तो एक झूठ था। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में बचपन से आपको जो सिखाया था सर वो तो एक लाई था। तो क्या है हमारे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? ऐसे बोलो शॉर्ट टर्म आउटलुक, ऐसे बोलो। देखो पूरा तो याद आएगा नहीं, सीधी सी बात है, अभी अभी पढ़ा है। कितने कितने आपको सर लाइन में से याद आ रहे हैं? ट्राई करो, बाकी का एक आध बार रिविजन करोगे तो आ जाएगा। एंड हम वैसे भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिविजन करते ही रहते हैं, कल के लेक्चर में फिर से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत घर पे भी। तो सर सर लाई है, सर एस क्या है हमारा शॉर्ट टर्म आउटलुक। आई से क्या करना है, जो हम हमेशा जिंदगी में होते ही आ रहे हैं इग्नोर। इग्नोर किस किस को करते हैं? कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। आर से क्या है रिएक्टिव अप्रोच। आर से क्या है तो रिएक्टिव अप्रोच, काम होने के बाद हम सब कुछ करते हैं। एल से क्या है लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, मतलब हमको हमको हमारे इंटरनल फोकस, इंटरनल चीजों पे ही फोकस है और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब लिमिटेड फोकस है। तो लिमिटेड फोकस क्यों है? क्योंकि एक्सेसिव फोकस तो कॉस्ट रिडक्शन पे है। ई से हमारा एक्सेसिव फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे है, जिससे हमारी क्वालिटी खराब हो सकती है। एंड एक और इग्नोर क्या बोलता है कि हम मार्केट के डायनामिक्स, इकोनॉमिक के डायनामिक्स को इग्नोर करते हैं और किस पे रिलाई कर लेते हैं? अकाउंटिंग डेटा पे रिलाई कर लेते हैं, जो कि काफी बार मिसलीडिंग हो सकता है। याद आया कि आप लोगों को मेरे साथ लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट? उसके बाद आ जाओ, उसमें लिमिटेशंस थी इसीलिए हम कहां पे आए, इसीलिए हम आए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कॉस्ट तो मैनेज करना ही है, कॉस्ट तो मैनेज करना ही है, लेकिन ऐसे करना है कि कंपनी की वैल्यू भी बढ़े, कि कंपनी की वैल्यू भी बढ़े। वेरी गुड, जिन लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत करके सारा सारा फुल फॉर्म लिखा है, प्राउड ऑफ देम। आ जाओ, तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है एक सेट ऑफ एक्शंस। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी वो सारी की सारी खिचड़ी है जो आप अपने दिमाग में पका रहे हो। एंड आप ये खिचड़ी क्यों पका रहे हो? क्योंकि आपको अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। सो इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट इट इज नॉट सफिशिएंट कि आप सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करो, आपको स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है और आपको वैल्यू भी क्रिएट करनी है। और प्रॉफिट और वैल्यू दोनों आप कैसे क्रिएट कर पाओगे? जब आपके पास है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किससे आता है? या तो आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन से या फिर कॉस्ट लीडरशिप से। उसके बाद हमारा जो फोकस है वो क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे रहेगा? द आंसर इज नो, हमको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहना है। कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहना है किस किस में? तो प्रोडक्शन में, परचेज में, डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिलीवरी सर्विस में, सब में। और
अच्छा होगा कि अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही लगा देते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ताकि आगे जाके हमको हैवी कॉस्ट ऑफ फेलियर उठाने ना पड़े। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं, ये दोनों केस स्टडीज भी आपको बता दी ना। उसके बाद आ जाओ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड टू एज, जब हम कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का मैनेजेरियल यूज करते हैं कब कहां पे, तो जो हमारे चार स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, सो विच आर दी फोर स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेट करनी है। कौन कौन से हैं हमारे फोर स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सब बोलेंगे फटाफट चैट में कौन से हैं हमारे फोर स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमको स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेट करनी है। फॉर्मुलेट करके क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। फॉर्मुलेट करके क्या करेंगे, तो कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे भाई, थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन घूम घूम के सबको बोलेंगे, थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन घूम घूम के सबको बोलेंगे कि ये हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। कम्युनिकेट करने के बाद सीधी सी बात है, हम सब मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड इम्प्लीमेंट करके अल्टीमेटली आप मॉनिटर और कंट्रोल करोगे। इम्प्लीमेंट करके अल्टीमेटली आप मॉनिटर और कंट्रोल कर दोगे चीजों को, कि भाई हमने जो सोचा था क्या वो एक्चुअली हुआ या नहीं, क्या हमको एक्चुअली सक्सेस मिला या नहीं। वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो ट्रेडिशनल वाला कॉस्ट मैनेजर था, कोको पीपी के फैट हो रहा था, कोको पीपी के ये फैट हो रहा था। तो एफ से क्या है हमारा फोकस, तो ट्रेडिशनल में फोकस होता है इंटरनल, और स्ट्रेटेजिक में फोकस होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों। ए से क्या है हमारा अप्रोच, तो जो ट्रेडिशनल वाला है वो फट्टू है, वो रिस्क एवर्स है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजर है उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी है, जिससे कि वो क्या करता है चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करता जाता है। टी से है हमारा टाइम स्पेन, सीधी सी बात है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फैट हो गया फिर को, तो को से क्या था हमारा कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट ड्राइवर में यहाँ पे तो हम सब कुछ वॉल्यूम के बेसिस पे कर देते हैं, यहाँ पे हम ए बी सी करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम एलोकेशन करते हैं। दूसरा कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है, कि यहाँ पे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट कंटेन करते हैं, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस तो करते ही है, साथ साथ में हम क्या करते हैं वैल्यू भी क्रिएट करते जाते हैं। एंड कोको, कोको में लास्ट में जो हमारा ओ है वो क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव। तो इधर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मुंशी वाले काम करने हैं, मुंशी समझते हैं आप लोग, स्कोर कीपिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये सब। लेकिन इधर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना, और वो कैसे बनता है, तो कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन से। उसके बाद हमने किया कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन में ही आंसर, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक से क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट से क्या हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एंड पूरे चैप्टर में एक ही तो चीज पढ़नी है, जो कि क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस है, ये क्या बताता है, आप लोग को क्लास में डेफिनेशन भी याद कर लेनी है मेरे साथ ही, कि भाई स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस बताता क्या है। तो हमारी इंडस्ट्री में हमारे दूसरे पियर्स के साथ में हमारा क्या रिलेटिव पोजीशन है, वो हमको बताता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी चॉइसेस, कौन सी चॉइसेस के हमने वैल्यू को कैसे क्रिएट किया है, और वो वैल्यू कैसे हमारे राइवल्स से अलग है। उसमें हमने तीन फैक्टर देखे, सीधी सी बात है इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो आ ही गया, साथ साथ में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और कल्चर। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, सब बताएंगे फटाफट से, कि भाई इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो पेस्टल मॉडल यूज कर सकते हैं, पोर्टर के 5 फोर्सेस यूज कर सकते हैं, एंड अब तो हम पोर्टर के 5 फोर्सेस भी सीख चुके हैं, कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना है तो बार्गेनिंग पावर देखो बायर का, सप्लायर का, थ्रेट देखो न्यू एंट्रेंट का, सब्स्टिट्यूट का, और इंटेंसिटी कितनी है कॉम्पिटिशन की, ये भी देख लो। एंड हमारा पेस्टल क्या है, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। उसके अलावा फिर सेकेंड हमने कॉस्ट से देखा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, जो ऐसा बोलता है कि भाई सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे काम नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे काम नहीं होता, आपको अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर्स पे फोकस करना पड़ेगा। नाउ दो अप्रोच हो सकते हैं कि आपके कॉस्ट ड्राइवर्स स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं या एग्जीक्यूशनल भी हो सकते हैं। ए स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल याद आया क्या, अगर ये दोनों वर्ड्स आपको याद आ गए तो खुद को शाबाशी दे दो, कि भाई कॉस्ट ड्राइवर्स दो थे, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल, ये अगर आप लोगों को याद आ गया तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हो। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, मतलब पूरे के पूरे स्केल और स्कोप से अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स है वो फर्म के ऑपरेशनल डिसीजन पे बेस्ड होते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट का स्टाइल और पॉलिसी। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। एंड वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है,
निकाल फेंको उसको अपनी जिंदगी से, निकाल फेंको उसको अपनी जिंदगी से, उस नालायक दोस्त को जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। सो आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एक्टिविटीज एडिंग वैल्यू, और जो नॉन वैल्यू एडिंग है उन सबको क्या करो, एलिमिनेट कर दो। तो भाई वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस किसने सिखाया हमको? पोर्टर ने सिखाया, और पोर्टर ने क्या बोला कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है, आपको इंटरनली बैठ के सारी चीजें असेस करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब कौन सी एक्टिविटी, डेफिनेशन बताएंगे सब लोग, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब कौन सी एक्टिविटी जो हमारे इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करवा देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब इसमें कौन कौन सी पांच एक्टिविटीज आ जाती है, इसमें कौन कौन सी पांच एक्टिविटीज आ जाती है, मुझसे नहीं तो भगवान से डरो बच्चों, मैंने बता दिया है मेरा सेटिंग है भगवान से, तो जो भी लिख रहे हो ध्यान से लिखो। तो आ जाओ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जिसका हम ऑपरेशन करके उसको फेंक देंगे, यानी आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ए फेंकने से कोई लेगा क्या? द आंसर इज नो, हमको करना पड़ेगा मार्केटिंग और सेल्स। फेंकने से कोई लेगा नहीं, हमको करना पड़ेगा मार्केटिंग और सेल्स। और एक बार सेल कर दिया मतलब हम फ्री नहीं हो जाते, हमको उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ सपोर्ट एक्टिविटीज, उसके बाद आ जाओ सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, जो करते क्या है, नाम में ही गुण है, प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट। उसके बाद ऑपरेशंस वगैरह के लिए आपके पास होना चाहिए अच्छा सा टेक्नोलॉजी। फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिएगा, क्यों, अच्छे मार्केटिंग के लिए, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस के लिए। एंड उसके अलावा आपको चाहिए फर्म का मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने देखा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्या किसने लिखा है प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई किसका करना है भाई, हैंड रिटन नोट्स है ये, मॉड्यूल में कहां मिलेंगे, एक बार हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद मॉड्यूल से सब कुछ रिकंसाइल करवा दूंगी। हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे, तो लेक्चर के बाद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, तो फास्ट IDT बाय रिद्धि बागमा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसमें लेक्चर के बाद ये नोट्स शेयर किए जाएंगे। इन नोट्स को मॉड्यूल के साथ रिकंसाइल करवाना है, अभी लेक्चर के लास्ट 10-15 मिनट्स में हम यही करेंगे कि आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि मॉड्यूल के साथ हमारा सब कुछ रिकंसाइल हो चुका है। क्या एडिशनल थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको होमवर्क में करनी है वो भी आपको बता दूंगी। नाउ आ जाओ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो हम एक डायनेमिक एनालिटिकल टूल यूज करेंगे। कौन सा टूल, तो पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल कौन सा है, बार्गेनिंग पावर किसका, तो बायर और सप्लायर का। थ्रेट तो किसका, सब्स्टिट्यूट का और न्यू एंट्रेंट का। एंड लास्ट क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन राइवलरी अमंगस्ट फर्म्स। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन है, ये कब बढ़ जाती है जब या तो फर्म्स का साइज मोर और लेस इक्वल होता है, एक्सेस कैपेसिटी है, डिफ्रेंशिएशन हम कर नहीं पाते, कोई भी पाव भाजी खाओ सबका टेस्ट सेम ही है, एग्जिट बैरियर्स बहुत हाई है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है। भाई अब उस पर इतना खर्चा कर चुके हो, इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे चुके हो, अब छोड़ भी तो नहीं सकते। सो एग्जिट बैरियर्स हाई है और फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, उस केस में आप कुछ भी करोगे सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आप कॉम्पिटिशन कट थ्रोट कर दोगे बट आप मार्केट छोड़ के बाहर नहीं जाओगे। इतना हमने ब्रेक के पहले कर लिया, अब आ जाओ आगे करते हैं। कॉन्फिडेंस कितना आया फटाफट से बता दो, रेट आउट ऑफ 100 कितना कॉन्फिडेंस आया, कितनी चीजें आपको याद आई। सीधी सी बात है, पहली बार पढ़ा है तुरंत से सब कुछ याद नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा आपको एडिशनल एफर्ट लगेगा, लेकिन आई अज्यूम कि आप लोगों को एटलीस्ट 70% चीजें तो याद आई ही होगी। एंड फर्स्ट टाइम में अगर आपको 70% चीजें याद आ रही है तो यू आर गुड टू गो। फटाफट से मेरे को बता दो, एक बार ऐसा फायर इमोजी डाल दो इधर के, मैम मजा आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। एनी परसेंटेज अबाउट 70% कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, वेरी ग्रेट, आपको सब कुछ याद आ रहा है। ऐसा आग आग वाला, दिल दिल वाला इमोजी डाल दो, एकदम पूरा कमेंट सेक्शन स्पैम कर दो आप लोग। चलो आ जाओ नाउ कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। पानी पी लूं तब तक 2 मिनट का टाइम है, स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन इमोजीज डाल डाल के। ग्रेट, चलो आ जाओ। यस यस यस, मजा आ गया, आग आग देख के मेरे को भी ऐसा एकदम जोश आ जाता है। चलो
सो स्टार्टिंग विथ कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का मतलब क्या? ऐसी यूनिक स्किल जो सिर्फ आपके पास है, कॉम्पिटेंसी है लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी है। एक एक वर्ड समझोगी तो फायर ब्रिगेड, वाह वाह वाह, गजब गजब, मस्त मजा आ गया एकदम कमेंट सेक्शन देख के। चलो, सो कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, कॉम्पिटेंसी का मतलब हमको पता है, कॉम्पिटेंसी का मतलब हमको पता है। अब ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कोर कॉम्पिटेंसी। ये क्या होनी चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी, ऐसी कॉम्पिटेंसी जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, आपकी यूनिक स्किल है। ये आपकी यूनिक स्किल है जो आपको लोगों से अलग बना देती है, आपकी यूनिक स्किल है जो आपको लोगों से अलग बना देती है। सो यूनिक स्किल दैट क्रिएट्स डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू। कोर कॉम्पिटेंसी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नाउ देखो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब क्या? ऐसा एडवांटेज जो आपके पास है आपके कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है? आपको ऑलरेडी बताया कि आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपके पास क्या एडवांटेज है, जो कि कॉस्ट लीडरशिप हो सकता है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब तक हम तीसरी बार इसको समझ चुके हैं। ये डेवलप कैसे होगी, कहां से लाऊं मैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? तो मेरे पास कोई ऐसी यूनिक स्किल होनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मेरे पास एक यूनिक स्किल होनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, जिससे क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि सबके पास है तो कॉम्पिटिटर्स भी कर लेंगे, तो एडवांटेज कहां से आएगा? सो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाना है, हम समझ गए, बट आएगा कैसे, कहां से आएगा? तो कोर कॉम्पिटेंसी से आएगा। नाउ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या हो सकता है? कॉस्ट लीडरशिप हो सकता है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। टेस्ट क्या है आइडेंटिफाई करने की कि हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं? व्हाट इज द टेस्ट टू आइडेंटिफाई? मैं बोल रही हूं कि ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, मैंने बोल दिया कि ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, मेरे जितना अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ऐसा मैंने बोल दिया। मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, आप लोग बोलो तो बात बने। मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाती हूं। तो भाई कौन सी टेस्ट है कोर कॉम्पिटेंसी की? तो आंसर इज ABC। The answer is ABC। कौन सी टेस्ट है कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने की? तो ABC। भाई एकदम बेसिक सी चीजें हैं ABC, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। तो ए क्या बोलता है? एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। आपने आपने इतनी कॉम्पिटेंसी जनरेट कर ली है कि आप वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का एक्सेस रखते हो, तब आप बोल सकते हो कि हाँ कोर कॉम्पिटेंसी है। तो ए से क्या है कि आपके पास एक्सेस है वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का। बी से क्या हो जाएगा? बेनिफिट। भाई आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो, आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जिससे अल्टीमेटली कस्टमर्स को एक्चुअली एंड प्रोडक्ट बेनिफिट मिल रहा है, तब हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी है। भाई मैंने बोला कि मैं आपको टेक्निक से लर्न करवा दूंगी, मेरे बोलने से क्या होता है? आपको लर्न भी तो होना चाहिए। तो क्या एंड प्रोडक्ट बेनिफिट मिल रहा है? वो हो जाएगा भी। अगर एक्चुअली मिल रहा है तो मैं बोलूंगी कि हाँ मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है कि मैं याद करवा सकती हूँ। एंड सी से क्या है? कॉम्पिटिटर। क्या कॉम्पिटिटर्स को इमिटेट कर सकते हैं? क्या दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी ऐसी ट्रिक्स बनवा के लर्न करवा सकते हैं क्या? तो ये हम चेक कर लेंगे। अगर आंसर आता है येस, तो फिर कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। लेकिन आंसर आता है नो, कि भाई टेक्निक्स तो और भी लोग बनाते हैं बट ऐसे लर्न नहीं करवा पाते, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। मैम हो गया, आज के लिए इतनी ही तारीफ करो। तारीफ नहीं कर रही, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम तो सिर्फ। तो आ जाओ, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोर कॉम्पिटेंसी है? तो सिंपल आंसर है ABC। कौन से टेस्ट है हमारे? ABC। ए क्या बोलता है? एक्सेस होना चाहिए आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का। बी क्या बोलता है? कि आपका जो प्रोडक्ट है बेनिफिट मिलना चाहिए आपके अल्टीमेट कस्टमर्स को, एंड प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड सी क्या है? डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। कि भाई ये जो कॉम्पिटिटर्स है ये इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। तब हम बोलेंगे कि कोर कॉम्पिटेंसी है। नाउ कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज। रिसोर्सेज कैपेबिलिटी। ऐसा एक साथ ही बोलना है क्वेश्चन के साथ आंसर, कि ये जो कोर कॉम्पिटेंसी है ये टू सोर्सेज से आती है। कौन से टू सोर्सेज? तो रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज। तो कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज। फटाफट से मेरे साथ बोलो, टू सोर्सेज रिसोर्सेज में आ जाएगा रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। एक तो भाई आप कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट कैसे करोगे? जब आपके पास रिसोर्सेज है, तो कोर कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए
मुझे अगर नोट्स बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ICAI का SM चाहिए, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है? द आंसर इज येस। टू सोर्सेज रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी, टू सोर्सेज रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी। तो क्या मेरे पास रिसोर्सेज है कि मैं नोट्स बनाने के लिए SM यूज कर सकूं? द आंसर इज येस। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि भाई रिसोर्सेज तो सबके पास है, ICAI SM तो सबके पास है, कि आपके पास कैपेबिलिटी है उसको यूज करने की? इफ द आंसर इज येस, तब आप कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट कर पाओगे। एंड एक बार आपने कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट कर ली तो फिर क्या आ जाएगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाएगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे हो सकता है? तो कॉस्ट लीडरशिप में हो सकता है या फिर प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन में हो सकता है। एंड इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? अल्टीमेटली इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो ABC टेस्ट लगाएंगे, ABC टेस्ट लगाएंगे और इसको टेस्ट कर लेंगे। ए क्या बोलता है कि क्या वाइड मार्केट तक आप एक्सेस पहुंचा पा रहे हो, क्या आपके एंड प्रोडक्ट का बेनिफिट मिल रहा है? एंड सी क्या बोलता है कि क्या कॉम्पिटिटर्स इसको इमिटेट कर पाएंगे या नहीं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस में तीन क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। पहला कौन सा कि कोर कॉम्पिटेंसीज होता क्या है? तो भाई ऐसी यूनिक स्किल जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स को अलग बनाती है, उसको हम बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी, जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। तो भाई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कौन सा मिलता है? तो या तो कॉस्ट लीडरशिप हो सकता है या प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन हो सकता है। मैं कैसे टेस्ट कर लूं कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं? कौन सा टेस्ट लगाऊं मैं कोर कॉम्पिटेंसी देखने के लिए? तो एकदम बेसिक सा टेस्ट, एकदम बेसिक सा टेस्ट ABC, एकदम बेसिक सा टेस्ट ABC जो बोलता है क्या मेरे पास वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का एक्सेस है, क्या एंड प्रोडक्ट बेनिफिट मिल रहा है, एंड सी से क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स इसको इमिटेट कर पाएंगे। एंड कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज। कोर कॉम्पिटेंसी आती कहां से है? तो कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। कौन कौन से टू सोर्सेज? रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी, टू सोर्सेज रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी। 1000 बार 10000 बार अभी ही बोल दो, क्लास में लर्न हो जाएगा। ये जो 4 घंटे का सेशन होता है उसके बाद आप लोग थक जाने चाहिए, इतनी मेहनत से पढ़ना है कि भाई चिल्ला चिल्ला के आंतरडे दुख गई है पेट की, तब तो हम बोलेंगे कि आपने अच्छे से सेशन अटेंड किया है, तब हम बोलेंगे अच्छे से सेशन अटेंड किया है। एक ही आंसर मेरे साथ 5-5 बार 10-10 बार बोल बोल के समझ के हम अंधा रट्टा नहीं मार रहे हैं। सी एक एक वर्ड का आपको मैंने मीनिंग समझाया है, हमने एक भी चीज अंधा रट्टा नहीं मारा है कि चलो छोड़ो ABC लर्न कर लो, ऐसा हम नहीं कर रहे। आपको समझा रही हूं उसके बाद लर्न करवा रही हूं। तो अब आपसे मुझे क्या चाहिए कि इस 4 घंटे के सेशन में जिम वर्कआउट जितनी आप पूरी एनर्जी डाल दो, मेरे साथ साथ बोलो चिल्लाओ लर्न करो लिखो जो करना है करो, बट सेशन खत्म हो तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई 4 घंटे, 4 घंटे के सेशन के बाद आपको ऐसा लगे मम्मी प्लीज 15 मिनट सोने दो, हम तो बहुत थक गए हैं, ऐसा हो जाना चाहिए। आ जाओ नाउ सेगमेंटेशन एनालिसिस आप कर सकते हो। व्हाट इज सेगमेंटेशन एनालिसिस? तो देखो जो हम अभी करते हैं, हम नॉर्मली सेगमेंटेशन एनालिसिस करते हैं कि भाई हमारा जो पूरा इंडस्ट्री है, पूरा मार्केट है, उसको आप क्या करो, छोटे छोटे सेगमेंट्स में आइडेंटिफाई कर लो। से फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट हो सकता है ज्योग्राफी बेस्ड कि भाई नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, वेस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन है, या फिर हो सकता है प्रोडक्ट का कैटेगरी। कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे पतंजलि का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, नहीं पतंजलि का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि क्या है स्किन केयर में भी है, फूड में भी है, हेल्थ केयर में भी है, हर एक तरह के प्रोडक्ट्स वो लोग बेचने लगे हैं। तो वो अपने सेगमेंट्स बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। तो आप सारी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करो, सारी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करो और फिर एक मैट्रिक्स बनाओ। नाउ मैट्रिक्स हो सकता है नेचर पे, ज्योग्राफी पे, प्रोडक्ट के, कि भाई हम कैसे बना सकते हैं। यस हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है, ITC है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है। तो एक बार आप अपने सारे के सारे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो। सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या बनाओगे? आप एक मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स कैसे हो सकता है? तो भाई कोई भी दो चीज ले लो कि नेचर ले लो, ज्योग्राफी ले लो। से फॉर एग्जांपल मैंने अलग अलग नेचर लिया कि मेरा हेयर केयर कितना बिकता है, मेरा फूड कितना बिकता है, मेरा स्किन केयर कितना बिकता है, वर्सेस वेस्ट में कितना बिकता है, ईस्ट में कितना बिकता है, नॉर्थ में कितना बिकता है। तो हम नेचर, ज्योग्राफी और प्रोडक्ट के बेसिस पे, नेचर, ज्योग्राफी और प्रोडक्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स बना के अल्टीमेटली करना क्या है, उसको देखना है कि वाह कितना सुंदर मैट्रिक्स है। द आंसर इज नो। मैट्रिक्स बना के आपको एनालाइज करना है कि कौन सा सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है, क्या हेयर केयर ज्यादा बिक रहा है, स्किन केयर ज्यादा बिक रहा है, कौन से रीजन में ज्यादा बिक रहा है। तो मैट्रिक्स बना के उसको देख के खुश नहीं होना है कि मेरी स्प्रेडशीट कितनी अच्छी है, मेरी स्प्रेडशीट कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, उसको अट्रैक्टिव, कौन सा सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है वो देखो। अगर कोई अट्रैक्टिव है तो कौन से की फैक्टर्स है जिसके कारण वो अट्रैक्टिव है, कौन सी उस फैक्टर की ऐसी अलग कॉम्पिटेंसी है जिसके कारण वो अच्छा चल रहा है।
तो हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए आप फैक्टर्स देखो कि भाई इस सेगमेंट में क्या कारण से सक्सेस है या इस सेक्टर में क्या कारण से फेलियर है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लो, सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके मैट्रिक्स बना दो। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करो, उनके मैट्रिक्स बना दो। मैट्रिक्स बनाने के बाद ऐसे उसको घूरो मत, देखो देखो कि भाई कौन सा सेक्टर, कौन सा सेक्टर कब अट्रैक्टिव है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक सेक्टर के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए कुछ की सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, एंड फिर अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपको ब्रॉड सेगमेंट स्कोप रखना है या नैरो सेगमेंट स्कोप रखना है, कि यू वांट टू कंटिन्यू ऑल ऑफ दीज सेक्टर, आपको कट डाउन करना है। अगर कट डाउन करना है, कट डाउन करना है तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर रखना है, बाकी सब छोड़ देना है, या तो फिर आपको सब कुछ रखना है लेकिन वेस्ट रीजन बंद कर देना है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन में चालू रखना है। तो आप क्या करोगे, अपना ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप को आप लोग अच्छे से एनालाइज करके और अपना डिसीजन लोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट एनालिसिस। आप लोग क्या डाउट पूछ रहे हो क्या, एक सेकेंड। देखने वाला वंस मोर, मैं समझी नहीं आप लोगों ने क्या बोला, नहीं समझाया, सॉरी, मतलब आई स्किप समथिंग, आई डोंट नो। चलो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस, हम पढ़ रहे हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस। आप लोग जो इतनी प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हो, सबको थैंक यू। आ जाओ, तो सेगमेंटेशन एनालिसिस में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन कौन से सेगमेंट है। आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, अच्छा प्यारा सुंदर सा एक्सेल में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या मैट्रिक्स बना के बस बैठ के उसको देखेंगे कि हाय कितना प्यारा मैट्रिक्स है, द आंसर इज नो। हमको क्या करना है, एनालाइज करना है एक एक सेगमेंट के कौन सा सेगमेंट अट्रैक्टिव है। एनालाइज करके हम करेंगे क्या, एनालाइज करके हम निकाल लेंगे कि भाई हर एक सेगमेंट के क्या की सक्सेस फैक्टर्स है, हर एक सेगमेंट के क्या की सक्सेस फैक्टर्स है, एंड फिर अल्टीमेटली हम डिसीजन लेंगे कि भाई हमको ब्रॉड सेगमेंट स्कोप रखना है या नैरो सेगमेंट स्कोप रखना है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस। सो यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। एक और क्वेश्चन, कौन सा, कि वैल्यू चेन एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कैसे हो सकता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आप कर सकते हो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस से, जहां पे पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, जहां पे हम क्या करेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस स्टेम फ्रॉम 2 सोर्सेस, रिसोर्सेस कैपेबिलिटी। और इसका टेस्ट कैसे कर लेंगे, तो एबीसी से हम टेस्ट कर लेंगे, एक्सेस टू वाइड वैरायटी मार्केट, बी से एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, और सी से कॉम्पिटेटर्स के लिए डिफिकल्ट होना चाहिए उसको इमिटेट करना। एंड लास्ट हमने क्या पढ़ लिया, सेगमेंटेशन एनालिसिस, जहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बना के एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे कि हर एक सेगमेंट के लिए क्या की सक्सेस फैक्टर है, एंड अल्टीमेटली ब्रॉड वर्सेस नैरो स्कोप की हम अट्रैक्टिवनेस देख लेंगे। डन डन डन। अब आ जाओ, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। जो भी बच्चे हिंदी में आंसर लिख रहे हैं, अप्रिशिएबल है, कोई बात नहीं, लिखो, आपको समझ में आ रहा है, बट ट्राई टू यूज मॉड्यूल वाले वर्ड्स, ट्राई टू यूज मॉड्यूल वाले वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप समझ गए कि हाँ कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर सके, तो भाई यही लिख दो ना कि इमिटेट ना कर सके, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटर्स टू इमिटेट। अगर आपको लर्न भी हो रहा है तो अच्छी बात है ना, मॉड्यूल की लैंग्वेज में ही उसको लर्न कर लो, मॉड्यूल की लैंग्वेज में ही उसको आप लोग क्या करो, लर्न कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम रिविजन करते टाइम बहुत ईज हो जाएगा, एंड एग्जाम में अल्टीमेटली आपको लिखना इंग्लिश में है, बिकॉज हम हिंदी में समझ सब कुछ जाते हैं, बट हमको लिख के वहां इंग्लिश में आना होता है, वही दिक्कत हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप जब आंसर्स दे रहे हो तो सेम मॉड्यूल वाले वर्ड्स यूज कर सको। मैम आप रटवा रहे हो क्या, बिल्कुल भी नहीं रटवाया, कुछ रटवाया लेकिन समझा के रटवाया ना, हर एक चीज को हम समझ रहे हैं, समझने के बाद रटने में क्या ही बुराई है, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी बात है। तो ट्राई करो कि मॉड्यूल वाले वर्ड्स यूज कर सको, अगर वर्ड नहीं याद आता है तो ओपन करके देखो कि भाई ये वर्ड कौन सा है, और बाकी बच्चे अपने आप को थोड़ा चैट में कंट्रोल करें। आ जाओ, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर आपको किसी इंडस्ट्री में करना है सर्वाइव, तो उसमें आपको दो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि भाई सप्लाई व्हाट कस्टमर्स वांट टू बाय, कस्टमर्स को क्या चाहिए वो सप्लाई करो,
कस्टमर्स को क्या चाहिए वो सप्लाई करो, आपको क्या सप्लाई करना है वो सप्लाई मत करो। भाई जैसे मेरा एग्जांपल ले लू, तो मैंने देखा कि भाई एससी एमपी जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि न्यू सिलेबस में एससी एमपी हटने वाला है, तो बहुत सारी फैकल्टी ने क्या किया, एससी एमपी से बैकऑफ कर लिया कि भाई अब हटने वाला है तो क्या करें। आईसीआई ने डाली गुगली कि भाई हम एक अटेम्प्ट और चलाएंगे एससी एमपी। तो स्टूडेंट्स को क्या हुआ, स्टूडेंट्स को नीड अराइज हुई एससी एमपी की, प्लस ये ऐसा एक एरिया है जहां पे सबको डर लगता है, ग्रुप टू का ऑडिट है एससीएमपी जहां पे बहुत सारा लर्न करना है। तो भाई कस्टमर्स को चाहिए था एससीएमपी एंड मुझे कंपटीशन सरवाइव करना था, तो मैंने क्या किया एससीएमपी पढ़ाना चालू कर दिया। तो अगर आपको इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, मैम इतना भी सच नहीं बोलना था, क्या घर के ही हो आप लोग, चलो। सो अगर इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, प्रॉस्पर करना है, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी, कि वो चीज सप्लाई करो जो कस्टमर को चाहिए, और दूसरा कंपटीशन को कैसे सरवाइव कर पाओगे वो आप लोग देख लीजिए। ये करने से आपका परफॉर्मेंस सुपीरियर हो जाएगा। नाउ ये करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज आपको चाहिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इज नॉट द ऑब्जेक्टिव यार, लेक्चर का फीस भी सिर्फ 1000 रुपए है। ग्रुप टू आईडीटी पढ़ा रही हूँ, तो आई वॉन्टेड कि ग्रुप टू में आपको और कोई तकलीफ ना आए, एससीएमपी आपका क्लियर हो जाए। भाई मेरे को तो मेरी पुरानी एसएफएम की नोट्स वगैरह मिली थी, वो भी मैंने ऐसे ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी, आप लोग चेक कर सकते हो अगर किसी को नहीं पता है तो। टेलीग्राम चैनल पे एसएफएम की थ्योरी वगैरह की भी नोट्स डाल रखी है। सो इट इज नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इट इज अबाउट स्टूडेंट्स, अस, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टिंक्टिव एडवांटेज, आपको जो भी दिक्कतें आएगी सारी दिक्कतें सॉल्व करेंगे हियर टिल यू क्लियर योर सीए फाइनल्स। सो डिस्टिंक्टिव एडवांटेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ, कब से हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट एडवांटेज, तो ध्यान से अब इसको अच्छे से समझ लो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या कि भाई हम कैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स से अलग हैं। यहाँ पे शायद कॉस्ट इतना मैटर नहीं करती, यहाँ पे हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, कस्टमर हमसे खुश होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन का एडवांटेज है। एंड लो कॉस्ट एडवांटेज मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ लो प्राइस चार्ज करना है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि या तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा लो प्राइस चार्ज करो और पूरा का पूरा मार्केट शेयर गेन कर लो, जैसे जियो ने किया, क्या किया कि एकदम सस्ते में दे दिया एंड पूरा का पूरा मार्केट शेयर एक बार कैप्चर करने की कोशिश की। उसके बाद वो अल्टीमेटली अपना करंट प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकती है। तो चार्ज लोअर देन कॉम्पिटिटर्स टू गेन मार्केट शेयर एंड मेंटेन करंट प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ सीधी सी बात है, अगर आप अपनी प्राइसेस क्रैश करोगे तो प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा पाओगे, कोई बात नहीं, करंट प्रॉफिटेबिलिटी को एक बार मेंटेन करके रखो। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा तो आप चार्ज कर ही नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं उतना ही चार्ज कर लो। ज्यादा तो आप चार्ज कर ही नहीं पाओगे बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी पे खेल रहे हो। ज्यादा चार्ज किया तो आपको ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स के जितना ही चार्ज कर सकते हो, और उस केस में क्या होगा, विद द प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। सीधी सी बात है, सब एक जैसा चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकेगी, लेकिन जब आप अपने प्राइसेस को क्रैश कर रहे हो उस केस में क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, मेंटेन रहेगी, लेकिन आपको बड़ा मार्केट शेयर मिल जाएगा जिससे फ्यूचर में आप शायद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाओगे। सो लो कॉस्ट एडवांटेज में दो चीज ध्यान रखो, या तो आप प्राइसेस क्रैश कर दोगे या आप अपने प्राइसेस, किसी और ने क्रैश किया तो उससे मैच करोगे, बट किसी भी केस में आप हाई प्राइसेस चार्ज नहीं करोगे लो कॉस्ट एडवांटेज में। इसके रिलेटेड केस स्टडीज आती है, अभी लेक्चर के एंड में हम लोग देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें सपोज आपको दो पीएनएल दे देते हैं, पीएनएल तो नहीं बट ठीक है, रेवेन्यू दे दिया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे दिया जिससे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया एंड आपका प्रॉफिट आ गया। नाउ सपोज मैं दो एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे भी प्रॉफिट 10 लाख है, बट जब आप इसका ब्रेकअप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लो है, या किसी का फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, किसी का फिक्स्ड कॉस्ट लो है। तो उस केस में मैं कैसे पता लगाऊं, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट देख के कि कौन सी कंपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉलो कर रही है और कौन सी कंपनी कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रही है। तो एक सिंपल सा गोल्डन सा रूल याद रख लो, नोटबुक लाने को बोला था, उसमें आई होप आप लोग साथ में कुछ कुछ पॉइंट वगैरह लिख रहे हो, वहां पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, हाउ टू आइडेंटिफाई जब आपको दो
एक्सट्रैक्ट दिए हैं पीएनएल के, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कॉस्ट है और कौन सा डिफरेंसिएशन है? तो जिसमें हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट दोनों का सेम है अल्टीमेटली, लेकिन जिसमें हायर फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसमें समझ जाना कि डिफरेंसिएशन स्ट्रेटजी है। हायर फिक्स्ड कॉस्ट देख के समझ जाना कि डिफरेंसिएशन स्ट्रेटजी है, कॉन्ट्रीब्यूशन हाई है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, कॉन्ट्रीब्यूशन हाई है, तो मतलब ये डिफरेंसिएशन हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट लो है, कॉन्ट्रीब्यूशन लो है, फिर भी अल्टीमेटली प्रॉफिट सेम आ गया, मतलब ये क्या हो गया, कॉस्ट लीडरशिप हो गया। ऐसा क्यों मैम आप बता सकते हो? तो देखो, जब आप प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन करते हो तो आपको इनोवेशन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई हो जाता है। लेकिन सामने सीधी सी बात है, आप कस्टमर से ज्यादा चार्ज भी कर पाते हो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है। अल्टीमेटली हो सकता है आपका प्रॉफिट सेम आए, लेकिन वो ब्रेकअप कैसे रहेगा? तो डिफरेंसिएशन में आपको इनोवेशन लगेगा, आरएनडी लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हाई। एंड यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी लो, कॉन्ट्रीब्यूशन भी लो, अल्टीमेट प्रॉफिट भले सेम आ जाए, तो हम बोलेंगे कॉस्ट लीडरशिप। अभी मॉड्यूल में दिखाऊंगी, ऐसा एक एग्जांपल भी है कि सिर्फ आपको दो एक्सट्रैक्ट दे दिए और फिगर्स देख के आपको बताना है, फिगर्स देख के बताना है कि कॉस्ट लीडरशिप है या डिफरेंसिएशन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये थंब रूल से आइडेंटिफाई कर लो, ये थंब रूल से क्या करो, इसको आइडेंटिफाई कर लो। आ जाओ, नाउ असेसिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। असेसिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या बोलता है? अगर मुझे मेरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज असेस करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं, वो असेस करने के लिए मैं ए बी सी, कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं वो असेस करने के लिए मैं ए बी सी चेक करूंगी। तो क्या मेरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है या नहीं वो असेस करने के लिए मैं क्या करूंगी? तो मैं देखूंगी क्या कॉस्ट एनालिसिस के बेसिस पे है मेरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, नहीं तो क्या डिफरेंसिएशन के बेसिस पे है, नहीं तो फिर वर्टिकल लिंकेज को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लिंकेज को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या बोलता है, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या बोलता है, कैसे मैं एनालाइज करूं कि मेरा कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कैसे मैं अपने कॉस्ट को कम करूं। अज्यूम करो आपको जाना है डेट पे, ठीक है, बर्थडे है उसका और आपको लेके जाना है उसको कहीं पे डेट पे। आपने पूरा सब कुछ सोच लिया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ डेट पे। आपने सोचा ठीक है, फ्लावर्स दे देंगे, गाड़ी में लेके जाएंगे, एक मूवी दिखाएंगे, महंगा पॉपकॉर्न खिलाएंगे, उसके बाद लंच पे लेके जाएंगे, फिर शाम को ऐसे रिवर साइड पे कहीं पे बैठेंगे। आपने मस्त पूरा प्लान बना लिया है, ये आपका पूरा प्लान है। फिर आपने सोचा प्लान तो बना लिया लेकिन कड़की है, प्लान तो बना लिया लेकिन कड़की है, तो अब हम क्या करें? तो उस केस में फिर आपको करना पड़ेगा अपना इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, के कैसे कैसे वो नाराज भी ना हो, उसको बर्थडे पे मजा भी आ जाए और मेरा खर्चा भी बच जाए। तो आप क्या करोगे, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करोगे अब। तो ध्यान से हम इसको याद करवा रहे हैं। ए आप लोग ऐसे भटक मत जाओ, हम लर्न कर रहे हैं, ऐसे पुराने दुख दर्द पीड़ा में मत चले जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, मिलेगी वो, नहीं तो कोई और मिलेगी, आ जाओ। अब सबसे पहले आपने बहुत सारी एक्टिविटीज सोच ली थी, तो सबसे पहले सोचो कि उसमें से वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कौन सी है, उसमें से वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कौन सी है, ये आप सोचो। अब आपने सोचा था कि हाँ फ्लावर्स देंगे ये वो, फिर आपने सोचा ठीक है यार फ्लावर्स का तो उसको शौक ही नहीं है, मैं फ्लावर्स दू या ना दू उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपने सोचा चलो फ्लावर का खर्चा हटाओ। क्यों? क्योंकि फ्लावर से तो कोई वैल्यू क्रिएट हो ही नहीं रही है, भूखड़ी है, फूडी है वो, उसको सिर्फ खाना चाहिए, फ्लावर फ्लावर से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, हमने सोचा कि जब वो कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं कर रहा तो उसको हम क्यों करें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि भाई वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कौन सी है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो। वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कौन सी है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेसेस करेंगे। उसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट है, भाई मैंने सोच लिया था कि अपना बजट तो 3-4 हजार का है, पूरा एक महीने का स्टाइपेंड उड़ा देंगे बर्थडे पे। क्यों? क्योंकि उसने भी हमारे बर्थडे पे उसका स्टाइपेंड उड़ाया था, हम भी हमारे बर्थडे पे अपना पूरा स्टाइपेंड उड़ा देंगे। 2000 के स्टाइपेंड वाले, आई सिंपथाइज, डोंट वरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारे दिमाग में है कि 3-4 हजार टोटल कॉस्ट है। तो डिटरमाइन पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एट्रिब्यूटेबल। अब मैंने फ्लावर फ्लावर हटा दिया, बट उसके बाद और कौन कौन सी एक्टिविटीज बची है, उसमें टोटल कॉस्ट का कितना कितना पैसा जाएगा, ये मैं क्या करूं, डिसाइड कर लूं, डिटरमाइन कर लूं। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच प्रोसेस, कि भाई कौन से कॉस्ट ड्राइवर से पैसा जाएगा। मैंने सोच लिया कि ड्राइव पे तो लेके जाना है, अब ड्राइव पे लेके जाना है तो कितना दूर लेके जाऊं, कितना पेट्रोल जलेगा, ये सब कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। सो आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच प्रोसेस। सबसे पहले आपने वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई की, आपका टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट में से आप क्या करोगे, सोच लोगे कि भाई खाने के लिए इतना देना है, पेट्रोल के लिए इतना देना है, गिफ्ट विफ्ट के लिए इतना देना है, ये आपने डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद
आप कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करोगे कि भाई हर प्रोसेस के लिए कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स है जिससे खर्चा लग रहा है। मैंने सोच लिया मूवी लेके जाना है, मूवी लेके जाने के लिए पॉपकॉर्न का इतना, टिकट का इतना, पेट्रोल का इतना। फिर आप ट्राई करोगे लिंक बिठाना, आप ट्राई करोगे प्रोसेस के बीच में लिंक बिठाना, आप ट्राई करोगे प्रोसेस के बीच में लिंक बिठाना। आप सोचोगे कि अरे यार दूर वाला थिएटर और दूर वाला रेस्टोरेंट लेके जाने की क्या जरूरत है, क्यों ना मैं उसी मॉल में ले जाऊं, उसी मॉल में ले जाऊं जहां पे टॉप फ्लोर पे थिएटर है और उसके नीचे वाले फ्लोर पे क्या है, उसके नीचे वाले फ्लोर पे फूड कोर्ट है, तो मेरा पेट्रोल का खर्चा बचेगा। तो आप क्या करोगे, आप लिंक आइडेंटिफाई करना कोशिश, लिंक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे प्रोसेसेस के बीच में कि कैसे लिंक बिठा के आप कॉस्ट को कम कर सकते हो। एंड उसके बाद आप इवेल्युएट करोगे कि कहां कहां आप कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हो। अब आपने प्रोसेस भी डिटरमाइन कर ली, जो वैल्यू एडिंग होगी, आपको पता है आपको गिफ्ट देना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है, फिर कॉस्ट ड्राइवर क्या है, लिंक बिठाओ ताकि चीजें कम हो सके। आपने सोचा कि भाई एक रेस्टोरेंट इतना दूर और मूवी थिएटर इतना दूर, उसकी जगह एक ही मॉल में ले जाऊं तो पेट्रोल बच जाएगा। एंड लास्ट में आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार गिफ्ट विफ्ट की क्या जरूरत है, एक हैंडमेड कार्ड दे देते हैं, ऐसा इमोशनल लाइन मार देंगे कि भाई मार्केट में ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो मेरी फीलिंग्स व्यक्त कर सके, तो मैंने रात को बैठ के अपने हाथ से हैंड रिटन कार्ड बनाया है, वो भी खुश आप भी खुश। तो इवेल्युएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो आपने क्या किया, गिफ्ट भी दे दिया, वैल्यू भी ऐड हो गई और कॉस्ट एडवांटेज भी मिल गया। तो ये क्या है, ये है हमारे पांच स्टेप, ये है हमारे पांच स्टेप जिससे हम कर सकते हैं हमारा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। ये है हमारा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। फटाफट से मेरे साथ पांचों पॉइंट बोलो, फटाफट से मेरे साथ पांचों पॉइंट बोलो, भाई मेरे को इतना सब कैसे आता है, तो लर्न करवाने के लिए करना पड़ता है, लर्न करवाने के लिए करना पड़ता है। आ जाओ, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है। तो फ्लावर लॉर उसको पसंद नहीं है, फ्लावर लॉर उसको पसंद नहीं है तो वो सब हटा दो, वो सब हटा दो। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी प्रोसेस से वैल्यू क्रिएट हो रहा है। वो तो सिर्फ भुखड़ी है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है, पिक्चर से मतलब है, वो तो सिर्फ भुखड़ी है, उसको खाने से पिक्चर से मतलब है, तो फ्लावर लॉर हटा दो। तो हमने सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा हमारा, उसमें से हम कितना पोर्शन किसको दे सकते हैं, ये डिटरमाइन कर लिया। फिर हर एक प्रोसेस का, हर एक प्रोसेस का हमने क्या किया, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया, हर एक प्रोसेस का हमने क्या किया, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे इनके बीच में लिंक्स बिठाने की, अब हम कोशिश करेंगे इन प्रोसेसेस के बीच में लिंक बिठाने की, कि कहीं से हमारी प्रोसेसेस कम हो पाए, लिंक बैठ जाए कि भाई दूर दूर क्यों जाना है, पेट्रोल का खर्चा बचाओ, एक ही मॉल में मूवी और एक ही मॉल में खाना हो जाएगा। एंड लास्ट में हम क्या कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे अपॉर्चुनिटीज के कहां कहां हम पैसा बचा सकते हैं, कहां कहां हम पैसा बचा सकते हैं। तो भाई एक काम करो, महंगा महंगा गिफ्ट मत दो, हैंडमेड कार्ड बना के दे दो, फीलिंग्स भी अपनी सच्ची है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। अब अगर इसको आप किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो भी यही बनेगा कि भाई आप कंपनी में सबसे पहले देखो कि कौन सी प्रोसेस है जिससे वैल्यू क्रिएट हो रही है, टोटल आपका क्या कॉस्ट है, उसमें से हर एक प्रोसेस का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, सब में लिंक बिठाओ। एंड अल्टीमेटली आपको क्या करना है, रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो वो आपको देख लेना है। अब अगर हम करते हैं इंटरनल डिफरेंसिएशन एनालिसिस, अगर हम करते हैं इंटरनल डिफरेंसिएशन एनालिसिस, तो उसमें देखो आइडेंटिफाई कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, जब हम इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस पढ़ रहे थे ना, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, तब हमको ना बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं था, हम है वो है इंटरनल कॉस्ट, हम है वो है इंटरनल कॉस्ट, मतलब हम फर्म की वैल्यू क्रिएशन का सोच रहे थे। इंटरनल कॉस्ट में हम फर्म की वैल्यू क्रिएशन का सोच रहे थे, लेकिन डिफरेंसिएशन में भी वैल्यू तो क्रिएट करनी है, बट किसके लिए, कस्टमर के लिए। देखो पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है, बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको पावर बैच वाली फीलिंग आ रही होगी, बिकॉज जितना समराइज करना था मैंने रात जाग के ऑलरेडी कर लिया है, अब आपको तो आराम आराम से ही पढ़ाऊंगी, मजा ही आएगा। तो आ जाओ देखो, यहाँ पे इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में हमको बाहर वाले से मतलब ही नहीं है, मैं हूं वो है हम है बात खत्म। तो हम क्या करेंगे, फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। वेरेस जब हम डिफरेंसिएशन की बात करते हैं तो वैल्यू तो क्रिएट करनी ही है, लेकिन किसके लिए, कस्टमर के लिए। यहाँ पे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, पहले हम सोचेंगे कस्टमर को क्या चाहिए डिफरेंसिएशन में। तो पॉइंट तो सेम है, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, लेकिन इंटरनल कॉस्ट में फर्म के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, लेकिन डिफरेंसिएशन में हमको हमारे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, जिससे अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू खुद ही क्रिएट हो जाएगी। वाह 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 वाह। नाउ इवैल्यूएट कर लो, फिर से वही हो गया कि भाई डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज को इवैल्यूएट कर लो कि कौन सी स्ट्रेटजी से कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़ेगी।
कौन सी स्ट्रैटेजी से कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़ेगी, एंड लास्ट में कौन सी आपके लिए बेस्ट सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है जो आप आगे तक चला पाओगे, वो स्ट्रैटेजी को आप डिटरमाइन कर लो, वो स्ट्रैटेजी को आप डिटरमाइन कर लो। तो आ जाओ, आइडेंटिफाई कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम इंटरनल कॉस्ट में क्या करते हैं, फर्म की वैल्यू क्रिएशन का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, कस्टमर की वैल्यू क्रिएशन का हम ध्यान रखेंगे। मालक तो फिर एक काम करो, आप लड़की बदलो, इतने में तो मान जाते हैं, ठीक है। चलो, सो आइडेंटिफाई कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, की कौन सी प्रोसेस है जिससे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होगी। अब उसमें से देखो कि अलग अलग कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कस्टमर वैल्यू को एनहांस कर सकती है, एंड लास्ट में बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है हमारे लिए, वो अडॉप्ट करो और आगे चलते जाओ। अब ये वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस क्या बोलता है, तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस ये बोलता है कि आप अपने अपस्ट्रीम और अपने डाउनस्ट्रीम सारे ट्रांजेक्शन को अपने नाम कर लो, सिर्फ उसको मत पटाओ, उसको मत पटाओ, उसके मम्मी पापा भाई बहन सबको पटा लो, काम खुद ही हो जाएगा। उसको तो पटाना ही है भाई, लेकिन उसके ऊपर उसके मम्मी पापा है, उससे छोटे भाई बहन है, सबको पटा लो तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अगर प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन के रिलेटेड तो आप कॉस्ट कंटेन कर ही रहे हो। अब एक काम करो, आप जिनसे रॉ मटेरियल्स लेते हो तो सोचो क्या मैं खुद ये रॉ मटेरियल बना सकता हूँ। ऑब्वियसली आप बाहर से मंगाओगे तो आपको ज्यादा खर्च लगेगा, खुद बनाओगे तो हो सकता है आपकी कम कॉस्ट लगे। आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब आप सेल करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा दो, आप खुद से ऑनलाइन पोर्टल से सेल करने लगो, तो आप सारे अपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन को लिंक कर दो। आप अपने प्रोसेस का तो कॉस्ट घटाओगे ही, लेकिन अब एक काम करो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस भी खुद ही करने लग जाओ, पूरा रॉ मटेरियल से लेके सप्लाई तक का काम सारा आप लोग खुद ही कर लो। अगर आप लोगों ने देखी है मिर्जापुर तो वहां पे वो वही करते ना, पहले वो अफीम किसी से खरीदते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद ही उगाने लग जाए तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो बेस्ट एग्जांपल है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस के साथ आपको क्या करना है, लिंकिंग कर लेना है। हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉट जस्ट इंटरनल वैल्यू चेन, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन मत रखो, पूरे इंडस्ट्री की पंचायत रखो, सिर्फ अपनी। सिर्फ ये एक ही ऐसा पॉइंट है, हम हर जगह क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपना ध्यान रखो, अपना काम करो। बट कॉस्टिंग बोलता है कि अपना तो करना ही है, लेकिन बाजू वाले की पंचायत जरूरी है, क्योंकि बाजू वाले ने अगर अच्छा काम करके कॉस्ट घटा लिया तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा होगा। तो आपको सिर्फ इंटरनल वैल्यू चेन का इन्फॉर्मेशन नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इंडस्ट्री वैल्यू चेन का इन्फॉर्मेशन रखना है। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या आप खुद कर सकते हो, करने लग जाओ, कहाँ पे कॉस्ट घटा सकते हो घटाने लग जाओ। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने हमारे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को असेस करने के लिए तीन चीजें पढ़ ली। सबसे पहले इंटरनल कॉस्ट का एनालिसिस कैसे होगा, भाई इंटरनल कॉस्ट का एनालिसिस कैसे होगा, तो फर्म के लिए वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन उसको एट्रीब्यूट करना है ये देख लो, हर एक प्रोसेस के लिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट ड्राइवर के बीच में लिंक बिठाओ, एंड अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज देखो कि कहां कहां से आपको रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है। डिफरेंशिएशन में भी वैल्यू क्रिएशन तो देखना ही है, लेकिन किसका, फर्म का नहीं, कस्टमर का वैल्यू क्रिएशन देखना है। उसके बाद अलग अलग स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट कर लो, एंड जो हमारे लिए बेस्ट सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है वो आप अडॉप्ट कर लो। एंड वर्टिकल लिंकेज में हम क्या करेंगे, अपने अपस्ट्रीम अपने डाउनस्ट्रीम, उसके मम्मी उसके पापा उसके छोटे भाई बहन सबको पटा लेंगे। सो लिंक विद ऑल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन इन इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ अपनी पंचायत मत करो, अपना इंटरनल वैल्यू चेन मत देखो, लेकिन इंडस्ट्री का भी वैल्यू चेन आप लोग देख सकते हो, नहीं देखना ही है इनफैक्ट। लास्ट पेज एंड हमारा चैप्टर खत्म। सब कुछ याद करके ही छोड़ेंगे यार, क्या है, आ जाओ। मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव ये क्या होता है, मॉड्यूल में बहुत सारा लंबा लंबा दिया है, बट अल्टीमेटली पूरा पढ़ के जिस्ट निकालोगे तो यही निकलेगा तो भाई मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट अश्विनी ग्रोवर बोलता है भाई तू कर क्या रहा है, तू एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वो क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट है। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज रीजन टू बी, कि कंपनी है ही क्यों, भाई तू कर क्या रहा है, व्हाई डज द कंपनी इवन एग्जिस्ट, ये क्या है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। और ये जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट होता है ये कस्टमर फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट फोकस नहीं होना चाहिए, कस्टमर फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट फोकस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, तो देखो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में जब बिल गेट्स थे तो उनका ये मिशन स्टेटमेंट था कि भाई मुझे दुनिया की हर एक डेस्क पे कंप्यूटर लाना है,
दुनिया की हर एक डेस्क पे कंप्यूटर लाना है, इसीलिए ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये उनका मिशन स्टेटमेंट था। लेकिन फिर जब सत्य नडेला आए तो उन्होंने मिशन स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई अब कंप्यूटर तो हर एक इंसान की डेस्क पे है ही, इसमें हम क्या नया कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोगों को एम्पावर करें। उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट चेंज करके ऐसा कुछ किया कि भाई एम्पावरिंग मोर टू डू, ऐसा कुछ था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। तो कस्टमर फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट फोकस नहीं। बिल गेट्स ने क्या बोला कि हर एक डेस्क पे कंप्यूटर लाना है, कंप्यूटर एक प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करके उन्होंने मिशन स्टेटमेंट बना दिया। अब कंप्यूटर सबके डेस्क पे आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आपका तो मिशन खत्म हो गया, आप कंपनी ही क्यों चला रहे हो। तो एक काम करो, आपका जो मिशन स्टेटमेंट है उसको कस्टमर पे फोकस कर दो कि भाई एम्पावरिंग एनेबलिंग कस्टमर्स टू अचीव मोर, या ऐसा कुछ भी, उसमें फिर आप कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर पाओगे। तो जब भी आपका मिशन स्टेटमेंट है जहां पे आप अपना रीजन टू भी सोच रहे हो कि भाई मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, तो उस केस में आपका जो भी मिशन स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो कस्टमर फोकस होना चाहिए और प्रोडक्ट फोकस नहीं होना चाहिए। नाउ आ जाओ उसके बाद, कंपनीज विजन इज व्हाट कंपनी वुड लाइक टू अचीव। नाउ ये विजन क्या है, मिशन बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, मिशन बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है कि भाई कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। लेकिन जो विजन है वो ये होता है कि हमको बहुत लंबे टाइम में हम क्या अचीव करने का सोच रहे हैं। हमने बोल तो दिया कि हर एक डेस्क पे कंप्यूटर लाना है, हमने बोल तो दिया कि हम लोगों को एनेबल करेंगे बहुत कुछ करने के लिए, बट कैसे करेंगे, हमारा विजन क्या है। तो विजन जो होता है वो हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए और मोटिवेटिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग और मोटिवेटिंग एक साथ आप डिसाइड करते हो कि आपको आईडीटी में या एससीएमपी में 70+ मार्क्स लाने हैं, ये चैलेंजिंग है। मोटिवेटिंग है कि हाँ ठीक है 70+ लाना है, इजी भी नहीं है, 60 तक लाना इजी है, एग्जेम्पशन लाना 70+ लाना चैलेंजिंग तो है, लेकिन साथ में मोटिवेटिंग भी है और ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूं, आपको 90+ मार्क्स लेके आने हैं, सबको 90+ मार्क्स लेके आने हैं, भाई चैलेंजिंग तो है बट मोटिवेशन तो आना चाहिए, हमको भी पता है मैम नहीं आने वाले 90+, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजन स्टेटमेंट है वो इक्वली चैलेंजिंग और इक्वली मोटिवेटिंग होना चाहिए। एज आई सेड, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप 60 तो आराम से ला सकते हो, तो पुश योरसेल्फ, अपना एम्बिशन बढ़ाओ और 60 का मत सोचो, 75 का, 80 का सोचो। आपको लगता है कि नहीं हम तो मैम AIR 1 AIR 2 वाले हैं, हम तो 90+ भी लाएंगे, तो वेरी गुड, आप अपना अपने आप को चैलेंज करो, मोटिवेट करो और एम्बिशियस टारगेट रखो। तो ये जो विजन स्टेटमेंट है, ये विजन स्टेटमेंट क्या है कि कंपनी अचीव क्या करना चाहती है। भाई मेरा मिशन है जिंदगी में बहुत पैसे कमाना है, बट कैसे कमाऊं, तो अभी मेरा विजन है कि मुझे सीए बनना है, अब सीए बनने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एकदम प्रिसाइज मेजरेबल कि भाई इस टाइम में हमको क्या करना है। मिशन और विजन सेट तो कर लिया, बट उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव, जो होना चाहिए एकदम प्रिसाइज और मेजरेबल। मतलब मैंने मिशन सेट कर लिया कि जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, ये मेरा मिशन है। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ा, तो सीए करना है, ये मेरा विजन है। अब सीए करूं कैसे, तो सीपीटी पास करो, इंटर पास करो, फाइनल पास करो, आर्टिकलशिप करो, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे कि भाई इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40+ लाना है, एग्जेम्पशन के लिए 60+ लाना है, एग्रीगेट 50+ चाहिए, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बात करता है नंबर्स की, ऑब्जेक्टिव्स है एकदम प्रिसाइज और मेजरेबल चीज। इन तीनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई मिशन विजन ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या है। तो मिशन तो बोलता है भाई तू कर क्या रहा है, क्यों एग्जिस्ट करता है, मैं इसलिए एग्जिस्ट करता हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। भाई कैसे कमाएगा पैसे, तो मेरा विजन है कि मैं सीए बनूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो भाई सीए बनने के लिए तेरे को एग्जैक्टली करना क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रिसाइज और मेजरेबल कि हर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स लाने हैं, सीपीटी क्लियर करना है, इंटर क्लियर करना है और फाइनल सीए क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमको करना क्या पड़ेगा जिससे कि हम हमारा मिशन और विजन अचीव कर सकें। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी आर डन। रोल ऑफ अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि भाई ये जो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है कंपनी में, उसको करना क्या होता है, उसको सब करना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप ही हो जिसको गर्मी में बॉटल भी भरनी है, ठंडी में कूलर का पानी भी, अरे गर्मी में कूलर का पानी भरना है, फ्रिज में बॉटल भर के रखनी है, ठंडी में उठ के हीटर चलाना है, सब कुछ आपको ही करना है, आप ही एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हर एक चीज करनी है। ट्रेडिशनली हम सोचते थे कि उसको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे एनालिसिस करना है, कॉस्ट वगैरह चेक करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है। लेकिन आज मॉडर्न बिजनेस में उसको हर एक चीज करनी है।
मॉडर्न बिजनेस में उसको इकोनॉमिक वैल्यू का एनालिसिस भी करना है, वैल्यू चेन एनालिसिस भी देखना है, TQM भी करना है, इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखना पड़ेगा। एक टीम एफर्ट है, वो अकेला करेगा तो भी काम नहीं होगा, उसके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, हर एक चीज की उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज ट्रेडिशनली हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से काम करते थे, बट नाउ ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल्स, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तो आपको सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए। तो भाई ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये कौन है? ये एक भगवान है जिसको सब कुछ आता है, जिसको सब कुछ आता है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी एकदम जीरो है, बट मॉड्यूल में था तो स्किप नहीं करना था, तो एक बार बता दिया कि भाई एक अच्छे सच्चे प्यारे क्यूट से मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए। तो ये सब कुछ आना चाहिए जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि फर्म का ग्रोथ होगा और फर्म का सर्वाइवल होगा। डन डन डन, खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर वन। अब फटाफट से आओ मेरे साथ, 10:20 हुए हैं नाउ, 11:30 तक हम क्या करेंगे, हमारे पास 70 मिनट्स है। 70 मिनट्स में हम पूरा मॉड्यूल से फिर से गो थ्रू करेंगे। एज आई सेड, SCMP के पावर के दौरान आपका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप सोच भी नहीं सकते उतनी बार रिविजन होने वाला है। पढ़ाऊंगी, पढ़ाते पढ़ाते बीच में जब मन हुआ तब रिविजन करवाऊंगी, मॉड्यूल से रिकनसाइल करेंगे चीजों को, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फिर से रिविजन करेंगे। तो आई ऑल्सो डोंट हैव अकाउंट कि हम कितनी बार रिविजन करने वाले हैं, बिकॉज उसके बिना मेरे को ऐसे शांति नहीं होती है। तो अब आ जाओ फटाफट से हम मॉड्यूल से सारी की सारी चीजें कंपेयर करेंगे, कुछ कुछ यहाँ पे एडिशनल चीजें मार्क करनी है तो आपको करवा दूंगी। आ जाओ, अब ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक बार आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ कि भाई जो भी मैंने लैंग्वेज नोट्स में यूज की है वो पूरी की पूरी लैंग्वेज मॉड्यूल वाली ही है। सो रेस्ट अश्योर्ड, ट्रस्ट ऑन दैट लैंग्वेज एंड पढ़ते जाओ। तो भाई एग्जैक्ट यही लाइंस पढ़ी है हमने, इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड, यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, करेक्टिव एक्शन हम लेंगे ताकि फ्यूचर बजटेड के पास आ सके। टिपिकली क्या होता है, तो टिपिकली हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, एग्जैक्ट डिट्टो सेम सब कुछ। नाउ लिमिटेशंस क्या है, तो भैया यहीं से मैंने उठाया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने क्या किया, सर लाई एड कर दिया, एंड कुछ कुछ जो नीचे यहाँ पे चीजें बड़ी बड़ी करके दे रखी थी उनको शॉर्ट करके जिससे जहां पे कुछ बनता था वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप फटाफट से यही मानो कि हम रिविजन कर रहे हैं, मॉड्यूल्स खोल लो अपनी। एज आई सेड, अभी तक मैंने बोला था कि कुछ मत करो, स्क्रीन देखो, बट अब स्क्रीन के साथ साथ मॉड्यूल खोल लो और मॉड्यूल में मार्किंग्स करते जाओ। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के पास लिख दो सर लाई, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले अल्टीमेटली आपको मॉड्यूल तो गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। नोट्स मेरी बहुत ज्यादा कंसाइज होगी, इतनी ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगी। IDT की नोट्स ऐसी है कि आप IDT सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ एग्जाम में काम हो जाएगा, बट SCMP में एज आई सेड आपको मॉड्यूल देखना पड़ेगा। तो एनोटेशंस मार्किंग मेरे साथ साथ करते जाओ। तो भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में सर सर आप बचपन से जो बोल रहे थे सब कुछ एक झूठ था, शॉर्ट टर्म आउटलुक है, इग्नोर करना है कंपटीशन, मार्केट, कस्टमर, सबको, रिएक्टिव अप्रोच है। एल से होगा हमारा लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। फिर ई से क्यों लिमिटेड फोकस यहाँ पे, क्योंकि एक्सेसिव फोकस है हमारा कॉस्ट रिडक्शन पे। और आई से क्या है, इग्नोर डायनेमिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। नाउ यह नीचे जो भी लिखा है मैंने ऊपर इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपनी नोट्स में कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग डेटा पे रिलाई करता है, यहाँ पे हमारे कस्टमर के लॉस होने के कस्टमर का लॉस हो सकता है, फिर मॉडर्न कस्टमर्स की आज एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है तो आप उन पे ध्यान नहीं दोगे तो वो लोग आपको छोड़ के भी चले जाएंगे, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। नाउ ये भी मैंने यहीं से उठाया है कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी वो सारी की सारी खिचड़ी है, स्ट्रेटेजी वो सारी की सारी खिचड़ी है जो आप अपने दिमाग में पका रहे हो। क्यों पका रहे हो, क्योंकि आपको कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। ये वाला मेगा रिविजन बहुत काम आएगा, आपके मॉड्यूल के साथ चीजें लिंक हो रही है, 100% ध्यान इधर, कोई फालतू चैट में कुछ भी नहीं लिखेगा आप, जब तक सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछ रही हूँ वही लिखोगे, एंड पूरा ध्यान अपनी बुक में और सब कुछ एनोट करते जाओ। आ जाओ, ये सब मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, आपको जो चाहिए सब शेयर कर देंगे, नोट्स, मॉड्यूल और कुछ जान चाहिए वो नहीं एग्जाम के बाद। ठीक है, चलो। सो मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, ये भी हमने एज इट इज लाइन पढ़ ली कि भाई मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट में सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करना सफिशिएंट नहीं है, हमको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाओ और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करो। एक एक वर्ड मॉड्यूल का ही है, मैंने अपने घर का कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं, सब कुछ मॉड्यूल से ही है। हम इसको कैसे अचीव करेंगे, तो सुपीरियर परफॉर्मेंस है। सुपीरियर परफॉर्मेंस आएगा कहां से, जब हमारे पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस होंगे। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस कहां से आएंगे, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से आएंगे और कॉस्ट लीडरशिप से आएंगे। देन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमको क्या करना है,
कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाना है। फटाफट फटाफट से पेन पेंसिल ले लो, जितनी चीजें मार्क करवा रही हूं करते जाओ फटाफट से। सो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा। क्यों करना है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, किस एरिया में करना है भाई, हर एक जगह, प्रोडक्शन, परचेस, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सर्विस, जो भी पता है सब में कर दो। एंड इसको क्या करो, अर्ली स्टेजेस में ही लगा दो, अर्ली स्टेजेस में ही लगा दो। क्यों? क्योंकि बाद में जाके आपको हैवी कॉस्ट ऑफ फेलियर से डील ना करना पड़े। ये एज इट इज एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भाई जो ट्रेडिशनल कॉस्ट है वो क्या बोलता है कि दो का लॉस बचाओ, दो का लॉस बचाओ और प्रोडक्ट बंद कर दो, दो का लॉस बचाओ प्रोडक्ट बंद कर दो। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई लॉस दो का नहीं, लॉस पांच माइनस दो, पांच माइनस दो, क्योंकि पांच का यहाँ लॉस हो जाएगा, दो का यहाँ पे सेविंग होगा, तो अल्टीमेटली तेरा तीन का लॉस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को बंद मत करो, प्रोडक्ट को बंद मत करो। शॉर्ट में सब कुछ लिख लो, मत लिखो, नोट्स शेयर कर दूंगी तो भी काम हो जाएगा। ये हमने देख लिया, ये दोनों केस स्टडीज हमने देख ली कि भाई प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सर्विस सेंटर्स को बंद कर दिया। देन ये जो हमारे फोर स्टेजेस है स्ट्रेटेजिक के, सबसे पहला क्या है, फॉर्म्यूलेट करो। अब लिखो फटाफट से चैट में कौन से हैं हमारे फोर स्टेजेस, कौन से हैं हमारे फोर स्टेजेस। तो फॉर्म्यूलेट करो स्ट्रेटेजी को, फॉर्म्यूलेट करने के बाद क्या करो, कम्युनिकेट करो, फॉर्म्यूलेट करो, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करके अल्टीमेटली करना क्या है, तो इम्प्लीमेंट करना है। एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद अल्टीमेटली क्या करोगे, मॉनिटर करो और कंट्रोल करो कि सक्सेस हुआ या नहीं। सो फॉर्म्यूलेट, कम्युनिकेट, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर एंड कंट्रोल। उसके बाद हमने देख लिया कि नेसेसिटी क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। ये मैंने नोट्स में कवर नहीं किया है, बट एकदम ही बच्चों जैसा सा पॉइंट है, इसलिए नहीं किया कि भाई हमने नेसेसिटी क्या है। तो जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए ही तो हम लाए। तो भाई ये क्या है, ये एकदम और एक्सप्लिसिट चीजें हैं जो सब कुछ कवर करता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जनरेट करके देता है, सस्टेनेबल एडवांटेजेस जनरेट करके देता है। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का हम यूज करते हैं यही, फिर से फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, सेम टू सेम चीजें हैं कि भाई क्या नेसेसिटी थी कॉस्ट मैनेजमेंट की, इसलिए इसको मैंने फिर से नोट्स में कवर नहीं किया है, यू कैन सेल्फ रीड। अब ये हमारे जो ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक है, तो ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजर है कोको पी पी के फैट हो रहा है, कोको पी पी के जाड़िया मोटा हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फोकस होगा इंटरनल, वेरस स्ट्रेटेजिक में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ए से क्या है हमारा अप्रोच, जो कि यहाँ पे फट्टू है, रिस्क एवर्स है, वेरस यहाँ पे हमारे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट के साथ चेंज हो सकते हैं। देन टी से आ जाएगा हमारा टाइम स्पैन, विच इज शॉर्ट हियर, शॉर्ट टाइम स्पैन एंड लॉन्गर टाइम स्पैन इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। देन कोको, तो एक हो जाएगा हमारा कॉस्ट ड्राइवर, एक हो जाएगा हमारा कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर कौन है, तो वॉल्यूम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दूसरा कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है कि ट्रेडिशनल में तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है कॉस्ट को रिड्यूस करना, वेरे स्ट्रेटेजिक में क्या हो जाएगा कि कॉस्ट कंटेनमेंट करेंगे, मतलब कॉस्ट रिड्यूस तो करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, वैल्यू भी क्रिएट कर देंगे। एंड लास्ट हमारा ओ से क्या है कि इधर हम है मुंशी, जो कि स्कोर कीपिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, ऐसा सब करेगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, तो कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस जनरेट करने हैं। वो कहां से होंगे, कॉस्ट लीडरशिप से और प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन से। एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो मैंने बोला क्वेश्चन में ही आंसर है कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजी से क्या आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। कॉस्ट से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। एंड सीधी सी बात है, वैल्यू चेन पूरे चैप्टर में हमको एक ही तो चीज पढ़नी है। तो अब स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस क्या बोलती है, कंपनी की रिलेटिव पोजिशन इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस के लिए। एंड ये क्या होगा, तो इट इज कंसर्न विद इंपैक्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑलरेडी कंसिडर्ड। एंड ये क्या है, ये हमारी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और वो वैल्यू अलग कैसे है, हम कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और वो वैल्यू अलग कैसे है। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है, तो भाई एक हो गया इंटरनल फैक्टर, एक हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यूज है और क्या कल्चर्स है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस कैसे कर सकते हैं हम, तो पेस्टल यूज कर सकते हैं और पोर्टर के 5 फोर्सेस भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में एज इट इज आप लोग देख लो कि भाई बहुत सारी कॉस्ट है जो कि इंटर रिलेटेड है, ये कोई सिंपल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं। तो देखो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है। एंड यहाँ पे जो भी फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए, जैसे कि अगर लार्जर स्केल है तो हमको मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके अलावा क्या क्या चीजें हमने देखी, तो एक्सपीरियंस हो सकता है, लर्निंग कर्व, टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, आप प्रोडक्ट के कहाँ पे लाइफ साइकिल में हो, एक आ गया
लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर में क्या होगा, तो जो फर्म के ऑपरेशनल डिसीजंस पे बेस्ड है, मतलब कि मैनेजमेंट का क्या स्टाइल है, क्या पॉलिसी है। एग्जाम्पल भी सेम ही लिए हैं मैंने कि भाई एफिशिएंसी है या नहीं प्लांट लेआउट का, मैनेजमेंट को कितना इंटरेस्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, एज इट इज पूरा हमने देख लिया। एंड लास्ट में वो नीचे पिंक कलर से वो भी मैंने लिख दिया था कि भाई वॉल्यूम वॉल्यूम मोस्ट अप्रोप्रिएट वे नहीं है, हमको कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। देन वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है, तो आइडेंटिफाई करो ऐसी वैल्यूज जो कि वैल्यू ऐड करती है और एलिमिनेट कर दो ऐसी वैल्यूज को जो कि वैल्यू ऐड नहीं करती है। ये भी मैंने यहीं से सेम टू सेम उठा लिया है। उसके बाद आ जाओ, फिर ये भी बता दिया कि पोर्टर ने क्या बोला, पोर्टर ने बोला कि इंटरनल प्रोसेस है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेशंस दी है जो भी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है कि भाई प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या, इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना। और सेकेंडरी का मतलब क्या, जो कि सपोर्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी को। सेकेंडरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब जल्दी से बताओ कौन कौन सी है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या, हमने रिसीव किया, स्टोर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हमारा रॉ मटेरियल, यहाँ पे सप्लायर के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है, वो हमको सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं, टाइम पे प्रोडक्ट दे रहा है नहीं, हमको सब कुछ देखना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स किया, उसके बाद ऑपरेशंस करो जहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं रॉ मटेरियल का फाइनल प्रोडक्ट में। बना दिया तो एंड कस्टमर पे फेंक दो, तो क्या फेंकने से कस्टमर ले लेगा, द आंसर इज नो, आपको करना पड़ेगा मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब आपको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करना पड़ेगा। एंड आपने फेंक दिया, तो फेंकने के बाद मार्केटिंग करके दे भी दिया कस्टमर को, तो आप ऐसा छुट्टा नहीं हो सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आफ्टर सेल सर्विस जैसे कि इंस्टॉलेशन रिपेयर वगैरह भी करके देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल बोलता है एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडेड रेडीमेड गार्मेंट्स हम लोग बनाते हैं। इट हैज अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि लुधियाना में है। रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय वेरियस सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। मेजोरिटी उसका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है यूरो जोन को और यूएस को। फॉर कमिंग ईयर्स कंपनी हैज सेट ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस कॉस्ट इन इट्स वैल्यू चेन। तो बताओ कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। तो भाई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोग रेडीमेड गार्मेंट्स का, तो भाई ये लोग फैब्रिक मंगवाते होंगे, यान वगैरह मंगवाते होंगे, कहां से मंगवाते हैं, कैसे रखते हैं, कहां रखते हैं। प्रोसेसिंग में एक ही फैक्ट्री है, लुधियाना की फैक्ट्री, तो वहां पे ये लोग यान को फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं, ये उनका ऑपरेशंस है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, क्योंकि इनको तो एक्सपोर्ट करना है, तो प्रॉपरली कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है। मार्केटिंग एंड सेल्स क्या है, कम्युनिकेशन करो, प्राइसिंग करो, चैनल का मैनेजमेंट करो, एक्सपोर्ट करना है ना, तो कैसे हम काम करेंगे। एंड एक बार बेच देने के बाद फ्री नहीं हो जाना है। देखो ये भी कितने मस्त चापले हैं, पूरा केस स्टडी दिया, ठीक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ऐसा एग्जांपल भी लिखा, लुधियाना, उसके बाद खुद इधर आ गए, इधर लिखा है एक भी एग्जांपल, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो केस स्टडी होती है, केस स्टडी नाम के लिए होती है, अल्टीमेटली आपको लिखनी तो थियोरी ही होती है, उसमें सिर्फ जो कंपनी का नाम दिया है वो नाम आंसर में चिपका दो, आपको कंटेंट तो हमेशा वही लिखना होता है, तो कंटेंट पे फोकस करो, अंदर नाम चिपकाना है, क्वेश्चन में जो दे चिपका देना। उसके बाद सपोर्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी है, तो प्रोक्योरमेंट का मतलब कि परचेस करो रॉ मटेरियल, सप्लाई दूसरे कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड एज इनपुट्स फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज। नाउ यू मे हैव अ डाउट कि भाई ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट में क्या फर्क है, तो भाई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब तो आपको रॉ मटेरियल लाना है, रखना है, स्टोर करना है, मैन्युफैक्चरिंग में देना है, तो ये पूरी प्राइमरी एक्टिविटी हुई। बट इसको सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्ट एक्टिविटी चाहिएगी कि भाई सप्लायर के साथ आप बैकएंड मैनेजमेंट करो, या तो फिर रॉ मटेरियल किससे लेना है, कहां से लेना है, पूरा एक एनालिसिस करो, असेसमेंट करो। तो प्रोक्योरमेंट एक सपोर्ट एक्टिविटी हो गई जो रॉ मटेरियल्स का इनबाउंड लॉजिस्टिक्स करने में आपको हेल्प करती है। आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छा टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स, सीधी सी बात है, अप्रेजल दो, ट्रेनिंग दो अपने एम्प्लॉयज को, अच्छा बनाओ। और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अफेयर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा है। वैल्यू चेन आपको एक डीपली अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज काम की है, कौन सी एक्टिविटीज काम की नहीं है, कहां पे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक जो मैंने आपको वैल्यू शॉप मॉडल बताया था ये किसके लिए है, ये सर्विसेज के लिए है। यहां पे लिख लो, ये सर्विस का वैल्यू चेन एनालिसिस है। मतलब क्या, सेकेंडरी एक्टिविटी तो सेम रहेगी, सी आप प्रोडक्ट गुड्स बनाओ या सर्विस बनाओ,
सेकेंडरी में सेम चीज है कि भाई आपको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ पे बदलेगा क्या, यहाँ पे आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज बदल जाएगी। मॉडल हैज सेम सपोर्ट एक्टिविटीज एज पोर्टर्स वैल्यू चेन, लेकिन जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो यहाँ पे अलग हो जाती है। सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना होता है, तो सर्विस में क्या होगा, प्रॉब्लम को ढूंढो, प्रॉब्लम को अक्वायर करो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अलग अलग आपके पास सोल्यूशन होंगे, उसमें से आप कौन सा सोल्यूशन लगाओगे एंड अल्टीमेटली उसको ढंग से एग्जीक्यूट और कंट्रोल करो। मैम लर्न करना है क्या, चलेगा चलेगा। मेन जो हमने ऊपर प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ी है वही मेन है, प्रोडक्ट वाला ही एग्जाम में आता है। वैल्यू शॉप सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कभी ऐसा वर्ड दिख जाए तो आपको समझ में आए कि भाई अल्टीमेटली कुछ नहीं है, पोर्टर का ही वैल्यू चेन एनालिसिस है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के लिए है। जहां पे सेकेंडरी एक्टिविटी तो चारों सेम ही है, लेकिन प्राइमरी में क्या हो जाएगा, सिंस हम सर्विस के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, भाई मैंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में एससी एमपी में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, अब उसको मैं कैसे सॉल्व करूं, तो मैंने कहा रेगुलर बैच लेने का तो टाइम नहीं है, May 23 में एग्जाम है, बच्चों ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ रखा होगा, आई अज्यूम पहली बार पढ़ने तो आए नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं इसको पावर बैच से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं क्या करूं, प्रिंट करवा दूं सारी नोट्स, मॉड्यूल ही हाईलाइट करके दे दूं, अपनी नोट्स बनाऊं, क्या करूं, तो अलग अलग सोल्यूशन में से मैंने चूज किया कि मैं कौन सा सोल्यूशन आप लोगों को दे सकती हूं। कि एक काम करती हूं, पूरी नोट्स का तो टाइम नहीं हो पाएगा, समरी बना देती हूं और मॉड्यूल से चीजें हाईलाइट करवा दूंगी, एंड लास्ट में मैं इसको कैसे इवेल्युएट कर रही हूं, क्या मैंने जो सोचा था वो मैं एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पा रही हूं या नहीं, ये क्या हो जाएगी मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर अ सर्विस। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद भी हो जाए। तो मॉडल है सेम सपोर्ट एक्टिविटीज एज पोर्टर्स वैल्यू चेन, लेकिन जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो अलग है, और वो क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन के ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको कौन सा ठीक लगता है एंड आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे और कंट्रोल करोगे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा द वैल्यू शॉप, द वैल्यू शॉप जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज का वैल्यू चेन एनालिसिस है। इसके बाद हमने देखा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, जहां पे सबसे पहला इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कोर कॉम्पिटेंसी और सेगमेंटेशन। ए इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखे बिना बोल सकते हो क्या, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे होगा, पोर्टर के 5 फोर्सेस से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे होगा, पोर्टर के 5 फोर्सेस से, कौन से है पोर्टर के 5 फोर्सेस, कौन से है पोर्टर के 5 फोर्सेस, फालतू से इन्होंने डायग्राम दिया है, बिना डायग्राम देखे बता दो कौन से होंगे पोर्टर के 5 फोर्सेस। तो भाई बार्गेनिंग पावर किस किस का, बायर का और सप्लायर का, थ्रेट किस किस का, न्यू एंट्रेंट का और सब्स्टिट्यूट का, एंड अल्टीमेटली इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। नाउ यहाँ पे मैंने नोट्स में कंसाइज कर दिया है चीजों को, सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट लिखे हैं ताकि रिविजन में जल्दी जल्दी से हो जाए। आपको आपको अंदर का एक बार पढ़ लेना है, एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या होता है, तो बायर का कितना एबिलिटी है प्राइस को पुश डाउन करने का, बायर का कितना एबिलिटी है कि वो प्राइस को पुश डाउन कर सके। नाउ ये कब होगा, जो मैंने एग्जांपल लिया वो भी ध्यान में रखोगे तो काम हो जाएगा, कि मार्केट में सप्लायर्स कम है, बायर्स ज्यादा है, बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, और व्हेन वॉल्यूम परचेस बहुत हाई है, या तो बायर क्या कर रहा है आपसे 10-10 हजार 20-20 हजार यूनिट एक साथ खरीद रहा है, तो सीधी सी बात है उसका अपर हैंड रहेगा कि भाई मार्जिन इतना, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो आप मुझे प्राइस भी कम करके दो। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का मतलब वो ऐसी पोजीशन में है कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सके, तो वो सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड पे हो जाएगा। बायर ऑल्सो हैज हायर बार्गेनिंग पावर इफ कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स इज वेरी लो। भाई आज अगर आपको सिम कार्ड बदलना है, तो 2 मिनट का काम है, कुछ नंबर वंबर नहीं बदलेगा, आपको सिर्फ अपना नंबर पोर्ट करवा लेना है। पहले ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती थी, तो इवन दो दूसरी टेलीकॉम कंपनी सस्ता प्रोवाइड कर रही है, बट आप स्विच नहीं कर पाते थे। बट आज क्या है, सप्लायर को स्विच करने के लिए कुछ नहीं लगता है, एक नंबर पोर्ट करवाया और काम खत्म। तो जितना यहाँ पे लिख दो कि जितना बार्गेनिंग पावर हाई होगा, जितना हमारे बायर का बार्गेनिंग पावर हाई होगा, उतना क्या हो जाएगा, उतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उनके साथ ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, हम वीक साइड पे है। ठीक है, ये हो गया स्विचिंग कॉस्ट लो, अंडरलाइन कर लो, बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, या तो फिर बायर्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम परचेज कर रहे हैं, और ये आप लिख लो, बार्गेनिंग पावर हाई, प्रॉफिटेबिलिटी लो, इतना बहुत है। नाउ आई थिंक ये एक बार दो बार पढ़ लोगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले आपको शायद इसके अंदर का रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े, आपको सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट देख के जाने दो तो भी काम हो जाएगा। नाउ बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर क्या होता है, कि भाई जब बहुत इंपॉर्टेंट है कोई इनपुट, कि भाई उस रॉ मटेरियल के बिना शायद मेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और उसके सप्लायर्स भी बहुत कम है, सप्लायर्स बहुत फ्यू है, या तो फिर इनपुट इंपॉर्टेंट है, उस केस में सीधी सी बात है सप्लायर टर्न ही करेगा, सप्लायर नाटक करेगा कि भाई मैं तो ना दूं, मैं तो इतने पैसे लूंगा ही, तो उस केस में क्या होगा,
सप्लायर्स डिक्टेट करेंगे कि क्या टर्म्स है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है तो सप्लायर बोलेगा उतना हमको पे करना पड़ेगा। जैसे कि हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, अब बाहर का खाना अलाउड ही नहीं होता है, तो हमको भी पता है कि 20 रुपए के पॉपकॉर्न के लिए 200 ले रहे हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, पॉपकॉर्न के बिना मजा नहीं आता है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर वहां पे बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज कैन श्रिंक, एंड ये भी सीधी सी बात है, अगर सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई होगा एंड हमारे पास दूसरे सप्लायर का ऑप्शन भी नहीं है, डू नॉट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो उस केस में क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो जाएगी। नाउ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या बोलता है, व्हेन मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, तो कस्टमर फटाफट से स्विच कर लेंगे, कब, जब मल्टीपल और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो फर्म को क्या करना है, फर्म को ऐसी प्राइसिंग करनी है कि कस्टमर्स उनको छोड़ के ना जाए। सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री से भी हो सकता है, इंडस्ट्री के बाहर से भी हो सकता है। किसने सोचा था कि एक पेपर का सब्स्टिट्यूट कभी टैबलेट बन जाएगा, लोग यही सोचते रहे कि भाई अपना पेपर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसका पेपर अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा कुछ सोचते रहे, बुक को हार्ड बाउंड बनाए, सॉफ्ट बाउंड बनाए, और बुक आया, एक ई बुक आया और सबको उड़ा दिया, ई बुक आया और सबको उड़ा दिया। तो भाई जो सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट सेम इंडस्ट्री का हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो दूसरी इंडस्ट्री का भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पेपर इंडस्ट्री को आके ई बुक ने रिप्लेस कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों ने व्हीकल यूज करना चालू कर दिया, या व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चालू कर दिया, तो चीजें सब्स्टिट्यूट होती चली गई। न्यू एंट्रेंस आ सकते हैं क्या, कब आ सकते हैं न्यू एंट्रेंस, जब एंट्री करने के पैसे बहुत कम लगते हैं। आज अगर किसी को भी पढ़ाना चालू करना है, क्या करना है, यूट्यूब पे एक चैनल बनाओ, एक लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा आपके पास बुक बुक कुछ होना चाहिए, एंड आप पढ़ा सकते हो, तो वहां पे आपके पास एंट्री करने के लिए ज्यादा कुछ लगता नहीं है, तो न्यू एंट्रेंस बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस लार्जली डिपेंड ऑन बैरियर टू एंट्री, कि क्या कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एंट्री के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई भी आ सकता है। एंड दूर से देख के ऐसा लगता है कि पैसा ही पैसा है, दूर से देख के ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा ही पैसा है और एंट्री की कोई बैरियर्स भी नहीं है, तो सीधी सी बात है लोग उसमें आते जाएंगे, एंड लोग घुसते जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो ये थ्रेट है एग्जिस्टिंग सप्लायर्स के लिए। तो यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, लीगल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ऐसी सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, तो लोग डरेंगे अंदर आने के लिए, लेकिन सब कुछ ओपन है तो बहुत लोग आते जाएंगे। अगर बहुत लोग आते जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स है उनके लिए थ्रेट क्रिएट हो जाएगी। नाउ इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, नोट्स में ही मैंने बता दिया है कि जब फर्म्स मोर और लेस इक्वल साइज की है और कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, सबके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, एग्जिट बैरियर बहुत हाई है और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है, उस केस में क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। देन यहाँ पे फिर से पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल पे ही एक क्वेश्चन पूछा है, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। ये WDG वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कर ले क्या, चलो कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में ऐसी ही टाइप की केस स्टडी आती है। तो देखो WDG क्या है, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जिसमें 80% शेयर है फैमिली के पास और 20% शेयर है दूसरे नॉन फैमिली शेयर होल्डर्स के पास। इट मैन्युफैक्चरर्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है वो फॉर कस्टमर्स विच आर मेनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शूज क्लोथ क्रैकर्स, मतलब शूज क्लोथ क्रैकर्स के मैन्युफैक्चरर्स को वो डब्बे बना के देती है जिसमें वो अपने सामान डाल के और बेच सके। अब बोर्ड इज कंसिडरिंग टू ज्वाइन द पेपर ट्यूब्स मार्केट एज वेल। अब WDG क्या सोच रहा है कि भाई हम ये कार्डबोर्ड तो बनाते हैं, एक काम करते हैं पेपर ट्यूब के मार्केट में भी अपन घुस जाते हैं, इसको पेपर ट्यूब बोलते हैं जो रोल्स आते हैं, तो पेपर ट्यूब के मार्केट में भी हम घुस जाते हैं। पेपर ट्यूब को हम कार्डबोर्ड ट्यूब भी बोलते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है हमको नहीं पढ़ना कि वो क्या होता है ना। द पेपर ट्यूब मतलब आपको एग्जाम में पढ़ना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि ठीक ठीक नहीं लग रहा है तो जाने देते, अभी टाइम कंस्ट्रेंट के कारण जाने दे रही हूँ, बिकॉज केस स्टडीज करवानी है, एग्जाम में एक एक वर्ड पढ़ना है, कहीं से कुछ भी मिल सकता है। सो ना ट्यूब्स आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क बाय मेनी इंडस्ट्रीज, नॉर्मली लोग बल्क में इन ट्यूब्स को ऑर्डर करते हैं, मतलब एक चीज समझो अभी हमने पढ़ा, जब कस्टमर बल्क में बाय करेगा तो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, तो हमारे लिए क्या है, ये लॉस है। कस्टमर अगर बल्क में परचेज कर रहा है या कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब कस्टमर का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर बढ़ा मतलब हमारे लिए लॉस है। तो बल्क वर्ड देख के आपके दिमाग का लट्टू जलना चाहिए ना। इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग शिपिंग पोस्टल सर्विस ऑटोमेटेड, ठीक है जो भी है। पेपर ट्यूब्स कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 1-3% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स फिनिश्ड गुड्स, कस्टमर के जो फिनिश्ड गुड्स है उसका सिर्फ 1-3% ऑफ टोटल कॉस्ट ही पेपर ट्यूब होता है, तो सीधी सी बात है कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी से भी ले लेगा,
क्वालिटी का ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो किसी से भी ले लेगा। तो फिर से हमारे लिए ये दुख की बात है कि एक तो कस्टमर बल्क में परचेस कर रहा है, ऊपर से कस्टमर के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये इनपुट, मतलब वो हमसे आनाकानी करने वाला है। और इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि भाई जो पेपर ट्यूब है मशीन, पेपर ट्यूब्स आर मेड इन मशीन ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो लोएस्ट कॉस्ट का मशीन है वो भी 1,89,000 का है। हाय हाय मेरा प्यार आ गया इधर जीएसटी। एंड ओनली वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रन दिस मशीन, इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर चाहिए। 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू एनेबल अनट्रेंड पर्सन, भाई किसी अनट्रेंड पर्सन को वो मशीन चलाना सिखाना है तो कोई बात नहीं, उसको 2 दिन दो, 2 दिन उसको ट्रेनिंग दो और वो मशीन चलाना सीख जाएगा। स्पेशल पेपर चाहिए हमको इस पेपर ट्यूब को बनाने के लिए जो कि शॉर्ट सप्लाई में है। अब समझो हमारे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कस्टमर को बल्क में परचेस करना है, छोटा मतलब उसके टोटल कॉस्ट का बहुत कम कंपोनेंट है, वो कहीं से भी ले लेगा, तो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर तो है। बट हमको इसको बनाने के लिए जो पेपर चाहिए वो पेपर शॉर्ट सप्लाई में है, मतलब समझो हमारा सप्लायर भी आनाकानी करेगा। कस्टमर तो आनाकानी करेगा क्योंकि कस्टमर को फर्क पड़ ही नहीं रहा है, सप्लायर आनाकानी इसलिए करेगा बिकॉज हमको ये स्पेशल पेपर चाहिए, जो स्पेशल पेपर सिर्फ और सिर्फ उसी सप्लायर के पास है और ये शॉर्ट सप्लाई में है। मतलब अगर आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ऑलरेडी कस्टमर का बार्गेनिंग पावर हाई है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई है, जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर अभी क्या है, 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स है इस पेपर ट्यूब इंडस्ट्री में और इनके पास ही, जिसमें से इनके पास ही 75% शेयर है और ये लोग हर टाइप का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जो मार्केट लीडर है वही 24% शेयर लेके बैठा है और बाकी सब बहुत ज्यादा कंपटीशन पे लगे हुए हैं। ग्रोथ भी पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 3% होता है, तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्पिटिशन भी हाई है, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर हाई, कॉम्पिटिशन हाई, प्लस यहाँ पे हमने सुना है कि भाई एक एमएनसी है, इनसाइट, हमको एक इनसाइट मिली है कि ये जो एमएनसी है ये इंडिया में आके ऑटोमेटेड मशीन लगाने वाली है, मतलब थ्रेट ऑफ एंट्रेंट हो गया, बाहर से कोई इंसान है जो यहाँ पे आने वाला है, थ्रेट ऑफ एंट्रेंट भी है। और एक और कंपनी है HEG, मैन्युफैक्चरर्स अ स्मॉल हाउएवर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ पेपर ट्यूब, और ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भाई इनकी जो ट्यूब है इसका कॉस्ट कम है, इसका कॉस्ट कम है। करंटली दीज ट्यूब्स आर ऑन एन एवरेज 15% मोर कॉस्टली, ये लोग अगर आ गए तो 15% कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे। मतलब हर तरफ से मार मिल रही है, हर तरफ से मार मिल रही है और हमको बता रहे हैं कि बताओ इनको पेपर ट्यूब इंडस्ट्री में आना चाहिए क्या। भाई मत आ अश्नीर ग्रोवर, भाई तू मत आ, तू बंद कर, अपना कुछ धंधा कर, पापा के घर पे बैठ जा, मत कर, मत कर ऐसा कुछ। क्यों? तो एक बार आंसर पढ़ो तो देखो, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर हाई है, क्यों? क्योंकि कस्टमर बल्क में ले रहा है तो सीधी सी बात है हमसे आनाकानी करेगा। दूसरा, उसके लिए चीज इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो किसी से भी ले लेगा, बट हमको हमारे सप्लायर से जो चाहिए वो बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशल पेपर है जो कहीं मिलता नहीं है, ऊपर से शॉर्ट सप्लाई में रहता है, तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर भी बहुत हाई हो जाएगा। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिशन राइवलरी एकदम कट टू कट चल रही है। फिर लिटिल रियल थ्रेट भी है, क्योंकि हमने सुना है कि भैया जो HEG आ रहा है ये क्या करेगा, ये कुछ अलग ही टाइप का सस्ता मशीन बना देगा, सस्ता प्रोडक्ट बना देगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट की शायद डिमांड ही खत्म हो जाएगी। एंड मेजर थ्रेट हमको दिख रहा है कि ये जो MNCs वगैरह है ये भी आने वाली है, तो हर तरफ से हमको लगता है कि मार ही पड़ने वाली है। तो ऐसा इंडस्ट्री एनालिसिस करके हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमको अभी नहीं लगता कि इसमें आना चाहिए, कुछ और अल्टरनेटिव करो, इसमें मत आओ। समझ में आया केस स्टडी कैसे लिखना है? ओए क्यूटीज, समझ में आया केस स्टडी कैसे लिखना है? केस स्टडी लिखने के लिए आपको 5 पॉइंट दिमाग में पता होने चाहिए कि भाई पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल क्या है। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर का, कस्टमर का, थ्रेट किसका, नए एंट्रेंट का भी, सब्स्टिट्यूट का भी। तो यहाँ पे ये आके ऐसा अलग टाइप का 15% सस्ता अलग टाइप का बना देगा, मतलब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट का थ्रेट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूट का थ्रेट हो चुका है। एंड न्यू एंट्रेंट्स का भी हमको थ्रेट है, एंड प्लस राइवलरी तो ऑलरेडी कट टू कट चल ही रही है। तो समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आ जाओ ना कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। तो ये जो कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस क्या होता है, ये डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। और इससे आप क्या बना लोगे, इससे आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बना लोगे। कैसे आइडेंटिफाई करूं मेरे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, तो ABC। कैसे टेस्ट करूं कि मेरे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, तो ABC। ए से क्या है, मेरे पास वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का एक्सेस है। बी से एंड प्रोडक्ट का बेनिफिट है। और सी से मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए डिफिकल्ट है इमिटेट करना। एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किससे मिल सकता है, तो कॉस्ट लीडरशिप से या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से किसी से भी मिल सकता है।
ना ये आप खुद से ही पढ़ सकते हो कि भाई गूगल के लिए हाँ ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंस स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज, कौन कौन से, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी, कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। चलो प्लीज स्टॉप कॉलिंग, ठीक है। अमित क्यूट नहीं है भाई, अमित शैतान है, बाकी सब क्यूट है। क्यूट होना अच्छी बात है अमित, आप बड़े मत हो जाओ, बच्चे रहो, बच्चे से क्यूट होना तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। आप लोग को नहीं रहना, इट्स ओके, चलो शैतान बनो आप, आ जाओ। सो कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंसी स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज, कौन कौन से, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। नाउ रिसोर्सेज क्या बोलता है कि भाई हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए, जिसको यूज करके हम कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। नाउ रिसोर्सेज हमारे टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। एज आई सेड, मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए था, ICAI मॉड्यूल, वो मेरा रिसोर्स था। अब मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं उसको कोऑर्डिनेट करूं और कुछ अच्छा सा बना लूं। सो कोर कॉम्पिटेंसी कहां से आएगी, रिसोर्सेज से और कैपेबिलिटीज से, है ना। अप्लाइंग द वैल्यू चेन अप्रोच टू कोर कॉम्पिटेंसी फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। नाउ कैसे आपको ये कोर कॉम्पिटेंसी को लगाना है वैल्यू चेन में, उसमें आप क्या करोगे, टाइम पास है। टाइम पास है कि भाई देख लो, सबसे पहले वैलिडेट करो कोर कॉम्पिटेंसी करंट बिजनेस में है या नहीं, करंट बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। अगर है तो लेवरेज करो, लेवरेज कॉम्पिटेंसी थ्रू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, आपके जो दूसरे बिजनेसेस है उसमें आप इस कोर कॉम्पिटेंसी को लेके जाओ, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को और अच्छा रिकॉन्फिगर करो, रिफाइन करो। पहले तो देखो कि हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं, अगर है तो उसको लेवरेज करो, दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे भी लगाओ, लगाने के बाद उसको फाइन ट्यून करते जाओ, रिकॉन्फिगर करते जाओ, एंड अल्टीमेटली फिर उससे नई वैल्यू चेन्स क्रिएट करते जाओ। थोड़ा सा टाइम पास है, एक बार रीड कर लो और जाने दो। सेगमेंटेशन एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस एज ऑलरेडी डिस्कस, सबसे पहले क्या करोगे, सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहले मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, ज्योग्राफी, कस्टमर, तो आप क्या करो, सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ। नाउ मैट्रिक्स जनरली टू वे हो सकता है, एज आई सेड कि भाई कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ज्योग्राफी, कौन सा मार्केट, कौन सा प्रोडक्ट, ऐसे कुछ भी दो फैक्टर्स को लेके आप मैट्रिक्स बना सकते हो। तो मैट्रिक्स बना के क्या हम उसको देखेंगे कि हाँ ये कितना सुंदर है, द आंसर इज नो। हम मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा सेगमेंट हमारे लिए अट्रैक्टिव है। तो इवैल्यूएट करेंगे सबकी प्रॉफिटेबिलिटी, सबका परफॉर्मेंस। इवैल्यूएट करने के बाद सबके की सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक सेगमेंट के की सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किसकी क्वालिटी अच्छी, किसका टाइमलीनेस अच्छा, क्या हम देखेंगे। और एक परफॉर्मेंस मेजर सबके लिए नहीं चलेगा, आपको अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से मेजर करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली आप लोग देख लो कि आपको ब्रॉड वर्सेज नैरो, ब्रॉड सेगमेंट स्कोप रखना है या नैरो सेगमेंट स्कोप रखना है। देन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या बोलता है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो देखो कस्टमर क्या बाई करना चाहते हैं। मैंने अपना ही एसटीएमपी का एग्जांपल लिया, भाई कस्टमर्स को क्या चाहिए और क्या आप कॉम्पिटिशन सर्वाइव कर पाओगे। इफ द आंसर इज यस, मतलब आपका परफॉर्मेंस सुपीरियर है और आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ला सकते हो। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहां से लाओगे, तो डिफरेंसिएशन से और लो कॉस्ट एडवांटेज से। यहाँ पे हमको क्वालिटी से मतलब है और यहाँ पे हमारा सिर्फ जो टोटल कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंसिएशन में एज आई सेड, या तो आप सुपीरियर क्वालिटी लेके आओ, सुपीरियर इनोवेशन लेके आओ, या अपने कस्टमर का रिस्पॉन्सिवनेस एकदम मस्त बढ़ा दो। एंड लो कॉस्ट में क्या होगा, या तो आप लोअर प्राइस चार्ज करो अपने कॉम्पिटिटर से, मार्केट शेयर को गेन कर लो और करंट प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करो, बढ़ा नहीं पाओगे, लेकिन अपने सप्लायर्स, अपने को कॉम्पिटिटर जितना ही चार्ज करो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ। किसी भी केस में आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते, या तो प्राइस अपने राइवल्स जितनी रखो या प्राइस उनसे कम रखो, उसको हम क्या बोल देते हैं, लो कॉस्ट एडवांटेज। अ रिफाइनरी विच हैज सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैन प्रोसेस लो ग्रेड क्रूड टू प्रोड्यूस ऑयल, सिंस लो ग्रेड क्रूड इज चीपर देन व्हाट द कॉम्पिटिटर्स पे फॉर हाई ग्रेड क्रूड, कंपनी माइट बी इन अ पोजिशन टू चार्ज लोअर प्राइस। एक मस्त मशीन लेके आ गई मैं, जिससे क्या होगा कि मैं सस्ता क्रूड भी अच्छे से प्रोसेस कर पाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो कॉस्ट एडवांटेज आ जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट इनसाइड आप लोग खुद से पढ़ लेना। नाउ दिस इलस्ट्रेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे दो कंपनी दिया है, फर्म WD और फर्म WG, और हमको पूछा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी कौन यूज कर रहा है, कौन लीडरशिप यूज कर रहा है, कौन डिफरेंसिएशन यूज कर रहा है। तो एज आई सेड, देखो दोनों के प्रॉफिट्स एकदम सेम है, डिट्टो सेम प्रॉफिट है, लेकिन आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन रुपीज से नहीं देखना है, ए ऐसा 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 पागल मत हो जाना। यहाँ पे रेवेन्यू 20 लाख है, यहाँ पे रेवेन्यू 40 लाख है, हम फिगर से कंपेयर नहीं करेंगे, हम रेशियो से कंपेयर करेंगे। सीधी सी बात है कि कंट्रीब्यूशन रेशियो किसका ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन रेशियो इसका ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट रेशियो इसका ज्यादा है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, जिसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा,
उसको हम क्या बोल देंगे कि वो डिफरेंसिएशन स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पैसे लगे होंगे R&D में, इनोवेशन में वगैरह में। अमाउंट देख के नहीं करना, ये अमाउंट देख के नहीं करना, रेशियो निकाल के करना पड़ेगा। 20 लाख 40 लाख कंपेरेबल ही नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन हायर, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो हायर, जिसका फिक्स कॉस्ट रेशियो हायर, तो सीधी सी बात है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग डिफरेंसिएशन स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो कम, फिक्स कॉस्ट रेशियो कम, मतलब वो क्या कर रहे हैं, भले अल्टीमेटली सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट एडवांटेज लगा रहे हैं। नाउ वैल्यू चेन अप्रोच कौन कौन सी हो सकती है? इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल डिफरेंसिएशन और वर्टिकल लिंकेज। इंटरनल कॉस्ट हम पढ़ लिए क्या? हाँ हम पढ़ लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ए पावर बैच है अंदर का नहीं पढ़ा रही, पावर बैच है अंदर का नहीं पढ़ा रही, इतना सा थोड़ा सा सेल्फ रीड करना है, लर्न सब कुछ हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि फर्म का वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कौन सा है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे हमको एक्चुअली वैल्यू मिल रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई, डिटरमाइन कर लो कि टोटल कॉस्ट, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमको अकाउंटिंग अच्छा चाहिए, हमको लीगल अच्छा चाहिए, तो भाई अकाउंटिंग के लिए क्या ERP सिस्टम लाना पड़ेगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी, क्या प्राइस होगी, ये सब आप लोग देख लो। उसके बाद हर एक चीज के लिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो ना, हो सकता है एक ही प्रोसेस के लिए मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स भी हो, विच इज वेरी वेल पॉसिबल। कॉस्ट ड्राइवर के बाद आप क्या करो, प्रोसेसेस के बीच में लिंक बिठाओ, प्रोसेस के बीच में लिंक बिठाओ, एंड अल्टीमेटली क्या करो, रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहाँ पे मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी देखो और अचीव कर लो। इंटरनल डिफरेंसिएशन एनालिसिस में क्या बताया कि भाई वैल्यू क्रिएट तो करनी ही है, लेकिन किसके लिए? कस्टमर के लिए। यहाँ पे भी हम वैल्यू क्रिएशन देखते हैं, लेकिन किसके लिए? तो फर्म के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देख लो कि भाई हमारे पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है जिससे हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। हो सकता है कि मैं एकदम फीचर्स मस्त दे दूं, या तो फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जोरदार हो जाए, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो जाए, मेरा ब्रांड इमेज बहुत मस्त बन जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंसिएशन गेन कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली देख लो आपके लिए कौन सा बेस्ट सस्टेनेबल है वो आप चिपका दो। वर्टिकल लिंकेज क्या बोलता है? वर्टिकल लिंकेज वही बोलता है जो मैंने आपको बताया कि भाई आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ समझ लो, सिर्फ इंटरनल पंचायत नहीं करनी है हमको, फुल फुल इंडस्ट्री की पंचायत करनी है। सो कंपनी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली ऑफ इंटरनल बट ऑफ इंडस्ट्री वैल्यू चेन ऑल्सो। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे सप्लायर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे अपस्ट्रीम में कौन है, हमारे डाउनस्ट्रीम में कौन है, सबका हम समझ लेंगे, एंड कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं ये हम देख लेंगे। नाउ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं? तो भाई विजन, मिशन ऐसा बोलता है व्हाई डज द कंपनी एग्जिस्ट, भाई कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, ये इसका मिशन है कि भाई कंपनी का रीजन टू बी क्या है, इसको हम मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड विजन स्टेटमेंट क्या होता है कि विजन स्टेटमेंट होना चाहिए चैलेंजिंग, एम्बिशियस और मोटिवेटिंग भी होना चाहिए कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट कंपनी वुड लाइक टू अचीव। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, प्रिसाइज होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए कि भाई कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, और ऐसा होना चाहिए कि हमारे मिशन और विजन को ये हेल्प कर सके। एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है, ये जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लिया था ये भी यहीं से उठाया है, मेरा घर का कुछ भी नहीं है, तो आप खुद से पढ़ सकते हो कि भाई कंप्यूटर क्या है, प्रोडक्ट है, तो हमको फोकस बदल देना है, प्रोडक्ट फोकस नहीं रखना है लेकिन हमको कस्टमर फोकस रखना है। एंड ये रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट भगवान का आदमी है, उसको हर एक काम आना चाहिए। मॉड्यूल के साथ भी डन डन डन, अभी तक अभी हमारे पास और आधा घंटा बचा है जिसमें अब हम मस्त आधे घंटे चैप्टर 1 की केस स्टडीज सॉल्व करेंगे। मजा आया क्या, मॉड्यूल से भी हो गया, नोट्स से भी हो गया, लर्न भी हो गया, चार चार पांच पांच बार आपको रिविजन करवा चुकी हूँ चैप्टर 1 का। तो जल्दी जल्दी से मेरे को बताओ, मजा आया, समझ में आया? अब केस स्टडी के लिए आगे बढ़े क्या? एक दो केस स्टडी भी कर ली जो एग्जाम्पल में ही दी हुई थी। टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चंस करने हम जा रहे हैं, आर यू गाइस रेडी? जल्दी जल्दी स्पैम करो कमेंट सेक्शन, फटाफट से स्पैम। पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया है हमने, इफ आप लोगों ने रियलाइज किया हो तो, 2-2.5 घंटे में जो भी पढ़ा, आई गेस 25 to 30 मिनट्स में लिख लिख के, एनोटेशन के साथ सारी चीजें बोल बोल के रिवाइज कर चुके हैं। इस स्पीड से रिवाइज करोगे तो एग्जाम के 1.5 डे पहले कैसे सिलेबस खत्म नहीं होगा, सब आराम से सिलेबस खत्म होगा, डोंट वरी। IDT भी कवर हुआ ही था ना, ये भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं मिल रहा है किसी को भी। फटाफट से हमको केस स्टडीज करनी है, चैप्टर खत्म हुआ लेकिन केस स्टडीज तो बाकी है, मेन तो यही है। स्पैम करो रे कमेंट सेक्शन, ऐसा इमोजी में मुझे डालो, थोड़ा आग वाग देख के मेरे को जोश आना चाहिए। जल्दी 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 आग डालो, वो जलता जलता दिल जो भी आता है ऐसा डाल दो सब फटाफट से। मजा आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो ठीक है, बोल दो मैम नहीं आ रहा है, क्या कर सकते, कुछ नहीं, आ जाओ। चलो सब फटाफट से हम करेंगे
अब पता चलना चाहिए कि भाई जो भी पढ़ा है वो अल्टीमेटली हम अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, केस स्टडी सॉल्व करेंगे। चल, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे क्वेश्चन है। लो, इन्होंने बता ही दिया कि क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे, कितने अच्छे हैं ये लोग, एग्जाम में नहीं बताएंगे ऐसे। आ जाओ, वायरलेस क्या है? वायरलेस है एक मैन्युफैक्चरर मोबाइल फोन का। पूरा ध्यान इधर, केस स्टडी पढ़ते टाइम पूरा ध्यान केस स्टडी पे ही होना चाहिए, ठीक है? आ जाओ, क्योंकि आपको किस लाइन में से क्या मिलेगा आपको नहीं समझ आएगा। जो भी बच्चे ब्रेक मांग रहे हैं, अब आपके लिए ब्रेक ही है, बिकॉज केस स्टडी का क्वेश्चन तो मुझे पढ़ना है। आराम से बैठो, फैल के और सुनो, आराम से फैल के बैठो और क्वेश्चन सुनो। आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है, आ जाओ ध्यान से। आप लोगों के लिए ब्रेक है 5 मिनट का, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, शांति से बैठो और सुनो। आ जाओ, मस्ता, चलो आ जाओ। वायरलेस इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स। कंपनी ऑपरेट्स इन अ मार्केट दैट इज डायनेमिक, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव और कस्टमर सेंट्रिक मार्केट है। मार्केट एकदम फ्रेगमेंटेड है ऐसे कस्टमर्स में जिनको सिर्फ बेसिक फीचर चाहिए, कोई मतलब नहीं है। बाबू को रात को फोन करना है और उनको फोन से कुछ काम ही नहीं है, उनको सिर्फ ऐसा फोन चाहिए भाई जो सस्ता हो, बेसिक सा फीचर दे दे। लेकिन सामने ऐसे लोग हैं जिनको एडवांस गेमिंग करना है, सब कुछ करना है, तो उनको ऐसा लेटेस्ट टेक्नो सेवी फोन चाहिए। तो मार्केट एकदम फ्रेगमेंटेड है दो टाइप के लोगों में, ऐसे लोग जिनको सिर्फ बेसिक फीचर्स चाहिए भाई, जो मिल जाए बाबू से बात हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो फुल टेक सेवी है, जिनको बहुत सारा अंदर फोन में फीचर्स भी चाहिए। हमने बनाए दो फोन, वायरलेस ने बनाए दो फोन, एक मोबाइल ए और एक मोबाइल जी। एक बनाया मोबाइल ए और एक बनाया मोबाइल जी। तो मोबाइल ए क्या है? मोबाइल ए हैज वेरी बेसिक फीचर्स दैट अ कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम अ फोन। कि भाई बेसिक, सबसे सस्ता कि भाई ठीक है, बटन वटन है, फोन लग जाएगा, बात हो जाएगी। और हम मार्केट भी इसको ऐसे ही करते हैं कि भाई प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर पाए। हम इसको मार्केट भी ऐसे ही करते हैं कि हम प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। देर आर मेनी अदर मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास सिमिलर प्रोडक्ट है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है तो दूसरे लोग भी होंगे ही। आराम से ध्यान ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। मैं बहुत धीरे धीरे से आपको केस स्टडीज करवाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं करवा पाऊंगी, ऐसे ऐसे पावर बैच है। जो भी केस स्टडी करेंगे ध्यान से करेंगे, ताकि आप जब घर पे करो तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए। आ जाओ, थैंक यू गाइज फॉर सो मच बॉम्ब, दिल, हार्ट, फायर, मस्त लग रहा है देख के, थैंक्स। चलो आ जाओ। Now, मोबाइल जी ऑफर्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मोबाइल जी है जिसका एकदम अट्रैक्टिव डिजाइन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वायरलेस हैज इन्वेस्टेड सब्सटेंशियल अमाउंट इन रिसर्च। आ गई बात, देखो बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया और बहुत सारी क्वालिटी है। अभी तक तो दिमाग की बत्ती जल चुकी होगी कि भाई सस्ता दे रहे हैं मतलब कॉस्ट लीडरशिप, और ये सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात आ रही है मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होगा। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना पढ़ के तो आपको ट्यूबलाइट हो ही गई होगी। सो इसको ऐसे ही मार्केट किया जाता है कि भाई नए नए प्रोडक्ट आओ और ट्राई करो। इसको कैसे मार्केट किया जाता है कि प्राइस कॉन्शियस लोगों को हम क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। द रिसर्च हैज ऑल्सो यील्डेड रिजल्ट्स वेयर बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मोबाइल डिजाइन ऑफ मोबाइल ए एंड जी कैन बी स्टैंडर्डाइज टू हैव सिमिलर कॉम्पोनेट्स। हमने ऐसे रिसर्च किया कि भाई हम प्रोडक्ट जी का रिसर्च कर रहे थे, तो हमको पता चला कि रिसर्च करते करते कुछ चीजें तो ऐसी है जो हम प्रोडक्ट ए पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड चीज है, कोई एडिशनल खर्चा नहीं लगेगा। This would enable wireless to enter into agreements with suppliers to provide components just in time components भी हम ले सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि मोबाइल ए का क्वालिटी भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा एंड हमारा सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग हैज गिवन कस्टमर्स कंप्लीट एक्सेस टू प्राइजेस ऑफ फोन्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। हम कुछ भी खरीदते हैं, हम जाके ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, एंड 70% सेल्स तो ऑनलाइन ही हो रहा है। टोटल सेल का 70% सेल ऑनलाइन हो रहा है, और ह्यूज डिस्काउंट है जो राइवल दे रहे हैं, जिससे वायरलेस को एक प्राइसेस रिड्यूस करने पड़े हैं। दिस हैज स्ट्रेच्ड इट्स प्रॉफिट मार्जिन। वेरियस कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स हैव बीन इनिशिएटेड टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। मोबाइल जी ऑन अदर हैंड इज करंटली डूइंग वेल, क्योंकि वो तो भाई नीश कस्टमर्स को टारगेट करता है, वो नीचे नहीं है, वो नीश है। NICH is not नीचे, it is niche, कि हम niche customers को target कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनको अच्छा हमसे quality चाहिए, पैसों का problem नहीं है, हमको pay करेंगे। तो wireless Z से तो कमा पा रहा है, लेकिन A में वही cost की मारामारी चल रही है। Wireless is also able to charge premium, इनफैक्ट मोबाइल Z पे तो वो premium भी चार्ज कर पा रहा है, मोबाइल A पे उसको huge discount देने पड़ रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज है कि भाई अब ये मोबाइल लैपटॉप सब कुछ है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑगमेंटेड रियलिटी का सब कुछ यूज होगा, ताकि यूजर बेनिफिट और अच्छा हो जाए। टेक्निकल स्टाफ एट वायरलेस फील दैट ये एक नया फ्रंटियर हो सकता है, एंड हमको शायद चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम रिडंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, पूरी केस स्टडी हम समझ गए। दो मोबाइल है, एक है मोबाइल ए, एक है मोबाइल जी। मोबाइल ए में हमको सिर्फ सस्ता देना है, बहुत डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल जी में हमको अच्छा प्रोडक्ट देना है, लोग पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी पूछी है
क्या गलती करोगे इसमें, क्या इसमें गलती करोगे कभी स्ट्रेटेजी में? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेटेजी हमको पता है मोबाइल ए के लिए है कौन सी, कॉस्ट लीडरशिप, और मोबाइल जी के लिए है प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन। आंसर देख ले फटाफट से। हाँ ये रहा, वायरलेस इज फॉलोइंग लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मोबाइल ए एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉर मोबाइल जी। नाउ क्यों, तो उसका आप रीजन दे दो कि क्योंकि हमको मोबाइल में क्या करना है, मोबाइल में हमको ए में क्या करना है, ए में हमको बहुत डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, लेकिन जी तो हम प्रीमियम पे बेच पा रहे हैं, ए में हमको क्या करना पड़ रहा है, ह्यूज डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, नहीं तो कस्टमर चले जाते हैं। उनको ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, उनको बेसिक चीजें चाहिए, लेकिन पैसा कम होना चाहिए। लेकिन जी में क्या है, तो मोबाइल जी में हम प्रीमियम पे भी बेच पा रहे हैं, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो ठीक है, हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन तो यही था कि कौन सी स्ट्रैटेजी किसमें फॉलो हो रही है। तो ए में हम फॉलो कर रहे हैं लो कॉस्ट, सी में हम फॉलो कर रहे हैं डिफरेंसिएशन। चलो इसके आपको फुल मार्क्स मिल गए। नाउ हर स्ट्रैटेजी में क्या रिस्क है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा नहीं, खुद से लिख सकते हो। हाँ, मोबाइल बी है ही नहीं, आकाश ए और जी है, देयर इज नो मोबाइल बी, ध्यान रखो। आईसीआई ऐसे भी कंफ्यूज करती है, आपने आंसर में भी लिख क्या हुआ के साथ, इट इज जी। आ जाओ, सो यहाँ पे अब रिस्क क्या हो सकती है, चलो बिना देखे, बिना देखे अपने हिसाब से सोचो कि अगर लो कॉस्ट एडवांटेज मैं दे रही हूं या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है। लॉजिकली सोचना है, बुक की जरूरत भी नहीं है। अगर लो कॉस्ट में मैं चीजें बेच रही हूँ, तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि मैंने प्राइस घटाई, सामने आके किसी ने और ज्यादा घटा दी तो मैं क्या करूं। मैंने प्राइस घटाई लेकिन किसी ने और ज्यादा आके घटा दी तो मैं क्या करूं। मैंने अपना कॉस्ट रिडक्शन का कुछ तरीका सोचा, सामने वाला मुझसे भी अच्छा कुछ लेके आ गया और कॉस्ट घटा दिया, तो ये कस्टमर तो भाई लॉयल है नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो एक पिज्जा ऑर्डर करने के पहले स्विगी जोमेटो चेक कर लेते हैं, कहां 10 रुपए कम लग रहे हैं वहां से पिज्जा मंगवाएंगे, तो ये लोग तो भाई टिकने वाले है नहीं। तो सबसे बड़ा रिस्क ही ये है कि भाई सामने वाला कॉस्ट घटाएगा, हमको घटाना पड़ेगा, एंड कहीं कॉस्ट घटाने के चक्कर में हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कॉस्ट घटाने के चक्कर में कहीं हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा रिस्क है। मैम ये चैप्टर में तो नहीं आया, हाँ नहीं आया, इसलिए तो एसपीएमपी टफ है, ये स्टडी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। मेन आपको कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन समझा दिया, उसके आगे पीछे का थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, भाई हम टेक्नोलॉजी लाए, हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी कोई और लेके आ गया, तो वो तो सबसे ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा पे करने को रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ मोबाइल जी विल स्टार्ट फॉलिंग, ये कहा गया, मोबाइल जी विल हैव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अगर इन कस्टमर्स, अगर ये कस्टमर्स भी प्राइस सेंसिटिव बन गए। हाँ ये भी एक पॉइंट है कि भाई एप्पल ठीक है, लाख लाख का फोन बेच रहा है, ठीक है, अब उसका घेला घेला हो जाए, उसको लगे कि मैं 4 लाख 5 लाख का फोन रखूं तो भी लोग पैसे देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये लोग अगर फ्यूचर में कभी भी प्राइस सेंसिटिव बन गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपकी एक तो फिक्स कॉस्ट फिक्स है, आपकी फिक्स कॉस्ट हाई है, लग गई है, जब तक कस्टमर आपको प्रीमियम दे रहा है तब तक खुश रहो। लेकिन अगर कस्टमर को सेम क्वालिटी कहीं पे कम प्राइस में मिल गई है और वो निकल लिया, तो फिर आपके अगर वो निकल लिया तो आप मुश्किल में आ जाओगे, तो भाई ध्यान रखो कि कस्टमर जिस दिन प्राइस सेंसिटिव हो गया उस दिन आपकी बैंड बच जाएगी। तो ये एक आपके लिए क्या है, ये एक आपके लिए रिस्क है। दूसरा रिस्क, कॉपी हो सकता है, आप टेक्नोलॉजी लाए, कोई और आपकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके आपसे सस्ते में दे सकता है, तो ये सारे क्या है, रिस्क है। तो वायरलेस इससे बचेगा कैसे, तो आईपीआर राइट ले लो, पेटेंट करवा लो, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचा के रखो, ताकि वो कॉपी ना हो जाए, रेप्लीकेट ना हो जाए, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, और एक रिस्क तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी आने वाला है, जिससे शायद हमारा सेल कम हो सकता है, ये तो उन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन इट्स करंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए, मोबाइल ए को सस्टेन करना है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे इसका आंसर था कि मोबाइल ए का हम प्राइस घटाते जा रहे हैं, ठीक है, प्राइस घटाते जा रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट कम लगे, लेकिन अब एक लेवल आ चुका है कि इससे कम कॉस्ट तो हम कैसे लगाएं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई हम जब रिसर्च कर रहे थे प्रोडक्ट जी के कस्टमर्स हमको पे कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम अच्छा खासा रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना इस रिसर्च का बेनिफिट हम ए में भी ले लें, क्यों ना इस रिसर्च का बेनिफिट हम प्रोडक्ट ए को भी दे दें। रिसर्च वहां पे एनीवेज हो ही रही है, एंड जैसे हमने देखा कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें हैं जो सिमिलर कंपोनेंट्स है, स्टैंडर्डाइज चीजें हैं, तो इसके लिए अलग से खर्चा क्यों करना है। तो जी के लिए जो खर्चा किया है वो ही हम ए के लिए यूज कर लेते हैं। दूसरा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन सेल हो रहा है, जैसे हमने देखा 70% सेल ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों स्टोर्स वगैरह का खर्चा करना है, आप ऑनलाइन पे भी अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, लो कॉस्ट एडवांटेज में कोई हमारी कॉपी कर लेगा
उसको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, करता है तो करने दो, क्योंकि हम ऑलरेडी खुद किसी की कॉपी करके लो कॉस्ट कर रहे हैं. कैन बी मेंटेन बाय कॉपिंग डिजाइन्स रादर देन क्रिएटिंग देम. डिजाइन्स क्रिएट मत करो, कॉपी करो और कॉस्ट अपनी कम रखो. यहाँ पे जो हमने मोबाइल जी से लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस लिए हैं रिसर्च करके, वो क्या करो, आप प्रोडक्ट ए पे लगा दो, जिससे आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, कॉस्ट भी कम रहेगी. बल्क परचेजेस करो, क्योंकि सिमिलर कंपोनेंट है, ए और जी में सेम कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ा कुछ कंपोनेंट आरएनडी से हमने सेम कर लिए, तो उनको बल्क में परचेस करो ताकि आप सस्ते में खरीद पाओ. ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी बेच सकते हो. नाउ सेकेंड, समझ में आया, समझ में आया क्या? यहाँ पे हमारी एक केस स्टडी खत्म हुई, यहाँ पे हमारी एक केस स्टडी खत्म हुई. आराम आराम से केस स्टडी पढ़ो, आंसर देखो. अब एग्जाम में, अब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई भी कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो आप उसको नहीं क्रैक कर पाओगे. सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ में तो आ जाएगा कि कहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन है. नहीं समझ में आता है तो एक आपको ट्रिक भी बताई कि कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट कहाँ ज्यादा है. अगर न्यूमेरिकल डेटा दिया है तो वहां से पकड़ लो. अब उसके बाद उसमें क्या रिस्क हो सकती है भाई, अभी मोबाइल बदल के कुछ भी और डाल दे तो रिस्क सेम ही रहने वाली है. रिस्क सेम ही रहने वाली है कि भाई डिफरेंशिएशन में कॉपी हो सकता है, कॉस्ट लीडरशिप में सामने वाला और कॉस्ट घटा सकता है, या हमारी क्वालिटी खराब हो सकती है. यही रिस्क रहने वाली है. एंड आप इसमें इंप्रूवमेंट्स वगैरह कैसे कर पाओगे, इसका आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाएगा. या तो फिर ये भी एक कॉमन पॉइंट आप रख ही सकते हो कि भाई ऑलरेडी हम एक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं, एक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं, तो क्यों ना उसकी ही लर्निंग्स हम लगा दें हमारे कॉस्ट एडवांटेज वाले में. अब आ जाओ सेकेंड, इसमें भी क्वेश्चन दे दिया है कि भाई वैल्यू चेन के ऊपर क्वेश्चन है. एक्स क्या है, एक लीडिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म है. इन्होंने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस कमेंस कर दिए हैं ईयर 1990 में. फर्म हैज अ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया. आहा, झकास, जोरदार, सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, रिटेल आउटलेट में और वेबसाइट पे, दोनों जगह पे ये लोग टॉयज सेल करते हैं. फर्म हैज बीन पायोनियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी इन टॉयज. मस्त क्वालिटी के टॉयज बनाते हैं, सेफ्टी वाले टॉयज बनाते हैं ताकि बच्चे खा भी जाए टॉय को तो कोई दिक्कत नहीं है. हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ टॉयज इन इंडियन मार्केट. नाउ एक्स मिशन इज टू इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टू स्पेंड ऑन टॉयज दैट एनेबल चाइल्ड टू ग्रो विद क्वालिटी टाइप टॉयज. ये लोग का मिशन क्या है, ये ऐसे सोचते हैं कि पेरेंट्स को फंसाओ, बच्चे तो बच्चे, उनको क्या पता चलता है, पेरेंट्स को फंसाओ कि भाई ये टॉयज मस्त है, खरीदो अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे का ग्रोथ होगा और पेरेंट्स खरीदेंगे, पेरेंट्स को फंसाओ. एक्स प्रोक्योर्स मटीरियल फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स. अलग अलग सप्लायर्स से हम मटीरियल लेते हैं. ऑल ऑफ द परचेस्ड मटीरियल आर डिस्पैच्ड टू इट्स वेयरहाउस लोकेटेड एट इट्स फैक्ट्री एंड हेल्ड देयर अनलेस दे आर मूव्ड टू प्रोडक्शन. बत्ती जली भाई, अलग अलग सप्लायर से खरीदने से अच्छा एक सप्लायर से बल्क खरीदो ना, जिससे आपको ज्यादा एडवांटेज मिल पाएगा, आपके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगा. केस स्टडी रिपीट होती है, हाँ होती है. रिपीट मतलब ऐसा सेम टू सेम नहीं आता है, बट कॉन्सेप्ट सेम आता है. सेम टू सेम केस स्टडी नहीं आती है, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर आते हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा कुछ पड़ा है एंड आप कर पाओगे. सेम नहीं आता, सिमिलर आता है, देयर इज अ डिफरेंस. तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं ट्यूबलाइट जली क्या, कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से छोटा छोटा क्वांटिटी ले, उससे अच्छा एक सप्लायर से बल्क क्वांटिटी लेते हैं ना, ताकि हमको क्या, हमको कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाए. दूसरा, हम वेयरहाउस में लाके रख देते हैं प्रोडक्ट, ऐसा क्यों करना है, जस्ट इन टाइम कर लो. देखो अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है, तो शायद आप लोगों को इतना लाइट ना हो, बट आगे दूसरे दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे जहां पे जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको ये चीजें और जल्दी से लाइट होने लगेगी. यहाँ पे आंसर में उन्होंने सीधा से लिख दिया होगा जस्ट इन पॉइंट, पर वो चैप्टर वन का पार्ट नहीं है, पीछे का पार्ट है, बट एग्जाम में तो सब कुछ कुछ भी मिक्स आ सकता है, तो ध्यान रखो. आ जाओ, ये एक क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा. तो वेयरहाउस में हम लाके क्या करते हैं, चीजों को रख देते हैं, और जब चाहिए होता है तब यूज करते हैं. After production is completed, finished toys को हम मूव कर देते हैं एक्स के रिटेल आउटलेट पे ओन व्हीकल से. हम हर एक वीक रिगार्डलेस ऑफ वेट हम सेम टॉयज भेज देते हैं. हम पूछते ही नहीं है कि भाई आपको चाहिए या नहीं, रिटेल आउटलेट्स पे टॉयज बिके हैं या नहीं बिके हैं, हम तो भेज देते हैं. हमारा फिक्स है, हर वीक हम टॉयज भेज देते हैं. फिनिश टॉयज आर सोल्ड थ्रू एक्स वेबसाइट आर डिस्पैच टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. नाउ एक्स को रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उसको एक नया टॉय बनाना है, टीवाईजी, एक मिनी कार्टून है. भाई हम छोटा भीम नाम रख रहे हैं, छोटा भीम का एक मिनी कार्टून बनाना है जो कि एक फेमस इंटरनेशनल कैरेक्टर है. एक्स हैज नॉट बीन गिवन एनी टारगेट प्राइस, हेंस इट इज फ्री टू सेट एनी सेलिंग प्राइस. वो कुछ भी सेलिंग प्राइस रख सकता है, लेकिन जो भी सेलिंग प्राइस रखता है उसमें उसको 10% रॉयल्टी देना है सेलिंग प्राइस का. और एक्स इज प्लानिंग टू सेल टीवाईजी थ्रू इट्स रिटेल आउटलेट्स ऑल्सो. नाउ एक्स हैज डिसाइडेड कि वो टारगेट कॉस्टिंग फॉलो करेगा. टारगेट कॉस्टिंग मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेलिंग प्राइस 1750 रखना है, मुझे अपना सेलिंग प्राइस 1750 रखना है, जिसमें 10% तो रॉयल्टी देनी है और 25% सेल पे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए.
17750 का मुझे सेलिंग प्राइस रखना है, 10% तो रॉयल्टी देनी है हमको पता है, और 26% प्रॉफिट का हमारा टारगेट है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई ये जो जो मटेरियल चाहिएंगे, जो भी चीजें हैं उनका इतना इतना कॉस्ट लगेगा, तो अब बताओ हमको क्या करना है। प्राइमरी एक्टिविटीज पूछी है, तीन प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन वाली, तीन प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन वाली। सबसे पहले मेरे को बताओ वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल, और सर्विसेज। अब ये टॉय में कुछ सर्विस का काम है क्या, टॉय में कुछ सर्विस का काम है क्या, द आंसर इज नो। तो सबसे पहला आ जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। एंड यहाँ पे ऐसे जैसे आई सेड कि भाई लाके रखना क्यों है, एक काम करो जस्ट इन टाइम पे चले जाओ। एंड अलग अलग सप्लायर से क्यों लेना है, अच्छे सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ और फटाफट से ढंग से माल मंगवाओ। तो यहाँ पे आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के वैल्यू चेन में ये एडिशन कर सकते हो। आउटबाउंड में हमारी क्या गलती है, हम पूछते ही नहीं है। आउटबाउंड में हमारी क्या गलती है, हम रिटेलर को पूछते ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, हम हर वीक भेज देते हैं। तो ये क्यों करना है, जितनी जरूरत है उतना ही भेजो। अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों करनी है, जरूरत नहीं है तो मत भेजो। एंड सीधी सी बात है, मार्केटिंग एंड सेल्स क्यों, क्योंकि हमको इंटरनेशनल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, वेबसाइट के थ्रू चीजें बेचनी है, तो यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा मार्केटिंग एंड सेल्स। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ऑपरेशंस की बात नहीं हुई है, आप मेंशन करो तो भी कोई गलती नहीं है, आफ्टर सेल की तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। एंड क्वेश्चन में पूछा ही तीन है, क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ तीन पूछी है प्राइमरी एक्टिविटीज, तीन प्राइमरी एक्टिविटीज पूछी है, तो तीन में सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सी हो रही है। इनबाउंड ठीक है जिसके रिलेशन में हमको कुछ गैप्स दिखे, आउटबाउंड ठीक है कि भाई बिना पूछे भेज देते हैं, एंड मार्केटिंग क्यों, क्योंकि हमको बच्चों को अट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारा मेन विजन ही मिशन ही यही है कि हमको क्या करना है, बच्चों को अट्रैक्ट करना है, मतलब हमको अच्छा मार्केटिंग करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना है। ये हो गई हमारी तीन प्राइमरी एक्टिविटीज, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं ये आप उनको सजेस्ट कर दो। अब हमको ये टारगेट कॉस्टिंग करना है, तो देखो कितना गैप आ रहा है कॉस्ट का, हमारा सेलिंग प्राइस हम क्या सोच रहे हैं 1750 हमने सोचा है, जिसमें से हमको 10% का तो रॉयल्टी देना है, तो 175 का हो जाएगा रॉयल्टी, और 26% प्रॉफिट है। कैल्सी निकाल लो, कैल्सी भी लाना था मैम, आपने बोला नहीं, ए कॉस्टिंग करने बैठे हो, कैल्सी तो लाना है, तो आ जाओ 1750 का 26% यानी के 455 का है हमारा प्रॉफिट का टारगेट। तो 455 प्लस 175 माइनस कर लेते हैं 1750, तो 1120 मेरा टोटल कॉस्ट होना चाहिए। मेरा टारगेट कॉस्ट क्या है, मेरा टारगेट कॉस्ट है कि अगर 1120 में मेरा टॉय बन जाता है तो मजा आ जाएगा, रॉयल्टी पे हो जाएगी, जितना प्रॉफिट चाहिए मिल जाएगा। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट में 150.5 का एक मटेरियल है, 122.5 का एक मटेरियल है, अदर मटेरियल में क्या बोला है कि भाई ईच टीवाईजी में 0.7 किलो का मटेरियल चाहिए और 280 पर केजी का प्राइस है, ठीक है। एंड जितना भी हम लाते हैं उसमें से 5% तो खराब हो जाता है, तो 0.7 मुझे एक किलो चाहिए मल्टीप्लाई बाय 280 उसका भाव है, 196 आया, लेकिन ये 196 क्या होगा, ये तो 95% ही होगा ना, क्यों, क्योंकि मुझे तो 5% तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो 196 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 95%, यानी 206.31 आया। ये आप लोगों का आया क्या, ये समझ में आया कि भाई जितना हम लाएंगे उसका 5% खराब हो जाएगा। अब अगर मुझे 95 चाहिए जिसके लिए मुझे 100 लाना पड़ता है, तो भाई 0.7 इंटू 280 अगर मैं करती हूं तो वो 95% ही हुआ, तो उसका 100% कितना होगा, ये यहाँ पे मैंने निकाल लिया अदर मटेरियल का कॉस्ट। उसके अलावा लेबर इन लोगों ने डायरेक्टली दे ही दिया है 420, बाकी सब भी 132.3 और 166.6, इसका हम टोटल कर लेंगे, इसका फटाफट से टोटल करो, तो 150.5 प्लस 122.5 प्लस 206.31 प्लस हमारा 420 प्लस 133 ही डायरेक्ट कर दिया मैंने एंड प्लस 166, ये क्या आ गया हमारा 1198 आ गया, जिसमें से माइनस कर दो 1120, यानी 78 रुपीज का कॉस्ट गैप हो रहा है, 78 रुपीज का कॉस्ट गैप हो रहा है। हमारा टारगेट कॉस्ट था कि 1120 में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, टारगेट कॉस्ट था 1120 में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन मैंने मेरी सारी एस्टिमेटेड कॉस्ट का टोटल किया तो 1198 हो रहा है, मतलब कहीं कहीं से कुछ ना कुछ मुझे करके 78 रुपीज का कॉस्ट गैप कम करना है। चेक कर लो, हाँ चलो 78.22 का मुझे कॉस्ट गैप कम करना है, डन।
आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। वैसे तो सेशन 4 घंटे का है, 11:30 तक चला सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा लोड नहीं लेते हैं, खत्म करते हैं यहीं पे सेशन। आप लोगों को क्या करना है, केस स्टडी डाइजेस्ट, ऐसे बीओएस पोर्टल पे जाओगे तो एक केस स्टडी डाइजेस्ट आप लोगों को मिलेगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन केस स्टडी 1, अरे यार ये तो जीएसटी खुल गया, सॉरी, हाँ ये रहा, केस स्टडी डाइजेस्ट खोलनी है आपको, और यहाँ पे आपको केस स्टडी 1 कर लेनी है और केस स्टडी 4 कर लेनी है। ठीक है, केस स्टडी 1 और केस स्टडी 4 आपको करके आना है। ठीक है, केस स्टडी 1 और केस स्टडी 4 आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके आना है। केस सिनारियोज में से भी, हाँ चैप्टर 1 जब खत्म होता है, पीछे आप देखोगे ना तो उसमें लिखा ही है, मॉड्यूल में ही लिखा है, मॉड्यूल में ही लिखा है कि कौन कौन से केस सिनारियोज है जो चैप्टर 1 के हैं। आई गेस 19 नंबर का भी कुछ लिखा होगा, तो देख लेना, यहाँ पे भी देख लो, लो कॉस्ट एडवांटेज डिफरेंशिएशन यही चल रहा है, इजीली आप कर पाओगे कि भाई चार्ज करो लोअर प्राइस, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिट्टो वर्ड्स है, मैच कर लो या लोअर प्राइस चार्ज करो, डिट्टो डिट्टो वर्ड्स है, तो एज सच कुछ है नहीं, सब कुछ सेम टू सेम ही है, तो कर लेना। चलो ठीक है, कल लेक्चर क्यों नहीं होगा, ओ भाई लेक्चर रोज होगा, लेक्चर हमारा रोज होगा, लेक्चर में कोई छुट्टी नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे सब होगा। क्या काम है आप लोगों को, फर्स्ट में से एग्जाम है, फर्स्ट में से एग्जाम है, ग्रुप टू वालों की भी 11 में से एग्जाम है, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। देखो अगर मैं चाहती पूरा खत्म करके, मैंने आधे घंटे में आपको रिवाइज करवा दिया था, 2 घंटे की चीज मैंने आधे घंटे में रिवाइज करवा दी थी, तो इफ आई वुड हैव वॉन्टेड तो चैप्टर 1 मेरे लिए 1 घंटे का काम था, चैप्टर 1 मेरे लिए 1 घंटे का काम था, जिसमें आपको लगता भी नहीं कि हम स्पीड से गए, क्या जरूरत थी सब कुछ 3-3 बार बुलवाने की, बिकॉज आई वॉन्टेड आपको लर्न हो जाए, एक एक बार बुलवा के भी मैं खत्म कर सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आई वॉन्टेड कि आपको पावर बैच में, शायद पावर बैच जैसा फील ना आए, आप अच्छे से चीजों को कवर कर पाओ। अब घर जाके आपको क्या करना है, ये नोट्स अभी टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, अच्छे से प्रॉपरली बैठो। अब मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा लगेगा, आधे घंटे से ज्यादा लगेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, सब में छुट्टी होती है, नहीं आईडीटी में भी संडे चालू था, आईडीटी में भी संडे हमारा पावर बैच चालू ही था, मैं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं रखती हूँ, 12 दिन बोला है, 12 दिन में बात खत्म कर देंगे। ठीक है, सो वो हम खत्म कर देंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। टेंटेटिवली 12 दिन का टारगेट है, जिसमें लास्ट दिन बफर के लिए रखा है, लास्ट दिन बफर के लिए रखा है, मतलब एडिशनल केस स्टडीज आप ये सब कुछ सॉल्व करोगे, जिसको जो डाउट आते हैं सब कुछ हम लेंगे आराम से, 4 घंटे हम केस स्टडीज ही डिस्कस करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा लास्ट डे पे, अगर सब कुछ हमारा शेड्यूल के हिसाब से चलता है तो। ठीक है, कल एक दिन और यूट्यूब पे ओपन सेशन रहेगा हमारा, परसों से हम फास्ट ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज कल संडे है तो कल क्रेडेंशियल्स आप लोगों को शायद मिले ना मिले, फास्ट की छुट्टी होती है संडे के दिन, मतलब मेरा चालू है बट ऑफिस बंद होता है, तो इसलिए कल एक दिन और यूट्यूब पे रख लेते हैं, शायद किसी को नए एनरोलमेंट्स लेने हो, जो भी करना हो, मंडे से हम शिफ्ट हो जाएंगे फास्ट की ऐप पे। तो फास्ट की ऐप के लिए आप लोगों को ईमेल पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल चुके होंगे, नहीं मिले हैं तो आजकल में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से हम फास्ट ऐप पे कंटिन्यू करेंगे, आज का सेशन यूट्यूब पे हो गया, कल का भी सेशन सेम टाइम 7:30 to 11:30, उठ जाना जो रहता है उठने में, आज जो भी बच्चे लेट आए हैं, आज जो भी लोग 8-8:30 बजे आए हैं, कल से सब 7:30 आ जाएंगे, एंड ऐसे ऐसे भूख के पेट नहीं आना है, बिकॉज बहुत मेहनत करवाऊंगी, बहुत चिल्लम चिल्ली होगी, आपको सब कुछ लर्न करना है, सब कुछ लर्न करना है, मेरे साथ चिल्लाना है, लिखना है, मार्क करना है, बहुत काम होगा, तो खा पी के आना आराम से, साथ थोड़ा जल्दी उठ जाना, नहाए बिना आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, नहाना मत भली, लेकिन खा के आना, ठीक है, खा के आना कुछ अच्छे से, चाय दूध नाश्ता जो भी करते हो, ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स खा के आना अच्छे से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2 मिनट स्ट्रीम चालू रख रही हूँ, एंड देन वी शैल एंड। तो कल नहीं मिले तो परसों फास्ट ऐप पे कैसे देखेंगे, अरे मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, दिक्कत होगी तो परसों भी यूट्यूब पे रख लेंगे, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे आप लोगों को लॉगिन क्रेडेंशियल्स, चिंता मत करो। टिप्स टू वेकअप अर्ली, गलत इंसान से पूछ रहे होगी तू, नहीं मैं मेरी एग्जाम के टाइम जल्दी उठ जाती थी, सी सबसे बेस्ट टिप ये होती है कि आपको ना सोच के सोना पड़ेगा कि मुझे उठना है तो ही आप उठ पाओगे, सिंस आफ्टर माई एग्जाम, मैं एग्जाम के टाइम पे रोज 5:30 उठ जाया करती थी, बट सीए और सीएफए खत्म हुआ उसके बाद आई वाज लाइक अब ठीक है अब जल्दी उठने की क्या जरूरत है, तो मैंने लेट उठना स्टार्ट कर दिया, एंड इतने टाइम से मुझे मुझसे नहीं उठा जाता था जल्दी, बट आज पता था पावर बैच लेना है तो मैं खुद 6:30 उठ गई थी। ठीक है, इतने दिन से मैं नहीं उठ पा रही थी, बट रात को मैं सोच के सोई थी, एंड इनफैक्ट मैं ये नोट्स बना रही थी रात को, तो मैं सोई भी आई गेस 1:30 या 2 बजे थी, पूरा चैप्टर 1 का नोट्स खत्म करके, सो आई स्लेप्ट एट 2, स्टिल आई वोक अप एट 6:30, क्यों, बिकॉज मुझे पता था मुझे बैच लेना है, आप वो सोच के सो, सबसे बेस्ट टिप,
दूसरा अपना शेड्यूल सेट रखो, डोंट डू दिस के आज 10 बजे सो गए, कल 11 बजे, परसों 9 बजे, जब तक 6 महीने, नवंबर से लेके मई तक एग्जाम आई थी, तब तक 6 महीने आई हैड अ फिक्स शेड्यूल कि भाई इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। एक शेड्यूल रखो, बॉडी को आदत हो जाएगी, और बाकी 4-5 अलार्म लगाओ, नहीं तो मम्मी को बोलो आके सुबह मुंह पे पानी डाले, ठीक है। नो एडिशनल व्यूज, नो, दिस इज अ लाइव स्ट्रीम, ये YouTube पे जो है वो YouTube पे रहेगा, उसके अलावा फास्ट ऐप में लाइव लेक्चर होके खत्म हो जाएगा, उसका आपको बैकअप नहीं मिलता है। जिनको रिकॉर्डेड लेक्चर लेना है तो रिकॉर्डेड के लिए क्या होगा, रिकॉर्डेड के लिए फीस ज्यादा होगी, लाइव की फीस 1000 है, अभी से बोलो रिकॉर्डेड की फीस समवेयर अराउंड 1500 होगी, बिकॉज एनक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह सब कुछ जाता है। रिकॉर्डेड में आपको 1.5 व्यू मिल सकता है, ठीक है। और कोई क्वेरी है, रिवाइज कैसे करना है एसटीएमपी, कर तो रहे हैं क्लास में, 4 घंटे में जो पढ़ा हमने अभी पूरा का पूरा मॉड्यूल के साथ, आपको अगर रियलाइज हुआ हो तो इस 4 घंटे के सेशन में हम 3 बार चीजें रिवाइज कर चुके हैं, ब्रेक पे जाने के बाद जो किया था सब कुछ रिवाइज किया, ब्रेक से आने के बाद फिर मॉड्यूल से फिर से रिवाइज किया, बोल तो रही हूँ साथ साथ में, तो रिविजन आपका मेरे साथ हो जाएगा, बाकी आप नोट्स मॉड्यूल पढ़ते जाओ और केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करते जाओ, पास्ट एग्जाम पेपर 1-2 देख लो, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, कोई भला इंसान अगर चैट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल सकता है तो प्लीज डाल दीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप लोग कॉपी करके डाल सकते हो तो प्लीज से डाल दीजिए, कोई कोई तो जिसको भी टेलीग्राम चैनल नहीं पता है वो ज्वाइन कर ले, अभी नोट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, आई विल बी एक्टिव फॉर 5 टू 10 मिनट्स टेलीग्राम पे, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया आज के सेशन का तो पूछ लेना। रिविजन क्लासेस होगी एससीएमपी की, लेकिन अभी नहीं होगी, लेट होगी, मेरा आईडीटी का रिवीजन चल रहा है, साथ में एससीएमपी का पावर खत्म होगा, पावर खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट विद रिवीजन सीरीज, तो एससीएमपी का रिवीजन आप लोग काफी लेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी, एग्जाम के पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड ऐसा नहीं एकदम एग्जाम टाइम पे, जल्दी से टाइम पे मिल जाएगा, यू विल हैव अ बफर, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो, और कुछ क्वेरी और कुछ डाउट, और वी शैल एंड दिस सेशन, कल मिलते हैं सेम टाइम 7:30 पे मिलेंगे, कल भी हम लोग सुबह होपफुली उठ जाना सब लोग, लेट मत आना, बिकॉज स्टार्टिंग में एक फ्लो बैठ जाता है, फिर लेट आते हो, बीच में ऐसा लगता है शिट मेरा कुछ छूट गया, शिट मेरा कुछ छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप पे, कोई भला इंसान चाहे तो यहाँ पे लिंक डाल सकता है टेलीग्राम ग्रुप की, ओके। नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन, सी यू ऑल टुमारो।